हेलो गाइस व्हाट्स अप क्या हालचाल है सबके आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन दिस इज योर एनवी सर एंड आज का जो वन शॉट है दैट इज द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ठीक है तो यार एक बार फटाफट बता दो यस yes, सबको आवाज आ रही है सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लास ठीक है आज एकदम बहुत बड़ा सेशन होने वाला है ठीक है ट्रिग्नोमेट्री हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम एडवांस लेवल तक हम इसमें सब कुछ कवर करने वाले बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे ठीक है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो देन ऑल्सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वीडियो इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे ठीक है ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक ठीक है एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड डेफिनेटली मतलब जैसा हमारा हर हर एक वन शॉट होता है ठीक है ईच एंड एवरी वन शॉट इज वेरी वेरी स्पेशल एंड आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री एकदम भयंकर तरीके से खत्म करेंगे है ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको जब, चमक जाना चाहिए है ना तो ये जो चमका है एक बार हैश टैग लिख दो यार अपना जो हैश टैग है क्लास का है ना फटाफट एक बार चैट में लिख दो हैश टैग बाउंस बैक ऑल्सो एंड जल्दी से लेक्चर को शेयर भी कर देना सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लास है ना आज ट्रिग्नोमेट्री एकदम भयंकर तरीके से खत्म करना है ठीक है जितना भी टाइम लग जाए लगने दो लेकिन अगर आपने ये चैप्टर मास्टर कर लिया ना तो डेफिनेटली यार देखो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हर चैप्टर में है सो दिस इज अ मसाला काइंड ऑफ चैप्टर है ना जो किसी भी चैप्टर के साथ मिक्स कर देते हैं इवन कैलकुलस में आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर देते हैं है ना कैलकुलस में तो हर जगह ही मिक्स कर देते हैं तो बेसिकली मसाला टाइप का चैप्टर है ये आपको आना चाहिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को भयंकर तरीके से मास्टर कर लिया ना तो डेफिनेटली लाइफ हमारी आसान हो जाएगी जो जेई की प्रिपरेशन है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आज पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे एकदम बेसिक से एडवांस ठीक है एकदम बेसिक से एडवांस करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे एवरीथिंग विल बी देयर ठीक है एकदम बेसिक बेसिक जो फॉर्मुलाज है और इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे जो फॉर्मुलाज है उसको आप याद कैसे कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली टेंशन तो यही होता है ना कि सर फॉर्मूलाज तो है हमारे पास भी लिस्ट पड़ी हुई है लेकिन याद नहीं होता है सर तो ये जो फॉर्मूलाज है उसको कैसे याद करते हैं वो भी हम इस पर्टिकुलर वन शॉट में देखने वाले बहुत सारी ट्रिक्स होती है उसको आप यूज करके बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूलाज आप याद भी कर सकते हो ठीक है यस चलो हैश बाउंस बैक आज तो क्या बात है मतलब एनर्जी एकदम हाई लग रही है ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर वन शॉट डेफिनेटली uh, यार एक बार फटाफट फ़ड़ शेयर कर दो हार्डली इट विल टेक टू मिनट्स आप इसको डेफिनेटली हैश टैग बाउंस बैक यूज़ करना और शेयर कर दो एंड अगर कोई भी बच्चा ऐसा जिसने अनएकेडमी आइटम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना हमारा टारगेट है कि इसको बहुत जल्द एक लाख सब्सक्राइबर तक इसको फटाफट से पहुंचाना है ठीक है तो ये काम जल्दी से कर दो फटाफट से एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर अनएकेडमी आइटम्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे तो पीडीएफ नोट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो एंड जैसे ही आपका वन शॉट खत्म होता है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आई होप कि सब लोगों ने जो पिछला चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे अगर नहीं बनाए तो आपको बनाने हैं ठीक है शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो एंड ये जो शॉर्ट नोट्स है ये आगे चल के बहुत काम में आएंगे जैसे जैसे आपके एग्जाम आते जाएंगे ना तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी के लिए ये बहुत काम में आएंगे तो डेफिनेटली आप शॉर्ट नोट्स बना लेना साथ ही साथ अन पे मेरी जो प्रोफाइल है उसको आप फॉलो कर सकते हो अनअकेडमी का जो लर्निंग ऐप है उस पर आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल हम कंडक्ट करते रहते हैं तो इज अगेन कंप्लीटली फ्री ठीक है स्पेशल क्लासेज उतनी ही फ्री है जितना की यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली आप अन का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो उसमें बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज भी चल रही है बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी होती है एंड ये सब कुछ कंप्लीटली फ्री है आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है तो अन का जो फ्री प्लान है उसको आप अनलॉक कर सकते हो एनवी टेन कोड यूज कर सकते हो तो आपकी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस अनलॉक भी हो जाएगी बहुत सारे रिसेंटली हमने प्रैक्टिस सेशन करे हैं अगर आपने पिछला वन शॉट देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन हमने स्पेशल क्लास में करे थे ठीक है उसके अलावा अगर कोई भी बच्चा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है ठीक है तो यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेज होती है, है ना टीचर आपके सामने है और पढ़ाई चल रही है आप चैट के थ्रू बातचीत कर सकते हो इवन वॉइस चैट का फीचर भी है तो तो वॉइस चैट का जो फीचर है उसको यूज करके अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हैंड रेस करके वॉइस चैट के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हो तो डेफिनेटली ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ठीक है लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड है डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है एवरी फोर्थ क्लास इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लास एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है जिसको आप हर संडे को दे सकते हो है ना संडे टू संडे बेसिस पे आपके आ, टेस्ट होते हैं जेई मेन और एडवांस लेवल के टेस्ट होते हैं है ना जैसा एक्जेक्टली exactly आपका जेई मेन में जेई एडवांस में पेपर आने वाला है वैसे पेपर आप हर संडे को यहां पे दे रहे होंगे ठीक है तो इफ यू यूर ज्वाइनिंग प्लेटफॉर्म तो आप लाइव क्लासेस तो कर ही रहे हो आपके डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो एंड मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हो प्लस हर संडे को आपकी टेस्ट सीरीज रहती है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी है परसेंटाइल कितनी है कौन सा चैप्टर आपका वीक है कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है है ना तो ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो एंड फिर उसको आप ग्रेजुअली इंप्रूव भी कर सकते हो ठीक है तो डेफिनेटली मतलब अगर आप ज्वाइन करते हो और आपको डीपीपीज मिल जाती है बहुत सारे होते हैं ठीक है तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी इफ़ यू आर कमिंग ऑन ऑनडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म बाकी यहाँ पे आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल जाता है ठीक है तो जो वाइब्रेंट क्लासेस के एजुकेटर्स है न्यूक्लियस के एजुकेटर्स है बंसल क्लासेस के एजुकेटर्स है, है ना इवन चैतन्य बैच भी स्टार्ट हो चुका हो चुका है ठीक है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो मल्टीपल बैचेस आर देर इलेवेंथ के ट्वेल्थ के जितने भी बच्चे हैं इवन जो ड्रॉपर्स भी है उनके लिए भी मल्टीपल है ऑलरेडी स्टार्टेड तो डेफिनेटली आप इसको एक बार एक्सप्लोर करो मल्टीपल बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा तो वंस यू द आप यहाँ पे मल्टीपल बैचेस में भी एनरोल करके पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है एंड uh, साथ ही साथ अगर रिजल्ट की बात करें तो यार आपको पता ही है कि ऑल इंडिया रैंक वन प्रोड्यूस किया था है ना अन तो अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है बहुत सारे बच्चों ने इसको लास्ट ईयर इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर भी यूज किया था और बहुत अच्छी अच्छी परसेंटाइल भी आई है ठीक है बहुत अच्छी रैंक आई है बहुत अच्छी परसेंटाइल आई है तो डेफिनेटली आप भी अगर आप इस प्लेटफॉर्म uh, को यूज करते हो तो आप भी अगले साल अपना जब 2022 का एग्जाम होगा तो आप भी मचा सकते हो ठीक है तो डेफिनेटली यार जो भी नाइन्थेंथ इलेवंथ वाले बच्चे वो एलिजिबल है दो साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जो ट्वेल्थ में है जो ड्रॉपर है वो ले सकते हैं एक साल का सब्सक्रिप्शन द कोड इज एनवी लाइव इसको आप याद कर लेना एनवी लाइव इज द कोड और डेफिनेटली इसको आप रिकमेंड भी कर सकते हो अगर आपके दोस्त लोग भी है जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मतलब एन वी लाइव रिकमेंड कर सकते हो यू कैन ज्वाइन द प्लेटफॉर्म बेस्ट ऑफ द बेस्ट द्लेटफॉर्म है इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं है ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे आपने बेसिक बेसिक जितनी भी चीजें पढ़ रखी है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री

तो बेसिकली एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें बहुत सारी साइड है मेनी साइड उसी को तो हम बोलते हैं पॉलीगन जैसे पेंटागन होता है है ना ऑक्टागन uh, होता है तो ये पॉलीगोन तो ट्राइगोन का क्या मतलब हुआ ट्राइगोन का मतलब एक ऐसा पॉलीगन uh, जिसमें तीन साइड है तो कौन सा ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें तीन साइड होती है इट इज अ ट्राइंगल है ना कौन सा ऐसा पॉलीगोन होता है जिसमें थ्री साइड आर देर ट्राईगोन समझ गए ना ट्राई का मतलब थ्री गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट ठीक है मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका सिंपल मतलब है कि हम यहाँ पे मेजरमेंट की बात करेंगे इन अ ट्राइंगल मेजरमेंट की बात करेंगे इन साइडल अब आप मुझे बताओ कि ट्राइंगल के अंदर हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं भाई ट्राइंगल कोई एक बहुत बड़ा डायग्राम तो है नहीं बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं ना तो क्या क्या हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इनसाइड अ ट्राइंगल इनसाइड अ ट्राइंगल वी कैन मेजर साइड्स साइड्स को कर सकते हैं या फिर एंगल्स को कर सकते हैं ना या फिर एरिया हम निकाल सकते हैं ना तो ये सारी चीजें हम बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं तो जो साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है ना उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें भी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट इन साइड द ट्राइंगल और ट्राइंगल में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं साइड्स एंगल्स उनका रेशियो फिर एरियाज ठीक है तो ये सारी चीजें बेसिकली हम मेजर कर सकते हैं ठीक है तो बेसिक डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबको पता है अब एक बात बताओ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं लेट्स अ साइड या एंगल तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है एक बार चैट में बताओ है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है अगर मुझे कुछ भी मेजर करना है है ना कुछ भी अगर मुझे मेजर करना है तो हम आ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हाँ यूनिट्स है ना तो सबसे पहले तो अपने को यूनिट्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर यूनिट्स ही नहीं है मान लो आपको साइड को मेजर करना है तो साइड का कुछ ना कुछ यूनिट होगा ना आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि ये जो साइड है वो पांच है पांच क्या मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर मीटर किलोमीटर क्या है ना तो यूनिट्स यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले देखो साइड को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट आपको पता है क्या अगर कोई भी एक ट्राइंगल मान लो ये ट्राइंगल है ठीक है तो ट्राइंगल के अंदर मुझे साइड्स को मेजर करना है वट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग साइड्स तो साइड के लिए तो ऐसा SI यूनिट क्या है मीटर है ना क्योंकि ये लेंथ लेंथ है तो को मेजर करने के लिए यूनिट SI होता है मीटर तो साइड को तो मेजर करना बहुत आसान है लेकिन एंगल एंगल को मेजर करने के लिए ऐसा SI यूनिट क्या होता है आप बता सकते हो क्या एंगल को मेजर करना है तो एंगल को मेजर करने के लिए वट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स एंगल के लिए ऐसा SI यूनिट होता है रेडियन आपने शायद पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिकली यहां से दे, देख सकते हो ठीक है यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल तो एंगल मेजरमेंट सिस्टम जो होता है उसमें बेसिकली तीन टाइप के सिस्टम है जो हम पढ़ते हैं एक इंग्लिश एक फ्रेंच और एक सर्कुलर सिस्टम भी होता है जिसमें रेडियंस होता है तो ये जो रेडियन है यही अपना एसआई SI यूनिट है ठीक है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो है रेडियन रेडियन इज द एस यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल अच्छा और भी बहुत तरह तरह के एंगल होते हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे हो जैसे डिग्री

तो 90 डिग्री फाइन ये कन्वर्जन आप सिंपल याद कर सकते हो बाकी अपना मतलब जो सिलेबस है जेई का उसमें ये फ्रेंच सिस्टम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे डिग्री और हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे रेडियंस के बारे में ठीक है तो ये दोनों के दोनों जो सिस्टम है उसमें हम इसको मेजर करेंगे ये बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें टेंथ स्टैंडर्ड लेवल की बेसिक बेसिक चीजें कन्वर्जन आपको पता है क्या है ना तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये बहुत ही सिंपल है वन डिग्री

ठीक है आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वन डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू मिनट्स एंड वन मिनट इज इक्वल टू सिक्स तो कन्वर्जन भी वैसा ही है, है ना मतलब ऐसी फील आती है जैसे पता नहीं हम टाइम के बारे में बात कर रहे बट हम यहां पे टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ये टाइम के यूनिट्स नहीं है अभी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं एंगल की तो एंगल में भी जो कन्वर्जन होता है वो सेम ही होता है आपको ऐसा लगेगा कि मतलब टाइम की बातें चल रही है बट नहीं

दिस इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री है ना रेडियन को रिप्रेजेंट करने का ये ये भी तरीका है बहुत सारी बुक्स में आपको ये वाला तरीका भी मिल जाएगा तो अगेन मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं बात करूँ नाइनटी डिग्री है ना इन सबक आप कन्वर्ट करो रेडियन में नाइनटी डिग्री सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री है ना वन ट्वेंटी डिग्री वन फिफ्टी डिग्री इसको हम फटाफट से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मुझे इसको जल्दी से कन्वर्ट करना है रेडियन में तो इसका कोई तरीका इवन फोर्टी डिग्री आप ले लो इन सबको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो सिंपल तरीका है आपको पता ना देखो आप अपने दिमाग में ऐसे किया करो ये बहुत ही बेसिक है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दिमाग में कैसे सोचना है 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन ठीक है 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन यहां पे बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए कि वो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे है ना ये कंफ्यूजन कितने लोग होता है बताना ये ये कंफ्यूजन कितने लोगों होता है कि सर कभी तो हम पाई बाई वन से कर देते हैं कभी आप मल्टीप्लाई करते 180 पाई से तो 180 से बट ये मेथड आप आप यूज ही मत करो करो ना तो सिंपल ऐसा सोचा कि 90 में आना है ना अपने को तो आप डिवाइड बाई टू कर दो है ना 180 को डिवाइड बाई टू कर दोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा तो यहां पे भी आप डिवाइड बाई टू कर दिया करो सिंपल है ना तो डिवाइड बाई टू कर दो ये आ जाएगा है ना 180 का हाफ कितना है 90 तो पाई का हाफ कितना हो जाएगा पाई बाई टू तो बस आंसर आ गया सिमिलरली यहां से यहां जाना है आपको तो 180 एटी डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन तो आप क्या कर दो वन थर्ड कर दो वन थर्ड इसको थ्री से डिवाइड कर दो थ्री से डिवाइड कर दो सिक्सटी तो और यहां पे भी थ्री से डिवाइड कर दो तो पाई बाई थ्री आ जाएगा सिमिलरली यहां से यहां जाना है तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है ना आपको मल्टीप्लाई और ये सब नहीं करना पड़ेगा और बाकी मेरे ख्याल से थर्टी सिक्सटी ये सब तो याद भी होगा आपको है ना कितने लोगों को याद है यहाँ पे पाई बाई सिक्स आ जाएगा सिमिलरली ये देखो वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी में भी अगेन आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आप अपने दिमाग में ऐसे सोचो 120 डिग्री है ना ये 120 मतलब 4 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना होता है 30 डिग्री होता है पाई 6 तो बस ये आ गया ये आ गया 2 पाई 3 आ जाएगा तो 120 डिग्री जो है वो 2 पाई 3 तो ये मेथड कितने लोगों को पसंद आया ये अच्छा मेथड है ना अगर आपसे कोई पूछे 150 अब 150 में आप पाई 180 से मल्टीप्लाई करने बैठोगे वो पता नहीं आंसर कब आएगा तो बेटर मेथड क्या होता है बेटर मेथड सिंपल ही होता है कि आप अपने दिमाग में सोचो कि दिस इज नथिंग बट फाइव इंटू थर्टी डिग्री और दिमाग में ऐसे करना है, है ना? और आधा नाइनटी का आधा मतलब ठीक है तो इस तरह से आप बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हो और दिमाग में कैसे प्रोसेसिंग करना है ये भी आपको चमक गया होगा ठीक है तो सिंपल सिंपल चीज है आगे बढ़ते हैं तो अगर कोई भी एक आर्क है मान लो ऐसा सर्क्यूलर आर्क है है ना तो लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला होता है ये सबको याद है क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो एंगल है इसको हम बोल देते हैं थीटा और इसका जो रेडियस है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं आर्क तो ये जो आर्क है उसका लेंथ अपने को निकालना है ये लेंथ है ना दिस लेंथ विल बी हाउ मच ये जो आर्क का लेंथ है ये सबको दिख रहा है क्या दिस लेंथ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस लेंथ तो ये जो लेंथ है ये लेंथ कैसे निकालते हैं लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ आर्क आर्क निकालने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है विच इज एल इक्वल टू आर इंटू थीटा यहां पर थीटा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस आपको रेडियन में सब्सटीट्यूट करना है अगर आपने गलती से भी मतलब डिग्री में सब्सटीट्यूट कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा ठीक है तो आर इंटू थीटा आर इंटू थीटा इज द फॉर्मूला बट थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस ये ध्यान रखना अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया

और यहाँ पे आप समझो लेंथ ऑफ आर्क ये क्या है This is the length of arc. ना तो इसका बेसिकली फॉर्मूला कैसे आया उसकी आपको फील आ जाएगी तो एक इस तरह का टेबल बना लो अगर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इफ दैट एंगल इज टू पाई सेंटर पे एंगल कितना बन, पे angle बन रहा है अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है टू पाई तो उस केस में आर्क लेंथ कितनी आएगी बताओ तो उस केस में आर्क लेंथ तो ये पूरी आ जाएगी ना ये पूरी आर्क लेंथ है तो ये जो पूरी आर्क लेंथ है 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 वो वो कितनी होती होता है, तो टू पाई पाई ठीक आप इस तरह से समझ सकते हो लेर अगर इसका रेडियस आर है तो टू पाई अगर एंगल बनेगा तो फिर लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगा यह आएगा टू पाई आर अगर एंगल थीटा बनेगा तो कितना आएगा फिर तो आप यूनिट्री मेथड लगा लो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू निकालना एक बार ठीक है तो यहां पे बोल देते हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैं एल बोल देता हूं कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इफ द एंगल एट द सेंटर इज एल या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर देखो आप ऐसे समझ लो कि अगर टू पाई एंगल है है ना आप मेथड ही लगा दो मिनट है ना आप इसमें यूनिट्री ही लगा दो कि अगर टू पाई एंगल है ऐसे समझ लो अगर टू पाई एंगल है तो आर्क का लेंथ है टू पाई आर तो अगर वन रेडियन होगा ये टू पाई रेडियन है अगर वन रेडियन एंगल है तो कितना आ जाएगा टू पाई आर डिवाइडेड बाई टू पाई आ जाएगा ये टू पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा

या थीटा इंटू आर ए की बात है बट इस फॉर्मूला में जो थीटा है वो रेडियन में है समझ गए ना तो आपको रेडियन में सब्सिट्यूट करना होगा अच्छा आगे बढ़ते हैं हैं अब बात करते एरिया एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर तो सेक्टर का अगेन आप इसको भी यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो ठीक है मान लो ये सेक्टर है इसका एरिया कितना होता है कोई बता सकता है क्या यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ पिज्जा पिज्जा की याद आ गई ये एंगल मान लो ये थीटा है ठीक है ये जो पिज्जा है इसका एरिया निकालना है तो एरिया कितना आता है वॉट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर आप आराम से निकाल सकते हो तो ये होता है हाफ थीटा आर है हाफ थीटा आर स्कर यहां पे अगेन जो थीटा है वो किसमें है अगेन जो थीटा है वो आपको रेडियन में सबस्टिट्यूट करना है अगर आप गलती से डिग्री में कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस पे भी अगेन अगेन ये कैसे आया? आप सिंपल अगेन ऐसे दिमाग लगाओ कि अगर 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 है, 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 तो 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 पूरा पूरा बन बन जाएगा. जाएगा. का का और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पूरे सर्कल का एरिया होता है r स्क्वायर ठीक है पूरा जो सर्कल है उसका एरिया आप लिख लो यहां पे पाई आर तो अगर वन रेडियन है तो टू पाई रेडियन है तो पाई आर स्क्वायर। वन रेडियन है यूनिटरी मेथड लगा है तो थीटा से कर दो, थीटा पाई, पाई, तो पाई, पाई कैंसिल हाँ तो से आप निकाल सकते हो कितने लोगों को समझ में आ गया ठीक है तो ये जो फॉर्मूला आता है वो दोनों ही फॉर्मूलाज यूनिटरी मेथड से निकल के आता है सिंपल यस हाफ थीटा आर यू साइन थीटा बाई कॉस्ट थीटा इक्वल टू टेन थीटा का प्रूफ सब सब आएगा अभी धीरे धीरे सब करेंगे ठीक है प्रूफ डेफिनेशन सब आएगा ठीक है अब बहुत सारी चीजें डेफिनेशन होती है बहुत सारी चीजें प्रूफ होती है हर चीज का प्रूफ नहीं होता और हर डेफिनेशन डेफिनेशन होती है ठीक है तो बहुत सारी चीजें आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ठीक yes, है यस चलो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्लियर है हाफ थीटा आर स्क्वायर लेंथ ऑफ आर्क जो है वो है एल इक्वल टू आर इन थीटा अब कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो चलो ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे धीरे मतलब चलो एक बार ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करो एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी है ना तो एपी का थोड़ा बहुत आपको आइडिया है क्या क्वार्रीलेटरल है तो आप एंगल्स को ऐसे अज्यूम कर लो अल्फा अल्फा प्लस डी अल्फा प्लस टू डी और अल्फा प्लस थ्री डी इस तरह से हम अज्यूम कर सकते हैं अगर अगर एक क्वारल एक है जिसके एंगल्स है एपी में है ना एक क्वारल है और इसके जो एंगल्स है वो एपी में है तो आप इस तरह से अज्यूम कर लो अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्सेप्ट एक इक्वेशन तो यहां से बनेगी कि सम ऑफ एंगल्स अगर क्वार्रीलेटरल है और क्वार्रीलेटरल के जो एंगल्स है वो एपी में है एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी और सम कितना प्लस सिक्स डी आ जाएगा दिस इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी इसका मतलब आप टू से डिवाइड कर दो टू से डिवाइड कर देंगे तो टू अल्फा प्लस थ्री डी दिस इज इक्वल टू वन एटी ये आ गया बेसिकली है ना टू अल्फा प्लस थ्री डी इज इक्वल टू वन एटी आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन इसको आप सिंपल बोल दो इक्वेशन नंबर वन तो एक इक्वेशन तो आ गई दूसरी इक्वेशन अपने को चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है अल्फा और डी तो अल्फा और डी यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी दूसरी इक्वेशन देखो यहां से आएगी अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल तो ग्रेटेस्ट एंगल मतलब ये वाला अल्फा प्लस सबसे बड़ा वाला एंगल दिस इज डबल दिस इज डबल द लीस्ट एंगल लीस्ट एंगल है अल्फा तो दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी है ना तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई यहां से आ गया अल्फा इक्वल टू थ्री डी और अपने को निकालने क्या है ये सेकंड इक्वेशन 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 आ गई ठीक है दिस इज नंबर और को सॉल्व करके अल्फा और डी निकाल लो सिंपल तो यहां पे पूछा है कि फाइंड आउट द लीस्ट एंगल वो भी रेडियन में बताओ अच्छा अपने को रेडियन में बताना है तो ठीक है बाद में रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो अल्फा का वैल्यू है थ्री डी तो यहां पे थ्री डी की जगह अल्फा पुट कर दो टू अल्फा और थ्री डी थ्री तो डी का वैल्यू है अल्फा दिस इज इक्वल टू वन एटी तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा? 180 3. 60 आ आ जाएगा डिग्री गया गया और ये तो डिग्रीज में आ गया. आपको फाइनल आंसर बताना है रेडियन में ये ध्यान से पढ़ लेना ठीक है रेडियन में फाइनल आंसर बताना है तो रेडियन में कितना आ जाएगा सिक्सटी डिग्री होता है पाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री ऑलवेज होता है पाई बाई थ्री आप ऐसे याद कर सकते हो मतलब जिन लोगों को याद नहीं है है ना सिक्सटी डिग्री इज पाई बाई थ्री और थर्टी डिग्री इस पाई बाई तो इसमें उल्टा होता है बेसिकली ये समझ गया ना अगर 60 है, तो, 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 तो याद ही कर लो 60 पाई बाई थ्री और थर्टी डिग्री पाई बाई बेसिक तो ये वाला क्वेश्चन आपसे आराम से हो गया आगे बढ़ते हैं एक एक और सवाल करते हैं ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो ये क्वेश्चन भी अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कंसिडर स्क्वायर ऑफ द साइड फोर सेंटीमीटर तो ये स्क्वायर है इसकी जो साइड लेंथ है वो फोर सेंटीमीटर है ये फोर सेंटीमीटर की साइड लेंथ है और ये स्क्वायर है तो चारों जो साइड है वो इक्वल है नाउ इफ अ मैन रन डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द स्क्वायर तो वन सेंटीमीटर पे वो चल रहा है बेसिकली एक आदमी है जो वन सेंटीमीटर डिस्टेंस पे चलेगा तो उस आदमी का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर से हमेशा वन सेंटीमीटर होना चाहिए तो बेसिकली मान लो यहां से स्टार्ट करता है 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 ना ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग में तो ये ऐसे ऐसे जाएगा है ना स्टार्टिंग में तो ऐसे ऐसे जाएगा ये जो डिस्टेंस है वो वन सेंटीमीटर है समझिए ना वन सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्क्र तो क्वेश्चन में बस आपको यही बोला है कि वो वो जो मैन है एट डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड स्क्वेयर तो जो साइड है उससे वन सेंटीमीटर दूर वो चलेगा अच्छा इस पॉइंट पे वो उसका पाथ क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे उसका जो पाथ हो जाएगा ऐसे चलेगा ना क्योंकि तभी तो उसका डिस्टेंस वन सेंटीमीटर रहना चाहिए हमेशा उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा वन सेंटीमीटर रहना चाहिए तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वन सेंटीमीटर है ये चमक गया ये कितने लोग चमक गया वन सेंटीमीटर का आर्क बनेगा वन सेंटीमीटर का आर्क बनेगा क्योंकि उसका डिस्टेंस हमेशा वन सेंटीमीटर रहना चाहिए ठीक है इसको और थोड़ा अच्छे से यहां पे लिख देते हैं तो वन सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑलवेज हमेशा उसका डिस्टेंस से वन सेंटीमीटर रहना चाहिए ठीक है इसके बाद इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद फिर से वो सीधा सीधा जाएगा है ना ये वाला डिस्टेंस भी फिर से वन सेंटीमीटर है यहां पे उसका पाथ कैसा हो जाएगा अगेन इट विल बी सम आर्क इस तरह का एक आर्क आ जाएगा फिर से उसका डिस्टेंस वन सेंटीमीटर यहां पे भी उसका जो डिस्टेंस है वो वन सेंटीमीटर यहां से फिर वो सीधा सीधा जाएगा और इस पॉइंट के बाद फिर से एक सर्कुलर आर्क ठीक है तो बेसिकली ये उसका पाथ है तो आपको बस यही बताना है हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रावल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कोई बता सकता है क्या कितना डिस्टेंस वो करेगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहां से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो ये तो चार सेंटीमीटर ठीक है ये ये डिस्टेंस डिस्टेंस वाली जो है ये भी चार सेंटीमीटर है ठीक है ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी चार सेंटीमीटर है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी चार सेंटीमीटर है ये समझ गया ना तो बेसिकली फोर इंटू फोर तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा डिस्टेंस दैट ही विल सिंपल क्वेश्चन है ये तो मेरे ख्याल चमक गया होगा तो बेसिकली आपको इसमें लेंथ ऑफ आर्क यूज करना पड़ेगा और ये जितने भी आर्क है वो कितना कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं यहां पे अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है नाइनटी डिग्री यहां पे भी नाइनटी डिग्री का एंगल है यहां पे भी अगर आप देखोगे तो नाइनटी डिग्री का एंगल है तो ये जो चारों आर्क है उसको अगर आप कंबाइन कर दोगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा ना ये कितने लोगो समझ मारा है

और आर का वैल्यू वन है तो अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा सिक्सटीन प्लस टू पाई और पाई का वैल्यू आप ले सकते हो है ना तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा कितना आएगा होना ट्वेंटी टू पॉइंट टू एट सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली मतलब ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज तो फाइनल आंसर देखो हमेशा सेंटीमीटर में अगर आप आंसर दे रहे हो ना तो आप हमेशा मतलब डेसिमल में या सिंप्लीफाई करके दो है ना क्योंकि अच्छा थोड़ी लगता है अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ये डिस्टेंस कितना है और आप बोल रहे हो सिक्सटीन प्लस टू पाई तो फील ही नहीं आएगी ना समझ रहे हो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है और आप बोलते हो सर वो टू पाई माइनस ई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग और ई e की पावर एक्स तो किसी को मजा आएगा क्या नहीं आएगा ना सिंपल रखो तो अगर आपसे कोई लेंथ पूछ रहा है तो ऑब्वियसली पाई और इन सब में आंसर मत दो उसका वैल्यू पुट कर दिया करो सुंदर आंसर आता है फील भी आती है कि हाँ भाई ट्वेंटी टू सेंटीमीटर चला होगा वो ये पाई वगैरह में उतनी फील नहीं आती है ठीक है तो प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा सा अपने को आंसर देना चाहिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप पाई का वैल्यू अप्रोक्सी पुट कर दो है ना बट हाँ अगर आपको हम अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते चलो एनी वे आगे बढ़ते अब बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन तो ये सो कटो सबको पता है क्या? याद करने का तरीका अगेन मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं

और इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिन्यूस तो कुछ लोगों ने ऐसे भी याद किया होगा परपेंडिकुलर अपॉन है ना उसमें भी कुछ कुछ ट्रिक्स होती है बट आप ऐसे याद कर लो सो कट होगा ठीक है थीटा कितना होता है सीक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हाइपोटिन्यूअस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ठीक है डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्वार थीटा और क्वार थीटा का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर दो रेसिप्रोकल कर दोगे तो तो ऑपोजिट ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना ये तो बहुत बेसिक बेसिक है तो अगर आप बोलोगे तो इसको जल्दी से आगे बढ़ते ये तो बहुत बेसिक. इसमें किसी को संपत्ति तो है नहीं सर आपत्ति विपत्ति बता दो अगर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है तो आगे बढ़ते है फिर ठीक है यस और नो ये तो सिंपल सिंपल चीजें है ना? आगे बढ़ते हैं फाइन ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा 10th स्टैंडर्ड में कुछ-कुछ बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज भी हमने पढ़ी थी एकदम बचपन अब आप बोलो कि सर वो बचपन वाले दिन याद मत दिलाओ इतने अच्छे हुआ करते थे है ना बस तीन आइडेंटिटी पढ़ के पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती थी एनसीईआरटी की तो मतलब हाँ वो बचपन वाले दिन आपको याद है क्या है? #बचपन बचपन का प्यार sin²θ cos²θ 1 सबको पता है sec²θ tan²θ इसका वैल्यू भी 1 है कोसी स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू वन तो अब ये बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है इसके डेरिवेशन और इन सब में जाने की जरूरत मेरे, मेरे को लगता नहीं कि जरूरत है मतलब है ना आई थिंक सब बड़े बड़े बच्चे आए क्या ठीक <laughs> है एक बार बताओ हमारी क्लास में सब सबको समझ में आ गया बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद है ठीक है और आगे बढ़ते हैं अच्छा हाँ ये जो आइडेंटिटी है ये इंपॉर्टेंट है ये आप जेई -E के लिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हो साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर ये होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस और साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स इसमें बस टू की जगह थ्री आ जाएगा square square. और ये आप आराम से निकाल भी सकते हो बेसिकली देखो कैसे निकालेंगे साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा तो यहां पर आप आइडेंटिटी बना लो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन है ना साइन का होल स्क्वायर

समझ गया ना यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ये वाली आइडेंटिटी कौन सी वाली आइडेंटिटी है ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर ये वाली A की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर इसको आप लिख सकते हो, A प्लस B का होल स्क् और माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्र तो इसको आपने यूज कर लिया सिंपल ठीक है तो आपका ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा सिमिलरली ये सेकंड वाला साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस्ट की पावर सिक्स देखो ये भी सिंपल है साइन की पावर सिक्स जो है ना साइन की पावर सिक्स को आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ऐसे लिख दो क्या बचपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यह बन जाएगा ए प्लस बी और यहां पर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा ना ये आप इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर लो साथ साथ तो रीअरेंज कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर लिख लो और माइनस ए बी है ना दिस इज द फॉर्मूला और ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये आइडेंटिटी लगा दो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा ए प्लस बी ठीक है ए प्लस बी तो ए का वैल्यू है साइन स्क्वायर और बी का वैल्यू है कॉस स्क्वायर तो ये जैसे ही आप लगाओगे आपका बन जाएगा ठीक है यहां पर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर थीटा का भी तो वो आ जाएगा sin की पावर फोर और प्लस की पावर फोर थीटा और माइनस ए बी तो माइनस ए बी मतलब ए बी मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो अल्टीमेटली ये आ गया अब इसका वैल्यू तो कितना है इसका वैल्यू तो वन है तो आप सिंपली सब्सिट्यूट कर दो वन और इसका वैल्यू अभी अभी हमने डिराइव किया साइन की पावर फोर प्लस की पावर फोर हमने कितना निकाला यहाँ पर देख लो ना साइन की पावर फोर प्लस यूज कर लो तो यहां पे सब्सिट्यूट कर देंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्टा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा तो कितने लोगों को चमक गया Hence, 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा तो आप नीचे लिख दो बड़ा बड़ा हैंस प्रूवड ठीक है इतनी खुशी मतलब एक फॉर्मूला डिराइव करने के बाद जो खुशी खुशी मिलती है ना वो मतलब अनकंट्रोलेबल है यस और नो फाइन सिंपल यस और नो मेरे ख्याल से ये चमक गया होगा सिंपल है आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद कर लेना मतलब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है इसको और इसको आप याद कर लो पहले एक बार वन माइनस टू याद हो गया क्या वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉक्र और वन माइनस थ्री साइन तो सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है और आगे बढ़ते हैं अब एक क्वेश्चन करते हैं हाँ, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ तो ये क्वेश्चन है जेई मेन टू थाउजेंड फोर्टीन का है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे अच्छा पहले तो आप खुद से एक बार ट्राई करो चलो है ना एक बार ट्राई करो लेटर सी की कितने लोग कर पाते हैं फाइन uh, जल्दी से कम ऑन फटाफट ठीक है जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है लेट से आपको 15 सेकंड्स में करना है ये क्वेश्चन उतना आसान है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा <laughs> अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हो बड़े आराम से कर सकते हो इनफैक्ट है ना कैसे करेंगे एक बार दिमाग लगाओ और बताओ काफी सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है विच इज वन बाई ट्वेल्व और कुछ लोगों का आंसर सी भी आ रहा है ओके okay. तो बी है आंसर या सी है देखो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका पता है क्या है क्वेश्चन uh, को करने का बेस्ट तरीका ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप ले सकते हो ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच में अगर आप के को जीरो ले लोगे तो आपका केवल साइन की पावर जीरो और कॉस की पावर जीरो आ जाएगा ठीक है तो साइन की पावर जीरो कॉस की पावर जीरो तो, तो पूरा कितना हो जाएगा वन वन हो जाएगा ठीक है तो वन बाई के आ गया ना K का वैल्यू ले लो कुछ भी यस yes, के uh, का वैल्यू ले लो या के का नहीं अच्छा के का वैल्यू तो यहां पे ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 4 और 4, 4 और का 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 नहीं वैल्यू वैल्यू ले लो आप बेसिकली पुट कर दो देखो पहला मेथड क्या है फर्स्ट मेथड इज द ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आप एक्स को ले लो है ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच में एक्स को जीरो पुट कर दो अगर एक्स को जीरो पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा एफ के

अगर अरे आप ध्यान से देखो ये सारे जितने भी ऑप्शन है वो सब कॉन्स्टेंट है क्या ऐसा कोई भी ऑप्शन है जो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो अगर x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो x का वैल्यू जीरो पुट करो ना यार जब x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे ऑप्शन तो x का वैल्यू जीरो पुट कर दो x का वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो आपको सिंपल देखो ये x का वैल्यू जीरो आप सिंपल ये सोचो एफ फोर माइनस एफ सिक्स निकालना है तो हमने जैसे ही X का वैल्यू तो गया 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 आ गया तो तो आ आ हो हो सिंपल डायरेक्टली आपका आंसर अच्छा अगर ऐसा नहीं करना है तो प्रॉपर मेथड से भी देख लो प्रॉपर मेथड से एफ फोर कितना आ जाएगा तो आप के का वैल्यू फोर पुट कर दो तो के का वैल्यू फोर पुट करोगे तो वन बाई फोर साइन की पावर फोर थीटा थीटा या एक्स बेसिकली जो भी आपको स्पेसिफाइड है, है ना, अपने को क्या स्पेसिफाइड है यहां पे सॉरी थीटा है ना थीटा की जगह आप एक्स ले लो बेसिकली तो साइन की पावर फोर एक्स प्लस की पावर फोर एक्स तो ये हमारा आ गया और सिमिलरली एफ सिक्स कितना है ये है वन बाई फोर, आ, वन बाई वन बाई के है ना तो वन बाई सिक्स और साइन की पावर सिक्स प्रॉपर मेथड से करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी तो पड़ेगा अब इसमें आप फॉर्मूलाज लगा के सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली अपने को ठीक है एफ फोर एक्स माइनस एफ सिक्स एक्स तो यहां पे आ जाएगा वन बाई फोर और इसका फॉर्मूला क्या है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्स ठीक है ये आ जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या है माइनस वन बाई सिक्स और इसका फॉर्मूला है वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वास तो आप देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा है ना दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड ये कितने लोगों को दिख गया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कितना है माइनस टू बाई फोर है ना ब्रैकेट को ओपन करोगे माइनस टू बाई फोर मतलब माइनस वन बाई टू आ रहा है और यहां पे अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस प्लस और थ्री बाई स आंसर तो कितने लोगों को चमक गया यस और नो ये कितने लोगों को चमक गया अरे फिजिक्स के लिए स्पैम हो रहा है अच्छा हाँ हाँ फिजिक्स टीचर भी आएंगे है ना बहुत जल्दी आ जाएंगे यस yes, अभी बहुत जल्दी फिजिक्स के जो टीचर है आ, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं फाइन थोड़ा सा टाइम आप दे दो ऑब्वियसली ठीक है तो उसके बाद फिजिक्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा फाइन बस आप अभी के लिए तो मैथ्स और केमिस्ट्री में थोड़ी लीड ले लो ताकि जब भी फिजिक्स टीचर आएंगे तो आप फटाफट मतलब फिजिक्स के सारे चैप्टर्स भी कवर कर सकते हो ठीक है ना चलो तो ये क्लियर है वन बाई ट्वेल्व इज द आंसर एक और क्वेश्चन ट्राई करो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसको एक बार ट्राई करना है ना दिस इज जेई मेन 2019 का क्वेश्चन इसको एक बार ट्राई करो यस yes. चमका ओके okay. चलो एक बार इसको ट्राई करना ये भी सिंपल क्वेश्चन है 2019 का है जेई मेन फाइन ओके डन सर आपको पता है कि यूट्यूब पे पोल हो सकता है यूट्यूब पे भी पोल बट स्पेशल क्लास में हम कर लेते हैं ना पोल जरूरत नहीं पड़ती ठीक है एंड ऑब्वियसली अगर हम पोल करने लग गए तो पता नहीं कितना लंबा वन शॉट चला जाएगा ठीक है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी करो और ज्यादा हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट आप आंसर बताते जाओ अगर आपका आंसर आ गया तो जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़ते ठीक है और अगर आपको मजा आ रहा है डेफिनेटली तो आप लाइक कर देना लाइक का बटन दबा देना फटाफट फड़। और चलो हाँ तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो इसको करने के लिए सिंपल आप साइन को मैं शॉर्ट में कर रहा हूं ठीक है शॉर्ट में कर देते हैं साइन थीटा को आप ले लो एस कॉस थीटा को आप बोल दो सी तो ये क्वेश्चन है आपका ठीक है अपने को निकालना क्या है ये निकालना है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे है फोर साइन की पावर सिक्स है ना तो इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू मैंने शॉर्ट में लिख दिया आप भी शॉर्ट में लिख दिया करो हमेशा ठीक है इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख दो तो ये कितना बन जाएगा अगर आप इसको देखोगे तो ये साइन माइनस कॉस का स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो आप इसको ये जो पावर फोर है ना पावर फोर को आप ऐसा कर दो स्क्वायर का भी स्क्वायर है ना साइन माइनस कॉस यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं ये स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख दो आप सिंस यहाँ पे पावर फोर है

इसको ओपन करेंगे तो वन का स्क्वायर वन इसका स्क्वायर आ जाएगा फोर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और मिडिल टर्म आएगा माइनस फोर साइन कॉस तो ये आ जाएगा बेसिकली होल स्क्वायर को ओपन कर दो ना आप सिंपल और यहां पे कितना है सिक्स प्लस ट्वेल्व साइन कॉस और यहां पे है फोर इंटू साइन की पावर सिक्स ठीक है तो ये आ गया अल्टीमेटली हमारे पास अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आई थिंक ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा अगर आप इसको ओपन करोगे तो थ्री इंटू माइनस तो ट्वेल्व आपको दिख रही है माइनस ट्वेल्व और प्लस ट्वेल्व तो ये कैंसिल हो गया ठीक है तो कम से कम एक हमारा जो टर्म है वो तो कैंसिल हो गया तो अब क्या बचा यहाँ पे देखो अब हमारे पास बच गया थ्री है ना अब हमारे पास यहाँ पे आ गया थ्री प्लस ट्वेल्व थ्री प्लस ट्वेल्व साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये ब्रैकेट को ओपन कर दो ठीक है ब्रैकेट को ओपन करो यहाँ पे सिक्स है और तो प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व साइन की पावर सिक्स तो ये आ गया बेसिकली हमारे पास अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे ना अब इसके बाद आप ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखो ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हर एक में ये वाला टर्म तो आ ही रहा है कॉस की पावर टू फिर ऐसे वाले ऑप्शन भी है जिसमें कॉस की पावर सिक्स कॉस की पावर फोर कॉस की पावर टू तो ज्यादातर ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो कॉस की पावर है तो बेसिकली आप यहां पे कोशिश करो कि आपका जो फाइनल आंसर है वो थीटा के टर्म्स में आए तो जितने भी साइन कन्वर्ट कर दो जैसे यहां है आप इसको क्या लिख सकते हो जितने भी साइन वाले टर्म्स है ना ये साइंस स्क्वायर को आप लिख देना वन माइनस स्क्वायर स्क्स सिक्स प्लस ट्वेल्व और यहां पे भी साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को आप लिख दो वन माइनस कॉ स्क् और इसका होल क्यों आ जाएगा चमक गया ना स्क्वायर स्क्वायर तो sin को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो सिंपल अब ये कितना है थ्री प्लस सिक्स तो नाइन यहां पे आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो ट्वेल्व स्क्वायर माइनस फोर और यहां पे आप लगा दो ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब तो ये आ जाएगा वन माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री कॉस की पावर फोर और माइनस कॉस की पावर सिक्स तो ये आ जाएगा अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे है ना यहां पे ये कितना बन रहा है ट्वेल्व एक मिनट यहां पे कुछ तो गड़बड़ है ट्वेल्व नहीं फोर आएगा ना ये फोर है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड करेक्ट कर लो इधर ट्वेल्व नहीं है फोर है ट्वेल्व नहीं आएगा फोर आएगा यस 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 इधर फोर आएगा ना दिस इज इस फोर इसका जो कोफिशेंट है वो फोर है ठीक है तो इसको आप करेक्ट कर लो अच्छा देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना माइनस ट्वेल्व कॉस स्क् और यहां पे प्लस ट्वेल्व सिमिलरली यहां पे देखोगे तो माइनस ट्वेल्व है और ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म बचेगा तो प्लस फोर और एक लास्ट वाला टर्म बचेगा तो माइनस फोर कॉस की पावर सिक्स तो अल्टीमेटली ये आ गया थर्टीन माइनस फोर कॉस की पावर सिक्स थीटा सो दिस इज द आंसर ठीक तो है ये आ, है तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा की पावर बी इज आपने कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा और यहां पे चालाकी के लिए थोड़ा सा आप शॉर्ट में कर लो अदरवाइज आप अगर एग्जाम में लिखने बैठ गए ना तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा टू साइन थीटा

तो 15 और साइन की पावर 4 ठीक है यहां पे क्या है 10 इंटू कॉस की पावर 4 दिस इज इक्वल टू 6 तो ये इक्वेशन अपने को गिवन है शॉर्ट में लिख दिया ठीक है तो ये इक्वेशन अपने को गिवन है अब ये क्या है दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो है ना आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो तो बेसिकली आप क्या करो uh, इसको तो एज इट इज रहने दो यहां पे लिखा हुआ है स्क्वेर का स्क्वेर। तो को आप लिख दो, है ना ये है स्क्वेर का स्क्वेर। तो का तो बस ये में दिख गया सब लोगों को साइन की पावर फोर यहां पे आ जाएगा टेन और इसको ओपन करो इसको ओपन करेंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वेयर प्लस साइन की पावर फोर दिस इज इक्वल टू सिक्स तो ये आ गया अब ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो फिफ्टीन साइन की पार फोर प्लस टेन माइनस ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी फाइव साइन की पार फोर like और, और, और ये वाला टर्म आ रहा है माइनस ट्वेंटी साइन स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने लोगों को दिख गया ये दिख गया ये क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स रूट निकालोग साइन जाएगा और अल्टीमेटली तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है ट्वेंटी पार फोर माइनस ट्वेंटी और प्लस फोर ठीक है तो प्लस हमारे पास आ रहा है फोर इक्वल टू जीरो आ रहा है ठीक है अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस अब ये जो है इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या ध्यान से देखो फाइव साइन स्क्वायर टू का होल स्क्वायर बन जाएगा ये अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने के बाद होल स्क्वायर बन आ जाएगा कितना तो यहां से आपके पास साइंस स्क्वायर अल्फा आ गया टू बाई फाइव ये आ गया सिंपल है ना टू बाई फाइव आ गया अगर साइंस तो स्क्त कितना आ गया वो आ जाएगा थ्री बाई फाइव मतलब वन में से माइनस कर दो ठीक है तो ये दोनों आ गए अगर ये दोनों आ गए तो यहां पे आप सब्सटीट्यूट कर दो अपने को अल्टीमेटली निकालना क्या है अपने को अल्टीमेटली जो निकालना है वो ये है है ना तो यहां पे निकाल देते हैं चलो ट्वेंटी सेवन और ये क्या लिखा हुआ है यहां पे है सी कल्फा तो बेसिकली आप इस, इसको ऐसे कर दो ना सी स्क्वायर अल्फा की पावर थ्री ठीक है और यहां पर है एट इंटू को सिक्स अल्फा है ना कोसिक स्क्वायर अल्फा और इसकी पावर थ्री तो ट्वेंटी सेवन और वैल्यू पुट कर दो बस तो सी अल्फा और को स्क्वायर अल्फा तो स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा इस, इसका उल्टा कर लो ना सिंपल तो स्क्वायर अल्फा विल बी फाइव बाई टू और सी स्क्वायर अल्फा विल बी फाइव बाई थ्री तो सब्सटीट्यूट कर दो बस वैल्यूज तो वैल्यूज को पुट करो और आंसर आ जाएगा तो बहुत ही चिंता क्वेश्चन है ये तो ठीक है तो वैल्यू उठाओ और यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो सी का वैल्यू कितना था इसका वैल्यू है बेसिकली फाइव बाई थ्री इसका होल क्यूब और प्लस एट इसका वैल्यू है 5 by 2, इसका होल क्यूब तो ultimately ये तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो ट्वेंटी सेवन और थ्री का क्यूब दिस विल गेट कैंसल्ड इसको कैंसिल कर लो ट्वेंटी सेवन थ्री का क्यूब एट और टू का क्यूब तो अल्टीमेटली बचेगा फाइव क्यूब प्लस फाइव क्यूब तो वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव अल्टीमेटली वॉट इज द आंसर टू फिफ्टी आ जाएगा है ना सो टू फिफ्टी इज द आंसर है ना इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन डी है ना ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन ही था यस और नो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यस सिंपल क्वेश्चन आप आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आप ध्यान रखो कि अगर साइन की पावर फोर और कॉज की पावर फोर है तो कॉन्सेप्ट क्या है साइन की पावर फोर भी है कॉस्ट की पावर फोर भी है तो कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है आपको दिख जाना चाहिए आपको दूर से ही दिख जाना चाहिए कि हाँ भाई ये तो क्वाड्रेटिक है अल्टीमेटली आप कन्वर्ट कर दो है ना पूरा साइन में कन्वर्ट कर दो या पूरा कॉस्ट में भी कर सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो वन माइनस कॉस्ट स्क्वायर उससे भी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक होता है बस आप इतना ध्यान रखो ठीक है और आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं चलो ये वाला क्वेश्चन है जेई एडवांस का है ना तो एडवांस का क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं ये भी सिंपल है इसमें भी वही है साइन की पार फोर और कॉस की पार फोर एक्चुअली मैं आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग बात ये जो क्वेश्चन है ना ये जेई मेन वालों ने बनाया है 2021 में ध्यान से देखना ये जेई मेन वालों ने बनाया है ये क्वेश्चन 2021 में और ये क्वेश्चन कब आया था एडवांस का ये क्वेश्चन आया था टू में और ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है अगर आप देखोगे ना तो दोनों क्वेश्चन सेम है तो अब आप यहाँ से मतलब सोच सकते हो कि जे मेन वालों ने है ना किस क्वेश्चन से अपना इंस्पिरेशन लिया और एक नया क्वेश्चन बना डाला ठीक है तो देखो ये वही वाला क्वेश्चन है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना इसको सिंप्लीफाई करो चलो तो ये लिखा हुआ है साइन की पावर फोर डिवाइडेड बाई टू और कॉस की पावर फोर डिवाइडेड बाई थ्री दिस इज इक्वल टू वन बाई फाइव इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वेल्शियम ले लो थ्री इंटू साइन की पावर फोर 2 cos की पावर 4 दिस इज इक्वल टू 6 by 5 आ जाएगा ठीक है तो ये आ गया अब ये क्वाड्रेटिक है सिंपल ठीक है ये 2 into, इसको आप लिख दो 1 sin² का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 6 by 5 तो कितने लोगों को चमक गया दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक है ना तो सब कुछ आप sin में कन्वर्ट करो तो सब कुछ अगर sin में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ गया ये 3 into sin की पावर 4 और यहां पे आ जाएगा टू इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर प्लस साइन की पार फोर एंड इज इक्वल टू सिक्स बाई फाइव तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो थ्री प्लस टू मैं डायरेक्टली लिख दू क्या थ्री प्लस टू तो साइन की पार फोर का कोएफिशिएंट आ जाएगा फाइव तो फाइव इंटू साइन की पार फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा टू माइनस सिक्स बाई फाइव दिस इज इक्वल टू जीरो तो अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वेंटी साइन क्वाड्रेटिक देख के आपको कुछ समझ मारा है अगर ये क्वाड्रेटिक आप ध्यान से देखोगे ना तो कुछ समझ मारा है क्या सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो वही वाली क्वाड्रेटिक आ गई जो ट्वेंटी वन वाले क्वेश्चन में आ रही थी तो आपको चमक गया ना कि ये जेई मेन वाले क्वेश्चन कैसे बनाता है जी एडवांस के ही क्वेश्चन होते जी मेन में बस वो कुछ सालों बाद थोड़े सिंपल फॉर्मेट में आ जाते ठीक है।, <laughs> है तो ये फिर से वही वाली क्वाड्रेटिक आ गई तो ये तो फिर से परफेक्ट स्क्वायर है 5 साइन स्क्वायर माइनस टू और इसका होल स्क्वायर तो अल्टीमेटली यहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स है ना तो साइन स्क्वायर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर आ गया टू बाई तो कॉस स्क्वायर कितना आ गया ये आ गया थ्री बाई फाइव आपको क्वेश्चन में पूछा टाइम स्क्वायर एक्स निकालो तो टाइम स्क्स कितना होता है दोनों को डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टू बाई थ्री आ रहा है है ना तो टाइम स्क्वायर का वैल्यू तो टू बाई थ्री आ गया है ना और ये मल्टी करेक्ट है ठीक है तो एक ऑप्शन तो ये करेक्ट है टाइम स्क्वायर का वैल्यू टू बाई थ्री तो एक ऑप्शन तो ये करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन एक्चुअली अपने को निकालना पड़ेगा तो इसका या टू अपॉइंट वन ट्वेंटी फाइव आएगा तो निकालते हैं ठीक है थीके? इसका वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो साइन की पावर एट लिखा हुआ है ना उसको आप कर दो साइन स्कवायर एक्स की पावर फोर और नीचे क्या है हमारे पास साइन की पावर एट अपॉन एट अच्छा तो नीचे हमारे पास है एट और यहाँ पे नीचे है ट्वेंटी सेवन और इसको आप लिख दोगे स्क्वायर एक्स की पावर फोर अब दोनों का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बस है ना तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना तो साइन स्क्वायर का वैल्यू है टू बाई फाइव की पावर फोर अपॉन एट और यहां पे है थ्री बाई फाइव की पावर फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन तो अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू अपॉन एक टू बचेगा ना तो टू अपॉन फाइव की पावर फोर ये आ रहा है और यहां पे थ्री अपॉन फाइव की पावर फोर ये आ रहा है तो अल्टीमेटली इज द फाइनल आंसर तो तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये बन गया फाइव अपॉन फाइव की पावर फोर विच इज वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव तो ये आ रहा है भाई और ये कौन से ऑप्शन में है वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव आना चाहिए वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव दिस इज द आंसर ठीक है तो फाइनल आंसर इसका है ए बी तो ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में कितने लोगों को चमक गया एक बार फटाफट बता दो ये क्वेश्चन आसान लग रहा है अभी तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं होते है क्वार्रेटिक है अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए साइन की पावर फोर और कॉस की पावर फोर तो कर लोगे अगर साइन की पावर फोर है और कॉस की पावर फोर है तो सिंपल क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो साइन स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा एक बार साइंस आ गया तो भी आ गया और उन दोनों को यूज कर लो तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन ठीक है है एडवांस का ये चलो और आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज कास्ट रूल या रिडक्शन इसको बोलते हैं ठीक है थीके? तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं सिंपल सा टॉपिक है ये भी लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्टी आना चाहिए अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो नहीं समझ में आएगा ठीक है तो ध्यान से देखना बेसिकली देखो

अब इस एंगल को हम ऐसे भी तो मेजर कर सकते हैं ना इसी एंगल को मेजर करने का दूसरा तरीका क्या है कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लो और ऐसे मेजर कर लो तो ये एंगल कितना आ गया है ना ये या तो इसका एंगल हम थीटा बोल सकते हैं या फिर इसी का एंगल हम बोल सकते हैं टू पाई प्लस थीटा या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो दो बार पूरा सर्कल कंप्लीट कर लो आप यहां से स्टार्ट करो और दो बार पूरा सर्कल कंप्लीट कर लो देखो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक सर्कल कंप्लीट किया फिर दूसरा सर्कल कंप्लीट गया और फिर थीटा चले गए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है वो है फोर पाई प्लस थीटा तो समझ गया ना तो ये जितने भी एंगल्स है ये सारे एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका वैल्यू सेम आएगा ये सारे एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका वैल्यू सेम आएगा यस और नो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप पूछते हो साइन वन निकालो तो साइन वन हम कैसे निकालेंगे

है ना अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यहां से निकालोगे ये ट्राइंगल बना के तो अगर आपसे कोई पूछेगा साइन थीटा आप यही बोलोगे बोलोगेट लेट सेना ऑपोजिट एम ऑपोजिट कितना है PM. है ना डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ द सर्कल तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो तो अल्टीमेटली तो सेम ही आएगा तो साइन ऑफ थीटा निकालो या साइन ऑफ टू प्लस थीटा निकालो है ना अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ साइन ऑफ टू पाई प्लस थीटा तो ये भी तो वही आएगा इसका भी वैल्यू वही होगा पी एम अपॉन आर तो बेसिकली ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इट विल बी सेम ओनली ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इट विल बी सेम ओनली और इसी को हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स ठीक है इसी को हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स अच्छा अब ये कास्ट रूल क्या कहता है कास्ट रूल सिंपल ये कहता है आप यहां से स्टार्ट करो बेसिकली फोर्थ क्वार्टर से स्टार्ट करना है यहां पे C A S T या इसको बेसिकली आपने और भी बहुत सारे तरीकों से इसको याद किया होगा है ना आ, कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे कुछ याद करते हैं या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज है ना ऑल स्कूल टू कॉलेज या सी ए एस टी या ऑल सिल्वर टी कप्स या कुछ भी मतलब कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो बट अल्टीमेटली कास्ट रूल आप ऐसे ही याद कर लो तो ये ये रूल का मतलब क्या है रूल का मतलब है कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एवरीथिंग इज पॉजिटिव ऑल आर पॉजिटिव जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव यहां पे कौन कौन पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव है और अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव होगा तो साइन इज पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल होता है कोसिक तो वो भी पॉजिटिव है यहां पे टैन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल है कॉट तो वो भी पॉजिटिव होगा यहां पर कॉस पॉजिटिव है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो है सीक तो वो भी पॉजिटिव होगा ठीक है तो ये बेसिकली कास्ट रूल हाँ इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं इसको याद करने के तो आप कैसे भी याद कर सकते हो बट अल्टीमेटली आपको ये याद होना चाहिए टेबल यहाँ पे सारे पॉजिटिव है यहाँ पे साइन पॉजिटिव है टेन पॉजिटिव है और फोर्थ ये बेसिकली फर्स्ट क्वार्रेंट है ना दिस इज फर्स्ट क्वार्रंट दिस इज सेकेंड क्वार्रेंट दिस इज थर्ड क्वार एंड दिस इज फोर्थ क्वार ये चमक गया ना तो अलग अलग क्वार्रेट्स में अलग अलग चीजें हैं जो पॉजिटिव है तो सिंपल आपको एक तो ये ध्यान रखना है और इसमें एक रिडक्शन फॉर्मूला भी है तो ये रिडक्शन फॉर्मूला आप ध्यान से समझ लो ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें काफी लोगों को डाउट भी रहते हैं तो इसको एक बार आप आराम से समझ लो देखो हमेशा आ, अगर आपको मान लो कोई भी एंगल है जिसको रिड्यूस करना है जैसे मान लो एग्जाम में आपके पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ गया कि भाई साइन ऑफ लेट्स पाई माइनस थीटा या समथिंग लाइक दिस ठीक है तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू साइन थीटा होगा

है ना या तो पाई का मल्टीपल होगा या पाई बाय टू का मल्टीपल होगा तो सिंपल ये रूल ये कहता है रिडक्शन फॉर्मूला नंबर वन वो क्या है कि अगर पाई का मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन वो चेंज नहीं होगा जो साइन है वो साइन रहेगा जो कॉस है वो कॉस रहेगा जो टैन है वो टैन रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज है ना यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहेगा मल्टीपल ऑफ पाई और यहां पे अगर पाई बाई टू का मल्टीपल है अगर के इन जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास बाई टू तो प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो है ना अगर पाई बाई टू का मल्टीपल है तो अल्टीमेटली यहां पर यह वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर साइन आपको चेक करना पड़ेगा या तो प्लस आएगा या, या माइनस आएगा तो ये प्लस माइनस हम कैसे चेक करते हैं वो चेक करना पड़ेगा आपको क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट है है ना से से कौन सा है? उसके हिसाब आपको देखना पड़ेगा कि प्लस थीटा आप इतना याद कर लो कि अगर पाई का मल्टीपल है तो इट विल रिमेन सेम और अगर पाई का मल्टीपल नहीं है पाई बाई टू का मल्टीपल है कौन में कन्वर्ट होगा साइन कन्वर्ट होगा और अगर कॉस है तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में अगर टेन है तो टेन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉट और समझ गया ना तो ये बेसिक अपना कन्वर्जन है ये आपको ध्यान रखना है अगर पाई बाई टू का मल्टीपल है तो अब देखो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं यहां पे कुछ कुछ एग्जाम्पल है इसका आंसर बताओ तो देखो सबसे पहले आप देखोगे पाई का मल्टीपल है कि पाई बाई टू का मल्टीपल है ये पाई का मल्टीपल है यहां पे प्लस या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 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 ना बीच में प्लस हो हो चाहे माइनस वो आपको देखना ही नहीं है। आप सिंपल ये देखो कि यहाँ पे पाई का मल्टीपल है अगर पाई का मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा अब या तो प्लस साइन थीटा आएगा या माइनस साइन थीटा आएगा तो ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो कैसे चेक करेंगे तो उसको चेक करने के लिए आप देख लो क्वाड्रेंट

तो साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड तो आएगा प्लस साइन थीटा कितने चमक गया तो प्लस अच्छा यहां पर तो तो अगर पाई बाई टू है तो साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉस यहाँ पे कॉस थीटा लिख दो और ये क्वाड्रेंट कौन सा है क्वाड्रेंट है पाई बाई टू माइनस थीटा तो पाई बाई टू से भी कम नाइनटी डिग्री से भी कम तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर आएगा प्लस थीटा समझ गए इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे पाई का मल्टीपल है अगर पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे जो भी है वही यहाँ पे आएगा टेन थीटा आएगा सिंपल और ये पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा है? पाई प्लस थीटा तो 180 से ज्यादा है।, है ना पाई मतलब 180, तो 180 से ज्यादा से ज्यादा मतलब थीटा है वो कौन से क्वार्टन में लाई करेगा थर्ड क्वार्टन में और थर्ड क्वार्टन में इसको चेक करो कि जो टेन है तो थर्ड क्वार्टन में टेन पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर आएगा प्लस अल्टीमेटली ये आएगा चमक गया प्लस टेन अच्छा अगले वाले का बताओ सी कॉफ थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा पाई बाई टू का मल्टीपल है अगर पाई बाई टू का मल्टीपल है तो इट विल चेंज सिंस यहां पे पाई बाई टू का मल्टीपल है तो सीक विल गेट कन्वर्टेड टू को तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोसिक थीटा आएगा क्योंकि पाई बाई टू का मल्टीपल है तो यू हैव टू चेंज और किस में चेंज करेंगे सीक को कोशीक में, कोशीक को सीक को को कोसिक कोसिक में में ऐसा अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है थ्री पाई बाई टू। थ्री पाई बाई टू कहां पे लाई करता है अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जनरली ये जो एंगल्स होता है ना उसका कंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेक्सेस है यहां पे कौन कौन से एंगल्स लाई करेंगे

ठीक है नेगेटिव एक्स एक्सेस पे आपके ये लाई करेंगे ऊपर कौन कौन सा एंगल्स आएंगे ऊपर आएगा सबसे पहला तो पाई बाई टू आएगा नहीं? यहां से इतना चलोगे तो पाई बाई टू अगर पाई बाई टू। ठीक है? अगला आएगा फाइव पाई बाई टू फिर अगला आएगा नाइन पाई बाई टू और इस तरह से आता जाएगा नीचे कौन कौन सा एंगल्स आएंगे नीचे आएगा थ्री पाई बाई टू है ना ये पूरा एंगल आप देखो ये एंगल कितना है 270 डिग्री 270 डिग्री टू सेवन डिग्री थ्री टू तो थ्री टू के बाद कौन सा एंगल आएगा वो आएगा आएंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर कोई भी एंगल ऐसा है जो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर ये सारे एंगल्स को देखोगे ना तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई टू पाई फोर पाई सिक्स मल्टीपल ऑफ पाई वाले सारे एंगल पॉजिटिव पे, है। ये है यहां पे, है यहां पे अगर आप देखोगे तो ये फोर के माइनस वन इन टू पाई बाई टू वाले सारे एंगल्स है तो चमक गया होगा ऊपर कौन कौन से आते हैं पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू नाइन पाई बाई टू वो ऑल्टरनेट नहीं है ये एक एक छोड़ के बेसिकली

3 में आपने कुछ प्लस कर दिया प्लस कर दिया मतलब आपको और थोड़ा सा आगे चलना है तो आप फोर्थ क्वार्ट में पहुंच जाओगे और फोर्थ क्वार्टर में ये क्या होता है अगर आप फोर्थ क्वार्टर में देखोगे तो कॉस होता है पॉजिटिव तो सी क्या होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा आंसर आएगा प्लस अब देखो यहां पे एक गलती और बच्चे करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं हमेशा आप ये ध्यान रखना कि आपको किसका साइन चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव आपको इसके लिए चेक करना है

तो आपको बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब थर्ड में क्वार थर्ड क्वार में कॉट इसको चेक करना है तो थर्ड में कॉट कैसा होता है पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा सो दिस इज द आंसर अंडरस्टूड ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा अच्छा ये बताओ चलो इसमें इट विल रिमेन सेम ठीक है तो सीख थीटा का सीख थीटा रहेगा क्योंकि यहां पे सीख थीटा है पाई का मल्टीपल है अगर पाई का मल्टीपल है तो सेम रहेगा और सेवन पाई पे लाई करेगा तो आपको कि सब इधर और प्लस थीटा तो प्लस थीटा करोगे तो नीचे चले जाओगे आप है ना क्लॉक ये एंटी क्लॉक वाइज में आपको चलना है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आप चेक करो इसको तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीक

इसमें आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पड़े थे ना अपने टेंथ स्टैंडर्ड में साइन ऑफ नाइनटी माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। 10 10 90 थीटा तो थीटा तो ये कन्वर्जन होता है बेसिकली ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है चलो अब आगे बढ़ते हैं हैं एक क्वेश्चन करते तो ये वाला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर बताओ चलो ठीक है फटाफट एक बार ट्राई करो तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भयंकर था लेकिन सबको समझ में आ गया ना तो देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है टेन पाई 11 ठीक है अगला वाला है टेन टू पाई बाई इलेवन फिर अगला है टेन फोर पाई बाई इलेवन और यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना सेवन पाई बाई इलेवन तो सेवन पाई बाई इलेवन को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस फोर पाई बाई इलेवन ऐसा लिख सकते हैं सेवन पाई बाई इलेवन को नाइन पाई बाई इलेवन को हम क्या लिख सकते हैं 9 by 11 को आप लिख सकते हो पाई माइनस टू पाई बाई इलेवन ठीक है और इसको सिमिलरली हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई इलेवन ये इस तरह से लिख दिया अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे इसका वैल्यू कितना आएगा ये लिखा हुआ है टेन ऑफ पाई माइनस थीटा है ना तो आप इसमें देखो अगर मैं आपसे अलग से करके देखते हैं टेन पाई माइनस थीटा इसका वैल्यू कितना होगा टेन ऑफ पाई माइनस थीटा तो सबसे पहले तो पाई का मल्टीपल है अगर पाई का मल्टीपल है मतलब ये जो टैन है वो टैन में ही रहेगा और पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है पाई माइनस थीटा तो पाई माइनस थीटा विल बी क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव तो माइनस आएगा तो अल्टीमेटली इसका जो वैल्यू आएगा ना अल्टीमेटली इसका वैल्यू आएगा माइनस टैन थीटा और थीटा का वैल्यू है ये सिमिलरली यहां पे भी माइनस टेन थीटा और सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस टेन थीटाटीमेटली ये तो कैंसल हो जाएगा ना दिस विल गेट कैंसल्ड विद समझ गए ये और ये कैंसल और ये और ये कैंसल व फाइनल आंसर फाइनल आंसर विल बी जीरो कितने लोग समझ में आगे फाइनली इसका आंसर जीरो आएगा येस yes, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो हमेशा बस आपको ये रूल समझना है अगर आपको ये रूल समझ में आ गया ना तो बहुत ही सिंपल है ठीक है अच्छा नेगेटिव एंगल्स के लिए कैसे करते हैं तो नेगेटिव में बस आप यह ध्यान रखो कि कॉस थीटा और सीख थीटा उसमें नेगेटिव बाहर नहीं निकलता है बाकी सब में जो नेगेटिव है वो बाहर निकल जाएगा ठीक है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा इसमें भी माइनस बाहर निकल जाएगा इसमें भी माइनस बाहर इसमें भी माइनस बाहर तो केवल कॉस और सीख ये दो ऐसे हैं जिसमें माइनस बाहर नहीं निकलेगा है ना मतलब ये दोनों इवन फंक्शन है आपने. अगर functions थोड़ा स्टैंडर्ड का पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा कि ये और ये ये दोनों इवन फंक्शन है बाकी जो चारों है वो ऑर्ड फंक्शन है तो इवन फंक्शन फंक्शन खैर अगर आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का अभी नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बट बेसिकली आप ये ध्यान रखो कि इसमें और इसमें माइनस बाहर नहीं निकलेगा माइनस गायब हो जाएगा और यहां पे सब में माइनस बाहर निकल जाएगा ठीक है तो नेगेटिव वाला भी सिंपल है अच्छा आप डिग्रीज में आगे तो कैसे करेंगे जैसे यहां पे आपके पास आ गया साइन ऑफ फोर ट्वेंटी डिग्री अच्छा सबसे पहले तो माइनस का कुछ एडजस्ट uh, करो तो यहाँ पे कॉस के अंदर माइनस है तो आपको पता है कि अगर कॉस के अंदर माइनस है तो ना के बराबर है तो ये तो प्लस हो जाएगा ठीक है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है ये आइडेंटिटी लगा लो कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी सेम एज कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा तो उसमें माइनस बाहर निकल जाएगा ठीक है तो इन दोनों को यूज कर लो इन दोनों को यूज करेंगे तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो बेसिकली माइनस आ जाएगा कॉस थ्री हंड्रेड और साइन ऑफ थ्री थर्टी ये बन गया अल्टीमेटली हमारे पास अब इन सब का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा है ना तो इन सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये कितने लोगों को समझ में आ गया है ना तो कॉस के अंदर जो माइनस है उसको गायब कर दो और साइन के अंदर जो माइनस है उसको बाहर निकाल लो कॉस वाला गायब साइन वाला बाहर अच्छा अब इन सबके वैल्यूज निकालने पड़ेंगे तो साइन ऑफ देखो हमेशा इसको आप अगेन क्या करो इसको आप 90 से डिवाइड कर दिया करो जैसे फोर ट्वेंटी है ना तो फोर ट्वेंटी को आप नाइनटी का मल्टीपल सोचो कोई ना कोई 90 का मल्टीपल जो कि फोर ट्वेंटी के आसपास हो तो 90 का मल्टीपल नाइनटी का मल्टीपल यू कैन टेक फोर फिफ्टी है ना फोर फिफ्टी ले सकते हो ना आप साइन इसको आप लिख दो फोर फिफ्टी माइनस थर्टी डिग्री यस yes no? इस तरह से लिख सकते फोर फिफ्टी माइनस और फोर फिफ्टी मतलब कितना तो फोर फिफ्टी विल बी फाइव इंटू नाइनटी ना तो ये बेसिकली लिखा हुआ है इज 90, तो तो 90 होता है है पाई बाई टू, और डिग्री तो बेसिकली ये है आपका समझ गया ना आप अल्टीमेटली इस तरह से ये थर्टी डिग्री को भी आप पाई बाई सिक्स लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो बल्कि यहां पे जरूरत नहीं है आप इसको थीटा बोल दो ना सिंपल है ना तो कोई ना कोई एंगल है तो ये कितने लोगों समझ में आया 90 का मल्टीपल आप सोचो जो 420 के आसपास हो तो 420 के आसपास 450 450 को हम क्या लिख सकते हैं पाई पाई और 5 by 2 मतलब ये जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है जो साइन है वो कॉस में क्योंकि पाई बाई टू का मल्टीपल है अगर पाई बाई टू का मल्टीपल है तो इट विल चेंज और ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा फाइव पाई बाई टू कहां पर लाई करता है अगर आप देखोगे तो यहां पे लाई करेगा पाई पाई फिर यहां पे आएगा थ्री पाई बाई टू फिर फाइव आई बाई टू ऊपर आएगा ना तो फाइव आई बाई टू ऊपर है और फाइव आई बाई टू माइनस थीटा तो फाइव आई बाई टू में से कुछ माइनस करोगे तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये है ना ये क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस आएगा और थीटा का वैल्यू बेसिकली कितना है थर्टी डिग्री है तो कॉस थर्टी आ गया इसका वैल्यू और मतलब फिर से हम कैसे लिख सकते हैं देखो इसका वैल्यू निकालो कॉस थ्री नाइनटी थ्री नाइन्टी को तो आप सिंपल लिख सकते हो थ्री सिक्सटी प्लस थर्टी और थ्री सिक्सटी मतलब कितना थ्री सिक्सटी मतलब टू पाई ना आप इसको डिग्री में रहना दो कोई उससे कोई टेंशन नहीं है ठीक है 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 पाई 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 का है, तो पाई का है, तो कौस का तो 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 ही ही रहेगा और प्लस प्लस मतलब ये ये तो ये भी भी पॉजिटिव आएगा तो अल्टीमेटली आ रहा इसका इसका वैल्यू वैल्यू वही यहां पे कर लो कॉस्ट 300 को आप लिख सकते हो 360 सिक्सटी माइनस सिक्सटी ठीक है ऐसे लिख लो तो 360 मतलब अगेन दिस इज टू पाई है ना टू पाई माइनस सिक्सटी तो ये पाई का मल्टीपल है तो कॉस्ट का कॉस्ट ही रहेगा और टू पाई माइनस तो टू पाई से थोड़ा कम फोर्थ तो क्वार्टर में आएगा और फोर्थ क्वार्टर में ये पॉजिटिव भी होता है तो कॉस्ट सिक्सटी आ रहा है है ना तो पॉजिटिव कॉस्ट सिक्सटी सो दैट विल बी और इसका वैल्यू निकालो तो साइन ऑफ थ्री थर्टी इसका वैल्यू बताना साइन ऑफ थ्री सिक्सटी माइनस थर्टी लिख सकते तो ये है साइन टू पाई माइनस थर्टी है ना तो बेसिकली पाई का मल्टीपल है तो साइन रहेगा थर्टी डिग्री आएगा और ये कौन सा क्वाड्रेंट है टू पाई से थोड़ा कम टू पाई से थोड़ा कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा साइन है ना तो माइनस आ रहा है ये यहां पे आएगा माइनस वन बाई टू तो इसका वैल्यू आप सब्सिट्यूट करो माइनस वन बाई टू तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है फाइनल आंसर फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये थ्री बाई फोर माइनस माइनस फाइनली इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा वन चमक तो गया इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है चाहे डिग्री में हो या रेडियन में हो आपको वो जो नियरेस्ट एंगल है वो देखना पड़ेगा ठीक है चलो अब एक जेई का क्वेश्चन करते हैं ये बेसिकली जेई का ही पी, पी वाई क्यू है है ना जेई का ही जेई मेन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये एक बार आप ट्राई करो ये कैसे करेंगे ये देखो यहां पे है थ्री पाई बाई टू माइनस अल्फा तो 3 ब्रैकेट में साइन की पावर फोर अच्छा देखो यहां पे साइन की पावर फोर है तो प्लस माइनस कुछ भी हो पावर तो फोर है ना सिंस यहां पे पावर फोर है तो प्लस आएगा या माइनस आएगा वो सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली पावर फोर है तो सब कुछ पॉजिटिव बन जाएगा तो साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस अल्फा कितना तो sin cos. तो विल गेट कन्वर्टेड टू की पावर फोर अल्फा बन जाएगा यहां पे पाई का मल्टीपल है तो पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा तो अल्टीमेटली दिस और फिर इसके बाद हमारे पास है माइनस टू और ये वाला टर्म यहां पे पाई बाई टू है तो पाई बाई टू है तो ये कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी पावर भी इवन है तो अगेन प्लस माइनस वाला दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा तो ये आ गया अल्टीमेटली हमारे पास अब इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन की पावर फोर कॉस की पावर फोर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वा और ये कितना होता है ये होता है वन माइनस थ्री साइन स्क्वास स्क्वायर अल्फा भाई यही होता है ना ठीक है तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट इज द फाइनल आंसर आंसर फाइनल आ थ्री माइनस टू वन आ रहा है फिर से तो फिर से इसका आंसर भी कितना है इसका आंसर भी आ जाएगा अंडरस्टूड ये कितने लोगों का आया फाइन ये भी सिंपल ये भी अगेन मतलब काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका भी वन ये जेई मेन का ही पी वाई क्यू है ठीक है ओके और आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं ग्राफ की तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डोमेन रेंज ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके ठीक है तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ये जो फंक्शन है है ना इक्वल टू साइन एक्स एक्स का जो ग्राफ है वो वेव होती है है ना आपने वो गाना सुना होगा ना आज ब्लू है पानी पानी वैसा ही है ठीक है साइन एक्स का ग्राफ वैसा ही होता है तो ये जीरो ये वाला पॉइंट कौन सा होता है दिस पॉइंट इज पाई और ये वाला जो पॉइंट है ये है टू पाई तो साइन एक्स का ग्राफ विल बी जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है? और, <laughs> और value, तो, अच्छा तो बताओ इसका डोमेन क्या है व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डोमेन मतलब इसमें हम एक्स का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं तो एक्स का वैल्यू आप सब कुछ पुट कर सकते हो तो डोमेन इज आर है ना आप देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर जगह ग्राफ बनेगा है ना तो डोमेन इज इज आर रेंज रेंज व्हाट द द ऑफ फंक्शन मतलब वाई का वैल्यू तो वाई का मिनिमम वैल्यू हो सकता है माइनस वन मैक्सिम से मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगा साइन एक्स का वैसे भी आपको पता है माइनस वन और वन के बीच में ही रहता है वो ठीक है वो ज्यादा फैल नहीं सकता मतलब वो माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगा इसकी जो लाइफ है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है वो जो चाहे नहीं कर सकता ठीक तो है तो साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है बेसिकली ठीक है बेसिकलीस एक्स कॉस एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स तो कॉस एक्स का जो ग्राफ होगा उसमें एक्स इक्वल टू जीरो से यहां से स्टार्ट होगा बेसिकली ये जीरो है ये वाला जो पॉइंट है ये पाई बाई टू है फिर ये वाला जो पॉइंट है ये पाई है यहां पे थ्री पाई बाई टू पे इसका वैल्यू जीरो आएगा और लास्ट में टू पाई पे फिर से इसका वैल्यू वन बन जाएगा इसमें डोमेन रेंज बता दो डोमेन ऑफ द फंक्शन डोमेन फिर से इसका आएगा आर रेंज ऑफ द फंक्शन इसका मिनिमम वैल्यू अगेन माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, और कितना है? तो one और one के बीच में ठीक है माइनस वन टू वन सिंपल ये ग्राफ भी सिंपल है टेन एक्स का ग्राफ तो टेन एक्स का जो ग्राफ होता है ना वाईक्वल टू टेन एक्स इसका डोमेन बताओ चलो सबसे पहले डोमेन तो जो टाइनेक्स होता है वो होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स अगर कॉस एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर जीरो मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो लाइफ में पंगे आ जाएंगे तो कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता एक्स का वैल्यू पाई बाई टू नहीं हो सकता कॉस एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ होता है देख लो ना कॉस एक्स का वैल्यू जीरो पे होता है ना है ना तो ये सारे पॉइंट्स पे टेन एक्स का फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा है ना तो ये सारे पॉइंट्स आपको हटाने पड़ेंगे तो डोमेन आएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू या बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हो एक्स एलिमेंट ऑफ आर सब कुछ लेकिन ये जो टू एन प्लस वन पाई बाई टू है ना उसको हटाना पड़ेगा ऑर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे ऑर्ड मल्टीपल ही तो है फिर तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू और ये ऑर्ड को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो टू एन प्लस वन पाई बाई टू वेर एन इज इंटीजर समझ गया ना तो एन यहाँ पे इंटीजर है तो ये सारे पॉइंट को हटा दो तो ये डोमेन आएगा है ना और रेंज अगर आप टेन एक्स का ग्राफ देखोगे तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी तो इसका जो रेंज आएगा उसमें सब कुछ आएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एवरीथिंग ठीक है तो रेंज क्या आएगा रेंज आएगा आर ऑल रियल नंबर्स सब कुछ ले सकता है अच्छा अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहे?

डिनोमिनेटर जीरो तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड तो डोमेन में आपको वो वाले पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे सिमिलरली कॉटेक्स का ग्राफ है ना तो वाई इक्वल टू कॉटेक्स ये कॉटेक्स होता है कॉस एक्स बाई साइन है ना कॉस एक्स बाई साइन तो इसका डोमेन क्या आएगा इसके डोमेन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए साइन एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू एन पाई आ जाएगा साइन x का वैल्यू जीरो कहां पे होता है साइन x का वैल्यू होता है है पाई 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 ठीक तो बेसिकली जनरलाइज कर दो r सो दिस इज द डोमेन और रेंज रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा फिर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ क्योंकि अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और एकदम नीचे तक जा रहा है ठीक है तो ऊपर से नीचे सब कुछ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ग्राफ को देख के इनफैक्ट आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना दिस पॉइंट इज पाई ये पाई पे ग्राफ नहीं है ये पाई बाई टू है ठीक है पाई बाई टू पे उसका वैल्यू जीरो होता है तो ये पाई बाई टू ये पाई ये थ्री पाई बाई टू और अगला जो आएगा वो आएगा वो आएगा टू पाई तो टू पाई पे फिर से फंक्शन डिफाइंड नहीं है ठीक है कॉर्टेक्स का ग्राफ बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हो ना कि कॉर्टेक्स का जो ग्राफ है उसमें हम नीचे आएंगे अगर आप यहाँ पे वो बचपन में वो करते थे ना क्या <laughs> बचपन में आप ऐसे नीचे आते थे ना वो राइड्स होती थी तो इसमें आप नीचे आते हो और टाइनेक्स का जो ग्राफ है उसमें काफी मेहनत है क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना है तो टेनेक्स का जो ग्राफ होता है वो काफी मेहनती फंक्शन है मेहनत करवाएगा आपसे इसमें ऊपर चढ़ना है इंक्रीजिंग ग्राफ है यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ है इसमें आप अपने आप नीचे आ जाओगे ठीक है कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने आप नीचे आ जाओगे अच्छा अब अब ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है और इसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया था ये ग्राफ याद करने के लिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को मतलब नाइनटी परसेंट बच्चों को याद ही नहीं होता है कि सीक्स और कोसी केक्स का ग्राफ क्या होता है भूल जाते हैं बार बार तो इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी और वो ट्रिक ये होती है कि आपको उल्टी टोपी पहनानी है उल्टी टोपी पहनाओ ठीक है ये ट्रिक है बेसिकली उल्टी टोपी पहनाओ आपको उल्टी टोपी पहनानी है अगर आप ये नीचे वाला ग्राफ देखोगे ना तो ये ग्राफ किसका है ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉसेक्स का तो सिंस ये कॉशेक्स का ग्राफ है आप क्या करो देखो सिंपल कॉशेक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो

तो उल्टा कर दो बस यहां पे देखोगे अगर तो ये भी डॉटेड कर लो ये डॉटेड बन गया अब यहां पे कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा है तो आप उल्टा बना दो बस उल्टी टोपी पहना दो तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा ये ग्राफ है x का दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई टू सी x और x होता है वन बाई कॉस एक्स तो अगेन कॉस एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए मतलब एक्स का वैल्यू टू एन प्लस वन पाई बाई टू नहीं होना चाहिए है ना थ्री पाई बाई टू तो इन सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी डॉटेड लाइन क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है तो जहां जहां पे कॉश एक्स का वैल्यू जीरो है वहां वहां पे डॉटेड लाइन बना दो और उल्टी टोपी पहना दो तो उल्टी टोपी पहना दोगे तो तो का 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 ग्राफ 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 आ गया सिमिलरली तो बनाने के लिए अगेन सेम कॉन्सेप्ट क्या है उल्टी टोपी पहनाओ तो उल्टी टोपी पहनाने के लिए सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया साइन एक्स का वैल्यू जहां जहां पे जीरो है वहां पे डॉटेड लाइन बना देना साइन एक्स का वैल्यू जीरो जहां जहां पे है वहां पे इस तरह से डॉटेड लाइन और डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर उल्टी टोपी पहना दो बस सिंपल तो ये देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है तो इधर उल्टी टोपी पहना दी इधर भी ये साइन एक्स का ग्राफ है तो उल्टी टोपी पहना दो तो ये कोसी केक्स का ग्राफ आ गया अरे समझ गया ना यस सर कोश एक्स को वन बाई सी केक्स लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है लिख सकते हो बट वही है कि सी के एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए है ना तो डोमेन मतलब आप किस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हो उस पर डिपेंड करता है आपका डोमेन तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है है ना इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि भाई दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स और जहां पे साइन एक्स का साइन एक्स का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो एक्स इज नॉट इक्वल टू तो एन पाई आ जाएगा ठीक है तो इसका डोमेन क्या है व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इसका डोमेन आ जाएगा एवरीथिंग एक्सेप्ट एन पाई और रेंज यहां पे रेंज बताओ रेंज देखो देखोगे अगर आप ध्यान से तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वो कोसिक एक्स का ग्राफ है तो इसका वैल्यू या तो वन से बड़ा है या फिर माइनस वन से कम है ये माइनस वन है ये वन है समझ गए ना तो अगर आप ध्यान से देखोगे ब्लू कलर का ग्राफ तो ब्लू कलर का जो ग्राफ है उसका वैल्यू या तो वन से बड़ा है या माइनस वन से छोटा है तो बेसिकली रेंज ही आएगा रेंज आएगा माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी या तो वन से बड़ा या माइनस वन से छोटा सो दिस इज द रेंज अंडरस्टूड दिस इज द रेंज ये सिंपल है ठीक है तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया क्या अब देखो ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और वैसे मतलब इसके ऑप्शंस बहुत ही चिंदी है क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे टी वन है यहाँ पे टी थ्री है यहाँ पे टी फोर है और यहाँ पे टी टू है तो सारे ऑप्शन अलग अलग है <laughs> तो सिंस इन्होंने सारे ऑप्शन अलग अलग दे दिए तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया बट एनी वेज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है तो बताओ इसमें है ना इसमें आप बताओ कि अगर यहां पे देखो क्वेश्चन में आपको बोला है थीटा का वैल्यू जीरो और पाई बाई फोर के बीच में है थीटा का जो वैल्यू है ना वो जीरो और पाई बाई फोर के बीच में है तो में से सबसे बड़ा कौन है बस ये फिगर आउट कर लो ठीक है ना वो आपको बोला है कि जीरो और पाई बाई फोर के बीच में है अगर थीटा का वैल्यू जीरो और पाई बाई फोर के बीच में है तो टेन थीटा का वैल्यू तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा जीरो और वन के बीच में ये आपको clear हो गया टेन थीटा का वैल्यू जीरो वन तो ये जीरो और वन के बीच में आएगा कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा जो कि जीरो और वन के बीच में होगा तो यू कैन टेक वन बाई टू आप वैल्यू ले लो ठीक है cot थीटा तो अगर थीटा 0 और पाई बाई फोर के बीच में है तो आप मुझे बताओ कि कॉट थीटा का रेंज क्या आएगा कॉट थीटा कहां से कहां किसके बीच में होगा अब अगर आपको ये नहीं चमक रहा है तो आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो है ना हमने कॉट थीटा का ग्राफ बनाया था तो कॉट थीटा का ग्राफ किधर है ये ग्राफ है कॉट थीटा का है ना तो ये जो ग्राफ है कॉट थीटा का इसमें पाई बाई कहां पर लाई करेगा यहां पर लाई करेगा दिस इज पाई बाई और बाई पाई बाई फोर पे फंक्शन का वैल्यू होता है वन है ना कॉट पाइव बाई फोर कितना होता है कॉट होता है वन ठीक है तो पाई बाई फोर पे फंक्शन का वैल्यू वन है तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे जब थीटा का वैल्यू जीरो और पाई बाई फोर के बीच में है ये जीरो बाई फोर तो ग्राफिकली आप यहां पर सोच के बताओ कि जब थीटा का वैल्यू जीरो और पाई बाई फोर के बीच में है तो ग्राफ कहां कहा बन रहा है तो ग्राफ यहां पे बन रहा है ना ये वाला ग्राफ आ रहा है बेसिकली जीरो और पाई बाई के बीच में दिस इज़ द ग्राफ, ना? जीरो पाई बाई ग्राफ। तो जीरो पाई बाई है ना और के यहां पर कहीं पे है ना तो उस एंगल पे जो वैल्यू आएगा वो वन से बड़ा ही आएगा ना तो थीटा का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन वन। ये चमक गया तो रेंज आएगा वन टू इंफिनिटी ये आएगा वन से इन्फिनिटी ये चमक गया तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन खत्म हो गया यस और नो ये खत्म हो गया आपको पता चल गया कि be 0 1। ये भी आप ग्राफिकली देख सकते ना? इसको भी, आप ग्राफिकली भी, कर सकते और ये भी हमने ग्राफिकली चेक कर लिया कि वन से बड़ा ही आएगा तो आप सिंपल क्या कर सकते हो टेन थीटा जो है उसका वैल्यू ही ले लो कुछ लेट्स अज्यूम की टेन थीटा वन बाई टू है और कॉर्ड थीटा आप ले सकते हो

जो T4 होगा T4 सबसे बड़ा होगा ये कितने लोगों को चमक गया T4 सबसे बड़ा होगा ना अगर आप यहां पे कंपेयर करते हो तो T4 आपका है थीटा थीटा की पावर थीटा। और बाकी जितने भी है क्योंकि इसमें जो बेस है वो भी ग्रेटर देन है जैसे फॉर एग्जाम्पल टू ले लो आप और इसको भी आप ले लो टू तो टू की पावर टू मतलब इसका वैल्यू तो फोर आएगा बाकी जो सारे हैं उसमें एक ऑप्शन टी थ्री क्या है बताओ है ना टी थ्री T3 हमारा है, थीटा की पावर थीटा। तो थीटा की की तो 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 अगर आप थीटा करते हो, तो तो छोटी है ना? अगर छोटी पावर है तो इसका वैल्यू है इसका ये रूट है. रूट मतलब का कुछ आएगा ये तो फोर है तो यही सबसे बड़ा है. समझ गए ना क्योंकि इसका जो, है, वो भी ग्रेटर देन है। और इसकी जो पावर है वो भी ग्रेटर ग्रेटर वो सबसे बड़ा होगा यस ग्रेटर देन वन की पावर दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर पावर भी तो ग्रेटर फिर फिर अच्छा टी वन टी टू में कैसे कंपेयर करेंगे T1, T2 को करना एक बार थीटा की थीटा, इसको एक बार कंपेयर करो इनमें से कौन बड़ा टेन थीटा की पावर टेन थीटा और टी टू क्या है

समझ गया ना दिस इज टी वन एंड दिस इज टी टू तो टी वन इज ग्रेटर देन तो कितने लोगों को चमक गया ये जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है ना वन पॉइंट फोर तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा होगा ठीक है यस yes, चमक गया होगा तो so, बहुत ही सिंपल है ये तो है ना एकदम तो इसमें फाइनल आंसर आपका आ जाएगा बी बी फॉर बाउंस बैक ठीक है बी फॉर बाउंस बैक इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये जी एडवांस का क्वेश्चन है तो समझ गए ना ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे वो पूछ सकते हैं है। और ये काफी नहीं आपको इसमें केवल पे खेलना है। कोई कैलकुलेशन है नहीं। केवल आपको देख के बताना है कि कौन बड़ा कौन छोटा <laughs> ठीक है यही क्वेश्चन है बस तो प्योर एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ठीक है और और आगे बढ़ते है बात करते हैं कंपाउंड एंगल्स के बारे में कंपाउंड एंगल्स मतलब जब आप दो एंगल को एड करते हो ए प्लस बी या दो से ज्यादा एंगल को भी ऐड कर दो ए प्लस बी प्लस सी है ना तो बेसिकली हम यहां पे एंगल्स को ऐड करेंगे ओके तो एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो अपने कौन कौन से फॉर्मूलाज बनता है वो सारी डिस्कशन अपने को करनी है ठीक है बी फॉर ब्रेक अच्छा बी फॉर ब्रेक अभी लेते हैं ठीक है थीके? अभी थोड़ा रुक जाओ उसके बाद हम ब्रेक भी करेंगे ठीक है सर व्हाट टाइम इज द ब्रेक एक एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं उसके बाद हम ब्रेक करते हैं ठीक है थीके? अच्छा तो ये फॉर्मूलाज देखते हैं एक मिनट ठीक है बी फॉर ब्रेक ये अच्छा निकाला अच्छा देखो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज है ना आपको लगेगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है बट ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे फॉर्मूलाज आप डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन फॉर्मूला अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया <laughs> हाँ लेकिन ये सच्चाई है तो अगर आपको ये पहला फॉर्मूला आता है ना साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी जो है उसी को आप बोल दो मतलब दिस इज द किंग फॉर्मूला ये राजा है और बाकी सब प्रजा है समझ गया यही एक अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसी को यूज करके आप बाकी सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हो जितने भी है सारे के सारे ठीक है केवल एक फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया ना साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन है साइन बी अब ये दूसरा वाला अगर आपको निकालना तो सिंपल आप बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी के साथ तो दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा समझ गए कैसे तो जो पहला वाला फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी तो बी की जगह माइनस बी डाल दो बस है ना जहां पे बी है ये जो बी है ना बी को आप रिप्लेस कर दो माइनस बी के साथ तो यहां पे आ जाएगा साइन ए और कॉस के अंदर माइनस बी आ जाएगा समझ गए प्लस कॉस ए और साइन के अंदर माइनस बी आ जाएगा तो ये बन गया फॉर्मूला तो जैसे ही आप पहले वाले फॉर्मूला में बी की जगह रिप्लेस कर दोगे माइनस बी के साथ तो सेकेंड वाला फॉर्मूला बन गया देखो ये क्या बन गया ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी बन गया ना साइन ऑफ ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी और माइनस ये माइनस बाहर निकलेगा ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा है ना ये बाहर नहीं निकलेगा ये बाहर निकलता है तो कॉस ए और साइन बी तो बस ये आगे फाइन ये आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला आ गया और सिमिलरली ये जो नीचे दोनों है उसको भी आप निकाल सकते हो ये नीचे वाले दोनों कैसे निकालेंगे देखो नीचे वाले जो है उसमें आपके पास है कॉस ऑफ ए प्लस बी ये है ना कॉस ऑफ ए प्लस बी तो कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं ये कॉस थीटा तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ नाइनटी माइनस थीटा है ना तो कॉस थीटा इज साइन ऑफ नाइनटी माइनस थीटा तो ये आ गया अल्टीमेटली आपके पास ये समझ में आया कॉस थीटा कॉस थीटा होता है साइन ऑफ नाइनटी माइनस थीटा तो ये, अब आप क्या करो इन दोनों को क्लब कर लो और इसको अकेला ले लो अब फॉर्मूला लग जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का तो साइन ऑफ ए माइनस बी लगाओ साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए ठीक है, कॉस ए और साइन बी अब इसको सिंप्लीफाई करो

एक ही फॉर्मूला है एक राजा है बाकी सब प्रजा है ठीक है तो बाकी सब वहीं से आए बेसिकली ये ग्रेट ग्रैंडफादर है मतलब सबसे बड़ा यही है उसके सब बच्चे हैं छोटे छोटे ठीक है छोड़े -छोड़े। ये 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 बेसिकली इस, फॉर्मूला आ गया तो इसमें बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे बी की जगह माइनस बी आ जाएगा बस तो जैसे ही बी की जगह माइनस बी आ तो कॉस को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ये साइन का जो माइनस है वो बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा समझ गए ना तो ये सारे फॉर्मूलाज आप इस तरह से निकाल सकते हो तो एक ही फॉर्मूला है बाकी सब तो मतलब ठीक है सिमिलरली ये टेन ए प्लस बी तो ये टेन ए प्लस बी में आप क्या करो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को डिवाइड कर दो ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेन ए प्लस बी आ जाएगा है ना करके दिखाऊंगा अगर आपको टेन ए प्लस बी निकालना है तो आप ऐसे करो देखो टेन ए प्लस बी तो टेन ए प्लस बी को आप लिख दो साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी अब साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस बी ठीक है साइन cos बी कॉस ए साइन बी और नीचे क्या होता है कॉस ए कॉस बी इसमें ध्यान रखना है इसमें इस उल्टा होता है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ठीक है तो माइनस साइन ए साइन बी ये हो गया अब इस पूरे को अपने को टेन में कन्वर्ट करना है फाइनल तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए पूरे को डिवाइड कर दो कॉस कौस cos बी के साथ और इधर भी डिवाइड कर दो कॉस ए कॉस बी के साथ तो जैसे ही आप कॉस ए कॉस बी के साथ करोगे यही वाला फॉर्मूला बन गया ध्यान से देखो ठीक है यही वाला फॉर्मूला बन गया सिंपल आपको दिख गया होगा ना यहां पे देखो कॉस बी कॉस बी कैंसिल कॉस बी कॉस बी कैंसिल साइन है बाई कॉस है तो टेन है आ गया सिमिलरली यहां पे टेन बी

टेन ए ये आ जाएगा ना अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर और टेन ए अब टेन पाई बाई फोर का वैल्यून होता है तो वो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो इसका वैल्यू तो सिंपल आप वन पुट कर दो तो जैसे ही आप वन पुट कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अंडरस्टूड ना तो ये सारे फॉर्मूलाज अल्टीमेटली सेम ही है घुमा फिरा के मतलब एक ही बात है ठीक है तो ये ये भी आपको याद हो गया और आगे बढ़ते हैं अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अगर आपके पास है साइन स्क्स स्क् ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बट यहां पे अगर आप देखोगे ना तो यहां पे होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो ये थोड़ा ध्यान रखना अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा अब ये कैसे आया देखो इसको भी हम कर सकते हैं ये भी बहुत सिंपल है इसको भी मैं आपको बता देता हूं हमारे पास है साइन ऑफ ए प्लस बी है ना फर्स्ट वाला करते हैं डिराइव करता है इसको साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी इसको हम क्या लिख सकते हैं ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यस यही फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाइड बाई इसका जो फॉर्मूला है वो बस बीच में माइनस आ जाएगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन ठीक तो दिस इज़ द फॉर्मूला अब बेसिकली ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये बन जाएगा ए स्क्वाइनस बी स्क्र तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी ये आ गया सिंपल और अब ये जो कॉस स्क्वायर बी और कॉसर ए है ना उसको आप साइंस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो साइंस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो साइंस स्क्वायर ए इसको आप लिख दो ठीक है सब कुछ साइन में कन्वर्ट करो और यहां पे को पहले लिख लो तो साइंस स्क्वायर बी और इसको आप लिख देना वन माइनस साइंस स्क्वायर ए तो अल्टीमेटली आपको दिख गया कि ये कैंसिल हो जाएगा है ना ये और ये वाला टर्म जो है वो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा कितने लोगों को दिख गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस के साथ है और यहां पे प्लस के साथ है तो वो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली आपका ये आ, गया. A, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन बस ठीक है और यही अपने को याद रखना है और याद रखने का तरीका भी आपको समझ में आ गया ना तरीका सिंपल है देखो तरीका वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है बस है ना कॉस स्क्वायर ए लेकिन माइनस साइन स्क्वायर बी अच्छा टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो ए प्लस बी प्लस सी में यहां पर एस वन एस वन मतलब आपको सम करना है और एक एक करके सारे के सारे जो रेशियोज है उनको एड करना है एक एक करके टैन ए अकेला फिर टैन बी फिर टैन सी ठीक है तो इसको हम बोलते हैं एस वन यहां पे आता है एस थ्री एस थ्री का मतलब आपको तीन तीन करके ऐड करना है बट अगर आप तीन तीन करके एड करोगे तो एक ही टर्म आएगा क्योंकि तीन तीनों ले लो आप टेन ए टेन बी टेन सी और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है ना तो बेसिकली ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट और नीचे होता है वन माइनस एस टू तो इस तरह से बेसिकली आप याद कर सकते हो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस और इसी को हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं अच्छा ये एस टू का मतलब दो दो करके आपको लेने यहां पे आप माइनस कॉमन ले लो तो टेन टेन बी प्लस और यहां पे भी प्लस आ जाएगा ना तो ये S का क्या मतलब एस का मतलब समेशन तो ऐड करना है तो add तो ऐड करना है लेकिन दो दो करके है ना तो आपको ऐड करना है लेकिन दो दो करके ऐड तो दो दो ले लो आप 10 A, 10 B, फिर 10 B, 10 C, और फिर C और और समझ गए ना तो दो दो करके अपने को ऐड करना है सिंपल एज दैट यस इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलस भी वही है अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे ना हमने जो लिखा था साइन ए प्लस बी और साइन इन दोनों को एड कर दो ये फर्स्ट और ये जो किंग वाला है और ये जो सेकेंड वाला है इन दोनों को ऐड कर दो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना कौ साइन बी और माइनस कौसे साइन बी दिस विल गेट कैंसल्ड एक प्लस एक माइनस एक प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर डबल आ जाएगा टू साइन ए कौस बी तो यही तो लिखा हुआ है यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में वही है टू साइन ए कॉस बी तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे है ना तो जो अपने पास चार फॉर्मूलाज है उनको आपस में अलग अलग ऐड करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलाज आएंगे सिमिलरली अगर आप सब करोगे तो टू कॉसे साइन बी आ जाएगा इन दोनों को ऐड करोगे तो टू कॉसे कॉस बी आ जाएगा और सब करोगे तो अल्टीमेटली टू साइन ए साइन बी ठीक है तो ये सारे फॉर्मूलाज भी वही है अल्टीमेटली उसी का बस एक डिफरेंट वर्जन है और कुछ भी नहीं है ठीक है और इसी में आप क्या कर सकते हो इसी फॉर्मूलाज में आप ये जो ए प्लस बी है ना ए प्लस बी को आप एक नए एंगल के साथ रिप्लेस कर दो इसको सी बोल दो थोड़ी देर के लिए और ए माइनस बी को आप बोल दो डी ठीक है ए प्लस बी को आप क्या लिख दो ए प्लस बी को आप लिख दो सी ये जो ए प्लस बी है उसको आप सिंपल रिप्लेस कर दो सी के साथ इसको आप रिप्लेस कर दो डी के साथ तो फार्मूला बन जाएगा sin c plus sin d तो sin c plus sin d का आ जाएगा वो ये है है ना तो sin c plus sin d और यहां ये यह क्या बन जाएगा यहां पे लिखा हुआ है a और b ना तो बेसिकली a का वैल्यू कितना आएगा आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो 2a equal to c plus d आ रहा है और दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो अगर दोनों इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट करोगे टू बीक्वल टू सी माइनस डी आ रहा है। तो यहां से बी का वैल्यू आ गया सी माइनस डी बाई टू और ए का वैल्यू कितना आ गया सी प्लस डी बाई टू तो ए और बी को भी रिप्लेस कर प्लस डी बाई टू इसका वैल्यू पुट करोगे आप रिप्लेस करते जाओ तो ये चारों फॉर्मूलाज बन जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन सी प्लस साइन डी और इसका फॉर्मूला बनेगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी कॉस सी माइनस डी बाई टू और यहाँ पे यही लिखा हुआ है है ना तो साइन प्लस साइन है तो टू साइन तो बेसिकली आप इसको देखो ऐसे याद कर लो सिंपल याद करने का ट्रिक यही है कि आप केवल इसको याद करो ये जो रेशियोज है ना बाकी सब तो सेम ही है तो यहाँ पे सी प्लस डी बाई टू है यहाँ पे सी माइनस डी बाई टू है तो साइन प्लस साइन है तो टू साइन कॉस साइन माइनस साइन है तो टू कॉस साइन है ना इसमें उल्टा है 2 cos sin cos प्लस cos है तो 2 cos cos और अगर cos माइनस cos है तो इसमें ध्यान रखना इसमें -2 sin sin आता है इसमें माइनस आता है तो ये अकेला है जो माइनस है या तो माइनस कर सकते हो या फिर यहां पे आप लिख सकते हो d c मतलब इसको उल्टा कर सकते हो है ना तो या तो माइनस करो या इसको उल्टा कर दो d c फाइन तो ये बेसिकली सारे फार्मूला एक ही फार्मूला से निकल के आए अल्टीमेटली तो वो जो अपना किंग वाला फॉर्मूला था उसी को हमने बस ट्विस्ट किया और इतना किया कि मतलब ये सारे बन गए ठीक है 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 तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना है। चलो आप कुछ सवाल करते हैं ना अल्टीमेटली ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे बच्चों को तो फॉर्मूला याद भी होंगे है ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने को तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ये क्वेश्चन है जे मेन का इसको आप एक बार ट्राई करके बताओ कि इज द आंसर है ना इसको एक बार ट्राई करना है ना इसको एक बार ट्राई करो सर एग्जाम में डेरिवेशन करे कि फॉर्मूलाज लर्न करे फॉर्मूलाज लर्न करो एग्जाम में डेरिवेशन तो क्या मतलब सांस लेने का भी टाइम नहीं होगा ठीक <laughs> है इतना भी टाइम नहीं होगा तो जो बच्चे एक्चुअली एग्जाम दे चुके हैं ना उनसे पूछो टाइम नहीं मिलता है इतनी सारी चीजें आपको करनी रहेगी कि आपको आप बिल्कुल मतलब डेरिवेशन तो क्या आपको सब कुछ याद होना चाहिए वैल्यूज और इवन मतलब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो भी कॉन्सेप्ट भी इवन जो वैल्यूज होती है वो तक आपको याद होनी चाहिए तो जितना ज्यादा आप याद कर सकते हो उतना ज्यादा आपकी ऑल इंडिया रैंक इंक्रीज करते जाएगी है ना तो याद तो करना ही पड़ेगा उसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली एक एक बच्चा होगा जिसको सब याद होगा और उसकी ऑल इंडिया रैंक वन आ जाएगी ठीक है तो जितना ज़्यादा आप याद करोगे उतना ज़्यादा बेटर है बाकी मतलब कैपेसिटी पे डिपेंड करता है है ना जैसे मेरे टाइम पे मुझे तो याद होता ही नहीं था तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद कर ली थी और बाकी आ, कुछ कुछ चीज़ें है जिसको हम डिराइव भी कर लेते हैं तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बट आई विल सजेस्ट यू कि आप याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है है ना जितना अच्छे से याद कर लोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे जैसे ये वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें साइन प्लस साइन अभी अभी हमने पढ़ा sin sin होता है sin cos. होता ना साइन प्लस साइन तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन प्लस साइन होता है टू साइन कॉस एक बार आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू और एक बार आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू ये और इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू है माइनस ट्वेंटी नंबर वन ठीक है सिमिलरली दूसरी इक्वेशन तो ये जो दूसरी इक्वेशन है इसका फॉर्मूला होता है ये cos cos है तो इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस कॉस है ना ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा तो टू कॉस कॉस यहां पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू और यहां पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू और इसका वैल्यू अपने को कितना गिवन है माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आ गई है ना ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन तो अगर दोनों इक्वेशन आ गई आपको निकालना क्या है आपको निकालना है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू अच्छा ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू निकालना है एक काम करो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो सिंपल है ना दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो देखो ये टू से टू कैंसिल तो 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 टू टू वहां पे आ जाएगा माइनस वहां पर ट्वेंटी सेवन आ जाएगा तो ये आ रहा है ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी सेवन और इसको सिंप्लीफाई करो थ्री से कैंसिल कर लो तो सेवन बाई नाइन आ रहा है इसका वैल्यू ठीक है तो इसका वैल्यू सेवन बाई नाइन आ रहा है अब ये आ रहा है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू तो आपको टेन का वैल्यू पता है और साइन का वैल्यू निकालना है क्योंकि अल्टीमेटली इसका वैल्यू आ गया तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा ना आपको क्वेश्चन में पूछा है ये तो आप ये निकाल लो पहले और उसके लिए टेन अपने को ऑलरेडी पता है तो ट्राइंगल बना के कर सकते हैं ना अपने को टेन ऑफ देखो अपने पास ऑलरेडी टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इसका वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है सेवन बाई नाइन तो एक ट्राइंगल बना लो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये नाइनटी डिग्री है ये जो एंगल है वो है अल्फा प्लस बीटा बाई टू तो टैन होता है तो यहां पे आ जाएगा अंडर इज फोर्टी प्लस एटी वन तो ये अल्टीमेटली कितना बन रहा है आ, ये आ जाएगा अल्टीमेटली अंडर 130 आ जाएगा रूट ऑफ वन थर्टी आ गया और अगर root of 130 आ गया वैल्यूटिट इज सेवन डिड बाईप तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और अगर इसका वैल्यू आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो है ना यहाँ कर दोन अपॉन रूट ऑफ वन थर्टी जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे गेट एक माइनस बीटा बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव एक बार कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये थ्री टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है Uh, तो माइनस थ्री बाई वन थर्टी आ रहा है क्या कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू यह आ रहा है माइनस थ्री अपॉन रूट ऑफ वन थर्टी ठीक है अच्छा नेगेटिव तो आ रहा है बट बेसिकली देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना हमेशा आप क्वाड्रेंट चेक कर लिया करो है ना जैसे यहां पे अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो पाई और थ्री पाई के बीच में है तो आप ऐसे सोचो अल्फा माइनस बीटा है ना अल्फा माइनस बीटा जो है वो ऑलरेडी पाई और थ्री पाई के बीच में है अब आप सब कुछ टू से डिवाइड कर दो तो यहां पे डिवाइड बाय टू तो एक्चुअली ये जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा बाई टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू जो एंगल है वो पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच में मेंटली हंड्रेड परसेंट और अगर पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच में है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पाई बाई टू यहां पर होता है थ्री पाई बाई टू यहां पे होता है 3 तो या तो सेकेंड क्वार थर्ड क्वार है और सेकेंड क्वार और थर्ड क्वार दोनों में ही कॉस क्या होता है यहां पे भी तो दोनों में ही नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव तो आना ही था आप दो ऑप्शन तो वैसे भी रिजेक्ट कर सकते थे जो पॉजिटिव है वो तो पॉसिबल ही नहीं है तो यहां पर जितने भी ऑप्शन प्लस वाले है वो तो वैसे ही खत्म है क्योंकि आपको पता है आपको निकालना ये है और ये जो एंगल है वो या तो सेकंड क्वार में है या थर्ड क्वार में और दोनों में ही कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ही आएगा ऑप्शन डी इज द आंसर है ना तो प्लस माइनस में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन जेई वालों ने दिया था बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है अंडरस्टूड ना आप हमेशा क्वाड्रेंट से चे चेक कर लो कि भाई यहां पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट आ रहा है वो सेकंड या थर्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा तो जो पॉजिटिव वाले ऑप्शन है वो तो बस कंफ्यूज करने के लिए है ताकि आधे लोग तो मतलब दो ऑप्शन में ही कंफ्यूज रह जाए ठीक है या किसी का नेगेटिव भी हो जाए तो बस आपको कंफ्यूज करेंगे ठीक है चलो आप और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फिफ्टीन डिग्री सेवेंटी डिग्री तो ये भी आप आराम से निकाल सकते हो ना देखो हमेशा फिफ्टीन डिग्री फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी निकल जाता है फिफ्टीन डिग्री को आप सिंपल कर सकते हो फोर्टी फाइव डिग्री माइनस थर्टी डिग्री और सेवनटी फाइव डिग्री होता है फोर्टी फाइव डिग्री प्लस थर्टी डिग्री है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन फिफ्टीन बताओ तो साइन फिफ्टीन को आप सिंपल लिख दो साइन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी और डायरेक्ट आप फटाक से फॉर्मूला लगा सकते हो साइन ए है ना ये आ जाएगा ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉ से और साइन बी ठीक है अगर आप वैल्यू याद कर सकते हो तो तो बहुत बढ़िया बट अगर याद नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई रूट टू इन टू वन बाई टू तो अल्टीमेटली ये आंसर आ रहा है रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू है ना अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो है ना या तो इसी को आप याद कर लो या इसी का एक सुंदर फॉर्मेट भी है और सुंदर फॉर्मेट क्या है आप रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे ऊपर तो नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट सिक्स माइनस रूट टू और नीचे आ जाएगा फोर ठीक है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन फिफ्टीन साइन फिफ्टीन का वैल्यू है और जो साइन फिफ्टीन का वैल्यू है वही वैल्यू है कॉस सेवेंटी फाइव का क्योंकि कॉस ऑफ नाइनटी माइनस थ्री ना बोलो बोलो या 75 बोलो एक ही बात है क्योंकि कॉस 75 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ नाइनस 75 समझ गए तो का वैल्यू सेम ही होगा और अगर आप सिमिलरली यहां पे कैलकुलेट करोगे साइन 75 फाइव का वैल्यू तो साइन ऑफ 75 का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन सेवेंटी फाइव को आप ऐसे करोगे ना साइन ऑफ फोर्टी फाइव प्लस थर्टी तो बस बीच में प्लस आ जाएगा है ना पे बीच में माइनस है यहां पे बीच में प्लस है तो अल्टीमेटली उसका वैल्यू बस प्लस कर दो आप रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू या तो ये वैल्यू याद कर सकते हो या फिर इसको रैशनलाइज कर लोगे तो रूट सिक्स प्लस रूट टू डिड बाई फोर तो ये वैल्यू अल्टीमेटली आपकी निकल के आ जाएगी साइन सेवनटी फाइव ठीक है तो साइन ऑफ सेवन फाइव भी क्लियर है कैसे निकालोगे तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यूज है है ना अगर आप याद कर सकते हो तो, तो बहुत बढ़िया बट अगर याद नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये पता है तो आप एटलीस्ट निकाल सकते हो एग्जाम में है ना निकाल सकते हो एग्जाम में आराम से यूजिंग दिस फॉर्मलाइव माइनस थर्टी कर दो या 45 फाइव प्लस थर्टी कर दो अच्छा यहाँ पे एक चीज और है ना अगर आपके पास ये वाला फॉर्मेट है साइन ए मल्टीप्लाइड ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन सिक्सटी डिग्री माइनस ए और साइन सिक्सटी डिग्री प्लस ए, साँग ए तो इसका वैल्यू होता है अगेन मतलब इसको आप डायरेक्टली याद रखो वन बाई फोर साइन थ्री सिमिलरलीस में भी है तो four, है। और दोनों को आप डिवाइड कर दोगे है ना दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो वन बाई फोर वन बाई फोर कैंसिल हो जाएगा ये ध्यान रखना तो दोनों को डिवाइड करोगे तो साइन है बाई कॉस है टेन है और साइन बाई कॉस तो फिर से टेन यहां पे भी साइन बाई कॉस तो टेन यहाँ पे साइन थ्री है थ्री है तो टेन थ्री है बट वन बाई विल गेट तो इसमें वन बाई नहीं आता है समझ गए जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसमें वन बाई नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा चमक गया ना जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो वन बाई फोर विल गेट कैंसल्ड अच्छा ये कैसे आया तो देखो इसको भी हम निकाल सकते हैं आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी अभी हमने पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ आपको याद है क्या ए प्लस बी ए माइनस बी हमने ऐसे याद किया था तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे याद किया था ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम यूज करके इसको डिराइव कर सकते हैं हमारे पास क्या है साइन ए साइन सिक्सटी माइनस ए और साइन सिक्सटी प्लस है तो इन दोनों में लगा दो आप ये देखो ये वही वाला फॉर्मेट है ना साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी तो यहां पे आप फॉर्मूला यूज कर लो है ना तो एल एच एस के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है साइन ए माइनस ए और हमारे पास है साइन सिक्सटी प्लस ए है ना सो यूज दिस फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओ आप तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा ये ये आ जाएगा साइन ए

ये बन जाएगा थ्री माइनस फोर साइन स्क्वा ठीक है एंड डिवाइडेड बाय फोर अब ये जो साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यह साइन थ्री ए का फॉर्मूला बन गया कितने लोगों को दिख गया थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब ए है ना और ये किसका फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाई फोर तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया वन बाई फोर साइन थ्री ए ये चमक गया ये साइन थ्री ए का फॉर्मूला होता है ये है साइन थ्री ए का फॉर्मूला होता है ये साइन थ्री ए का फॉर्मूला भी हम अभी पढ़ेंगे बट आई थिंक पता ही होगा साइन थ्री थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब इज एक्चुअली साइन थ्री एन थ्री चलो अभी हम निकालेंगे बट ये क्लियर हो गया ना इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई फोर साइन थ्री है इधर वन बाई फोर कॉस थ्री है और इधर वन बाई फोर नहीं आएगा सिंपल टेन थ्री ए सिंपल ओके अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन इसको आप ट्राई करो एक बार तो ये अपने को निकालना है अपने को फाइंड आउट क्या करना है अपने को निकालना है साइन ट्वेंटी और साइन फोर्टी डिग्री को एक्चुअली आप लिख सकते हो साइन ऑफ सिक्सटी माइनस ट्वेंटी गए और इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ सिक्सटी प्लस ट्वेंटी दिख गया होगा ना तो डायरेक्टली ये तो फॉर्मूला ही बन गया तो इसमें आप डायरेक्टली लगा दो वन बाई फोर और साइन थ्री है तो इसका ट्रिपल तो थ्री इंटू ट्वेंटी साइन थ्री है, समझ गया ना तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है वन बाई फोर साइन गया। तो विल तो तो गेट द आंसर तो ये तो काफी सिंपल है ना? अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगेन मतलब जेई मेन का ही पीवाई क्यू है इसको आप एक बार ट्राई करो ये लेकिन काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब है।, है ना दिस इज जेई मेन पीवाई क्यू इसमें देखो इसमें ए वन ए टू ए थ्री टिल ए एन आर इन ए पी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कॉमन डिफरेंस डी है है ना कॉमन डिफरेंस इज डी स्मॉल डी तो आपको इसका वैल्यू निकालना sin d, है साइन डी है डी इज द कॉमन डिफरेंस सी ए वन सी के टू दो दो करके ऐड करना है ठीक है सी के टू ए थ्री फिर ए थ्री ए फोर और ऐसे करते करते अपने को एन नंबर ऑफ टर्म्स तक फाइनली जाना है तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे सोचो so, एक बार आप है ना इसको ट्राई करो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा बहुत एरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा बहुत तो आता ही होगा वट इज कॉमन डिफरेंस एंड ऑल दैट है ना तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है Uh, किसी भी दो कॉन्जिकुटिव टर्म्स का डिफरेंस है ना दैट इज कॉमन डिफरेंस तो देखो ये जो लिखा हुआ है इसको पहले तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो पूरा तो ये नीचे आ जाएगा ना वन अपॉन इसको हम लिख सकते A1 और A2, ये लिखा हुआ है ठीक है फिर अगला टर्म क्या है अगला टर्म है वन अपॉन कॉस ए टू कॉस ए थ्री है ना वन अपॉन कॉस ए टू और कॉस ए थ्री ये आ जाएगा और इसी तरह से सारे टर्म्स आपके आते जाएंगे लास्ट वाला टर्म क्या होगा लास्ट वाला टर्म आएगा कॉस ए एन माइनस वन और कॉस ए एन ठीक है ये है और न्यूमरेटर में सबके सबके न्यूमरेटर में वन है और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना साइन डी के साथ तो बेसिकली साइन डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहां पे है ना साइन ऑफ डी जो है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कुछ नहीं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और ये जो साइन ऑफ डी है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन डी आ जाएगा न्यूमरेटर में अब ये जो डी है ना ये वाला जो डी है इसको आप लिख दो ए टू माइनस ए वन है कॉमन डिफरेंस है इसको आप लिख दो ए टू माइनस ए वन जो अगला वाला डी है उसको एक्चुअली आप लिखो ए थ्री माइनस ए टू क्योंकि वो भी तो कॉमन डिफरेंस है और जो लास्ट वाला है उसको आप क्या लिखोगे जो लास्ट वाला है वो भी कॉमन डिफरेंस है तो उसको एक्चुअली आप लिखो ए एन माइनस ए एन माइनस वन अब देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा है ना सब कुछ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप जैसे ही यहां पे फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या बनेगा ये जो पहला वाला टर्म है उसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलो तो साइन ऑफ ए टू माइनस ए वन और नीचे हमारे पास क्या क्या है कॉस ए टू कॉस ए वन इसको सिंप्लीफाई करना जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या है कॉस ए टू कॉस ए वन यहां पर भी हमारे पास है कॉस ए टू कॉस ए वन समझ गया तो दिस विल गेट कैंसल्ड यहाँ पे क्या कैंसल ये कैंसिल हो रहा है यहां पे ये यह कैंसल हो रहा है तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया टेन ए टू माइनस यहां पे आ जाएगा टेन ए वन तो ये आ रहा है और बाकी जितने भी टर्म्स है वो भी सिमिलरली ऐसे ही आएंगे ना कुछ कुछ तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका आ रहा है tan ऑफ a2 tan ऑफ a1 तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया इसका वैल्यू आएगा tan a2 tan ऑफ a1 ठीक है मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला टर्म तो इसका वैल्यू क्या इसका आएगा इसका वैल्यू आएगा tan सिमिलरली आप सॉल्व करोगे a3 minus a2 आएगा ठीक है सिमिलरली जो लास्ट वाला टर्म है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा जो लास्ट वाला टर्म है an माइनस टैन ऑफ ए एन माइनस वन ये आ जाएगा लास्ट वाला ठीक है अब इन सबको जैसे ही आप ऐड करोगे ना इन सबको ऐड करने में और मजा आएगा अगर आप थोड़ा इसको वर्टिकली लिख लोगे है ना वर्टिकली लिख लो तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है टैन ए टू माइनस टैन ऑफ ए वन ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है सेकेंड टर्म है ए थ्री माइनस ए टू ठीक है सिमिलरली डॉट 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 लास्ट वाला टर्म क्या है लास्ट वाला टर्म है ए एन और ए एन माइनस वन इन सबको ऐड करना है इन सबको ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है कि अब अब बेसिकली मजा आएगा है ना अब आपको खेलना है क्या मैंने आपको सिखाया था जो रेगुलर बच्चे हैं उनको शायद पता होगा कि इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो अब आपको अपनी तलवार निकालनी है और अब आपको फ्रूट निंजा खेलना है तो ये फ्रूट आया ये और ये कैंसिल ठीक है सिमिलरली ये अगले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा और डाइगनली टर्म्स कैंसिल हो जाए तो, अगर यहां पे एक बच गया तो ये भी बचेगा है ना अगर एक इधर बच गया तो एक ये भी बचेगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा सेकेंड लास्ट टर्म के साथ ठीक है ना मतलब ये दोनों कैंसिल ये दोनों कैंसिल ये पिछला वाला जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या अल्टीमेटली फ्रूट निंजा खेलने के बाद है ना फ्रूट निंजा खेलने के बाद आपका ये बचेगा सो दिस इज योर आंसर तो ए एन माइनस ए वन तो ऑप्शन डी इज द आंसर चमक गया ना तो ये काफी भयंकर क्वेश्चन था यस yes, बारिश हाँ बारिश की जाए है ना मेरा यार आ गया है बारिश कर दो भाई कोई इसको हमने हैश टैग बारिश मेथड भी बोला था यस yes. तो बारिश हो जाएगी बस जैसे ही बारिश होगी ये सारे टर्म्स बारिश में बह जाएंगे ये सब कैंसिल हो जाएंगे ठीक है ना भाई ये भी कैंसिल हमेशा वाले बचेंगे अगर ये इधर बचा तो एक इधर बचेगा ऑलवेज इट इज डायगोनल डाइगनल वाले टर्म्स जो होते हैं वही बचते हैं हमेशा तो बारिश हो जाएगी भाई या आप इसको बोल सकते हो फ्रूट निंजा है ना फ्रूट निंजा या बारिश वाला कॉन्सेप्ट अपना आ गया चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं काफ़ी टाइम से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो आ, एक एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक से मल्टीपल एंगल्स ठीक है अरे ये क्या हो गया ठीक है तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे यस वही अपना रेगुलर ट्वेंटी फाइव मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं ठीक है ट्वेंटी फाइव मिनट्स खत्म होंगे तो सब लोग वापस आ जाए ना अभी तो बहुत कुछ बचा है साइन सीरीज को, साइन सीरीज समेशन प्रोडक्ट है ना तो ये सब कुछ अपने को आज ही आज खत्म करना है तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा बट डेफिनेटली इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे ठीक है यस चलो तो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव मिनट्स के बाद मिलते हैं ठीक है ओके चलो यस यस yes. आगे क्या सब लोग एक बार फटाफट बता दो ठीक है सो देट वी कैन स्टार्ट तो है ना आ जाओ सब लोग फटाफट जल्दी से आ जाओ एक बार बता दो चैट में यस एवरीबडी इज बैक वेलकम बैक स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स से ठीक है चलो तो आई होप कि सब लोगों ने अच्छे से ब्रेक को एंजॉय किया होगा है ना ठीक है चलो आगे सब लोग स्टार्ट करें चलो यस बी फॉर ब्रेक एंड इट इज डन बी फॉर ब्रेक और डी फॉर डन तो वो भी एक खत्म हो गया ठीक है थीके? चलो स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली अब अपने को जो बेसिकली मल्टीपल एंगल्स है उसको देखना है ठीक है तो साइन टू है टेन टू है तो ये सारे जो फॉर्मुल है ये भी काफी आसान रहते हैं ये भी बहुत सिंपल सिंपल बहुत ही चिंदी है ना जैसे साइन टू ए आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे साइन टू ए साइन टू ए को आप ऐसे समझ सकते हो ना साइन टू इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस ए और वही साइन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूलाएगा साइन ए आप ऐसे देखो साइन ए कॉस बी बी का वैल्यू ए तो है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अरे समझ गया ना तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन ए कॉस ए समझ गया टू साइन ए कॉस ए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ऐसे ही तो निकल के आता है तो ये भी अगेन मतलब चिंदी वाले बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है सिमिलरली कॉस टू ए निकाल सकते हो क्या कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ कॉस टू ए भी सिमिलर तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ ए प्लस ए ठीक है तो कॉस ऑफ ए प्लस ए लिख दोगे तो इसमें फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी है ना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बीच में माइनस होता है यहाँ पे तो ये ध्यान रखना तो ये आ गया तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट कॉसर ए माइनस साइन स्क्वा तो ये फॉर्मूला बन गया अच्छा ये जो फॉर्मूला आ गया इसी के अलग अलग अवतार हो सकते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो कॉस स्क्र ए को लिख दो वन माइनस साइन स्क्स स्क्वायर ए को लिख दोगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वन माइनस टू टाइम साइन स्क्वा ये फॉर्मूला तो ये भी एक फॉर्मूला है ठीक है इसको भी आप याद कर सकते हो और सिमिलरली अगर आप साइंस स्क्वायर को लिख दोगे अगर आप साइंस स्क्वायर को लिख दोगे वन माइनस कॉस बन जाएगा cos square minus one minus cos square, तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन तो बेसिकली कॉस टू में तीन तीन फॉर्मूलाज है ये तीनों बेसिकली सेम ही है तो कैसे याद करना है ये आपको समझ में आ गया ये तीनों आपको याद होने चाहिए ये अल्टीमेटली ये जो तीनों के तीनों फॉर्मूलाज है ये तीनों आपको याद होना चाहिए तो cos square square, ये तो 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 ये 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 सबसे अगर अगर आप को को कर कर दोगे दोगे के के में में तो आ आ जाएगा जाएगा और इसमें भी देखो इसमें भी आप क्या कर सकते हो कॉस्ट वे का एक फॉर्मूला ये है ना सेकेंड वाला इसको आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है कॉस्ट वे इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्कोर ए अब इसको रीअरेंज कर लो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जो टू साइन इसको इधर लेके आओ और कॉस टू ए को इधर लेके आओ ठीक है तो ये बेसिकली बन जाएगा वन माइनस कॉस टू ए एंड दिस इज इक्वल टू टू साइन स्क्वेर एक्टूला होता है इसको भी आप इस फॉर्मेट में भी आप याद कर सकते हो ठीक है यह भी एक फॉर्मूला बन गया सिमिलरली अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे अगला वाला तो उसमें क्या बनेगा देखो इसमें क्या बनेगा यहाँ पे आप देखो कॉस टू तो ए कॉस टू ए दिस इज इक्वल टू टू को स्क्र ए टू कॉ स्क् माइनस वन अब ये जो माइनस वन है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना तो ये आ जाएगा कॉस टू ए प्लस वन ये आ जाएगा ना दिस इज इक्वल टू टू को तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया तो ये अलग अलग बेसिकली फॉर्मूलाज नहीं है ये सब एक ही तो है ठीक है ये कोई अलग अलग फॉर्मूलाज थोड़ी ना है ये सब तो सेम ही है अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है याद करने के लिए एक ट्रिक है तो मैं डायरेक्टली आपको ट्रिक बता देता हूं और यहां पे बेसिकली एक बार फिर से लिख लेते हैं सो दैट अपने को ट्रिक समझ में आ जाए हमने बेसिकली यहां पे दो फॉर्मूलाज देखे एक है वन माइनस कॉस टू ए इसका फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वा और एक है वन माइनस एक है वन प्लस ठीक है एक वन माइनस और एक वन प्लस इसका है टू कॉस स्क्र ए अब देखो याद करने के लिए ट्रिक ये है ना याद करने के लिए ट्रिक क्या है कि यहां पे साइन आ रहा है साइन का मतलब होता है सिन और सिन का मतलब पाप अगर साइन को आप अंग्रेजी में पढ़ो साइन का क्या मतलब होता है साइन का मतलब होता है सिन सिन का मतलब पाप तो ये जो साइन है ना वो कैसा इंसान है ये पापी इंसान है तो ये पापी इंसान है पापी इंसान है मतलब नेगेटिव इंसान है ये पापी इंसान है नेगेटिव इंसान तो है है अच्छा तो तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें तो याद ही नहीं होते फॉर्मूलाज आप ऐसे याद कर लो है ना ये साइन कैसा है ये पापी इंसान पापी इंसान मतलब नेगेटिव में साइन आएगा अगर पॉजिटिव है तो कॉस आएगा ठीक है तो पापी वाला फॉर्मूला आप इस तरह से याद कर सकते हो ठीक है Similarly, tan 2a का निकालना है तो तो टू ए के लिए भी आप वही कर सकते हो टैन ऑफ ए प्लस और फॉर्मूला लगा दो तो, बी का तो tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बन जाएगा टू टू tan ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए दिस इज द फॉर्मूला है ना दिस इज ए अच्छा एक और चीज एक और चीज ये है कि आप साइन टू कॉस टू ए का फॉर्मूला भी बना सकते हो साइन टू कॉस टू ए इनका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेन ए जैसे यहां पे हमने जो फॉर्मूलाज निकाले थे ये तो साइन और कॉस्ट के टर्म्स में है ना जैसे साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए कॉस्ट टू ए का फॉर्मूला भी साइन कॉस के टर्म्स में है बट अगर आपको साइन कॉस के टर्म्स में नहीं चाहिए और मान लो आपको टेन के टर्म्स में चाहिए तो टेन के टर्म्स में इसका फॉर्मूला होता है अपॉन नीचे बस दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है ठीक है तो ये फॉर्मूला भी आप अल्टीमेटली याद रख सकते हो है ना ये साइन टू ए A, और ये टेन टू है तो तीनों को एक साथ ही याद कर लो साइन टू है और टेन टू ए का फॉर्मूला अच्छा, कैसे आया तो ये तो ये तो बहुत ही सिंपल है तो बहुत चिंदी है अगर आप यहां से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है टू टेन है और नीचे क्या लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है वन प्लस टेन स्क्वायर तो वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है वो तो सिक्स स्क्वायर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये है टू साइन ए बाई कॉस है ये टेन ए को आप क्या लिखोगे इसको आप लिखोगे साइन बाई कॉस और इसको आप क्या लिखोगे इसको आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए ऊपर की तरफ आ जाएगा अल्टीमेटली आप कैंसिल कर लो यहां पे है ना तो कैंसिल कैंसिल तो दिख गया ना आपको कितने लोगों को दिख गया टू साइन ए कॉस ए और टू साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन टू है। दिख गया होगा चमका कि नहीं

बस इसमें नहीं है, बी ये जो डिनोमिनेटर है वो प्लस आता है ताकि वो सी बन जाए ठीक है और आगे बढ़ते हैं है। तो साइन थ्री है वाला जो डेरिवेशन है वो भी आप सिमिलरली कर सकते हो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस टू है बट अगेन हम बहुत ज्यादा डेरिवेशन में नहीं पढ़ेंगे अदरवाइज तो ये वन शॉट चलता ही रहेगा ठीक है <laughs> तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूं इसका डेरिवेशन भी आप इस तरह से कर सकते हो साइन थ्री ए और यहां पर आप लिखो कॉस थ्री ए अब देखो ये फॉर्मूला भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है तो इसका भी एक ट्रिक बता देता हूं इसको कैसे याद करना है तो ट्रिक वही है सेम है ना ट्रिक क्या है इसका भी ट्रिक वही है कि ये क्या है ये साइन है तो साइन का मतलब क्या होता है साइन का मतलब होता है पाप ये वाली ट्रिक हर जगह वैलिड है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में वैलिड है आप सारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि साइन का मतलब का मतलब पाप तो भाई पाप लगेगा तो देखो ये पापी इंसान है ये अच्छा इंसान है पापी इंसान मतलब नेगेटिव इंसान नेगेटिव इंसान तो इसका फॉर्मूला आएगा थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि नेगेटिव अपने को क्रिएट करना है तो नेगेटिव कैसे क्रिएट करता है नेगेटिव तभी क्रिएट होता है ना जब कोई एक छोटा नंबर है छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर तभी तो नेगेटिव आएगा एक बात बताओ अगर मैं आपको पूछता हूं कोई भी एक छोटा नंबर बताओ लेट्स ए टू छोटा नंबर माइनस आपने कर दिया कोई बड़ा नंबर तो छोटे नंबर में से माइनस करोगे बड़ा नंबर तभी तो नेगेटिव नंबर आएगा नेगेटिव नंबर कब आएगा नेगेटिव नंबर तभी आएगा जब छोटा माइनस बड़ा तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो साइन का जो कोफिशेंट है वो भी छोटा माइनस बड़ा तो छोटा इधर आता है इसी में तो कंफ्यूजन होता है कि सर थ्री आएगा कि थ्री इधर आएगा कि इधर आएगा तो छोटा माइनस बड़ा और पावर को भी देखोगे तो पावर इधर छोटी है और पावर इधर बड़ी है तो छोटा माइनस बड़ा ऐसे याद कर लो और ये अच्छा इंसान है अगर ये अच्छा इंसान है तो इसमें बड़ा माइनस छोटा आएगा तो इसमें आएगा फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस है अरे चमक गया ना तो इसमें बड़ा माइनस छोटा और यहाँ पे छोटा माइनस बड़ा ये कितने लोगों को समझ में आया तो ये ट्रिक का आप यूज कर सकते हो अगर आप कंपेयर करोगे तो कोफिशियंट भी छोटा है और पावर भी छोटी है छोटा छोटी कोवर पापी इंसान पापी इंसान नेगेटिव इंसान तो ये नेगेटिव इंसान है इसमें छोटा माइनस बड़ा तभी तो नेगेटिव आएगा और इसमें बड़ा माइनस छोटा तो कोई भी बड़ा है पावर भी बड़ी है समझिए ना तो ये आप याद कर सकते हो एंड इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एक फॉर्मूला फ्री में आ जाएगा 3. तो दोनों को डिवाइड करके आप फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा थ्री टेन माइनस टेन क्यूब ए माइनस टेन क्यूब ए और वन माइनस थ्री

इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ठीक है ये ही कई क्वेश्चन है तो एक बार ट्राई करो चलो ठीक है हाँ टेन तो फ्री में ही आता है और क्या है ना टेन तो फ्री में ही आता है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो टेन फ्री में आता है और जब आप जॉब करने लग जाओगे ना तो बस ये एन का एक्स हो जाता है बस ठीक अभी तो टेन फ्री में आ है जब आप जॉब करोगे न, पैसा कमाओगे तो ये फ्री में आएगा तो यहां पे बहुत सारी चीजें जो टी वाली है वो फ्री में ही आती है और क्या ओके <laughs> okay, हाँ तो ये थोड़ा हाई लेवल जोक था ये सबको नहीं समझ में आएगा खैर ये क्वेश्चन ट्राई कर दे <laughs> <ठीक? laughs> कैसे करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है रूट टू साइन अल्फा अच्छा आपने को निकालना ये है टेन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा अच्छा तो जो निकालना है उस पर फोकस करो ना ये निकालना है अगर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा टेन ए प्लस टेन बी ठीक है टू बीटा ये और अपॉन वन माइनस ये आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आ गया टेन ऑफ ए प्लस बी का तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ करके टेन अल्फा का और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ करके अगर इन दोनों का वैल्यू आ गया तो फाइनल आंसर भी आ गया सिंपल इज दैट

और यहां पे वन प्लस कॉस टू अल्फा तो प्लस है अच्छा आंखों में चमक आ रही है कि नहीं इसमें है वन प्लस अगर प्लस है तो कॉस वाला फॉर्मूला आएगा ना तो टू कॉस स्क्र अल्फा ये आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना गिवन है वन बाई सेवन ठीक है तो अल्टीमेटली आप यहां पे कैंसिल कर लो रूट टू रूट टू कैंसिल हो जाएगा ना ये भी रूट टू ये भी रूट टू कैंसल साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा तो बस टेन अल्फा आ गया टेन अल्फा का वैल्यू वन बाई सेवन आ गया अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने मॉड नहीं लगाया है ना हाँ कुछ लोग तो बोलेंगे यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा हुआ है ना रूट टू रूट टू तो आपने कैंसिल कर लिया बट ये अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्चुअली आप बोलोगे कि सर मॉड लगाना चाहिए बट मॉड लगा के कोई फायदा होगा क्या अल्टीमेटली क्वेश्चन में तो आपको बोला है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सिंस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब कुछ पॉजिटिव ही है तो मॉड लेके कोई फायदा ही नहीं है ठीक है एवरीथिंग इज पॉजिटिव है तो जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो तो मॉड लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप मॉड लगाओगे भी तो भी वो प्लस के साथ ही खुलेगा तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था दैट द क्वेश्चन ठीक है आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अच्छा सिमिलरली यहां पे बताओ इसको सिंप्लीफाई करके इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू बीटा डिवाइडेड बाई टू और इसका वैल्यू कितना गिवन है इसका वैल्यू अपने को गिवन है है तो देखो ये भी सिंपल है, ये भी अच्छा मतलब पापी इंसान पापी इंसान है तो मतलब ये वाला आएगा तो फॉर्मूलाएगा अपॉन टू अगेन यहां पे भी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो बस आप यहाँ पे आ गया साइन बीटा साइन बीटा का वैल्यू आ गया वन बाय रूट टेन और अगर साइन बीटा आ गया तो टेन बीटा ट्राइंगल बना के निकाल लो एंगल बीटा है तो यह ऑपोजिट यह हाइपोटिन्य कितना आ जाएगा यह थ्री आ जाएगा है ना अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यह थ्री आ जाएगा और अगर यह थ्री आ गया तो टैन बीटा कितना आ गया तो यहां से टैन बीटा आपका आ जाएगा ऑपोजिट बाई एडज वन बाई थ्री आ जाएगा लेकिन यह तो टेन बीटा है ना आपको निकालना क्या है आपको यह निकालना है अगर आप ध्यान से देखोगे टेन टू बीटा तो टैन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके बाद है ना इसके बाद आपको क्या चाहिए आपको चाहिए टैन टू बीटा तो ये कैसा आएगा तो ये आएगा टू टैन बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन स्क्वायर बीटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो तो ये टू इन टू वन बाई थ्री और वन माइनस वन बाई नाइन तो अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है टू बाई थ्री और नाइन बाई एट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो थ्री बाई फोर आ रहा है है ना तो इसका वैल्यू आप सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव वन आ रहा है तो फाइनली व्हाट इज आंसर इसका आ जाएगा वन ठीक है इसका जो फाइनल आंसर है तो जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का बहुत ही जिंदी वाला क्वेश्चन यस सिंपल है तो ये काफी सिंपल था ठीक है और आगे बढ़ते हैं जेई मेन टू का क्वेश्चन ट्राई करो ये एक बार ट्राई करो ये भी सिंपल ही है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक तो है तो सिंस यहाँ पे कॉस स्क्वायर है इधर भी कॉस कॉस है और इधर भी स्क्वायर है तो सबको किसकी जरूरत है जितने भी टर्म्स है उनको सबको टू की जरूरत है क्योंकि हमने पढ़ा था टू थीटा, ये होता है ना अभी तो हमने देखा स्क्वायर थीटा तो ये होता है वन प्लस टू थीटा, प्लस आएगा क्योंकि अच्छा इंसान है है ना माइनस तभी आता है जब पापी इंसान है तो बेसिकली आप क्या करो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको टू से मल्टीप्लाई कर लो और टू से डिवाइड भी कर लो क्योंकि सबको टू की जरूरत है तो ऊपर आ जाएगा टू कॉस स्क्न ठीक है ये बन जाएगा यहां पे भी बन जाएगा टू कौस, कौस A, कौस B. तो ये वाला लग जाएगा और यहां पे बन जाएगा टू कॉस स्क्टी ठीक है और डिवाइडेड बाय टू है तो वन बाई टू कर देते हैं तो ये इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आप लिख सकते हो वन प्लस टू थीटा तो ट्वेंटी डिग्री आ जाएगा सही है इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस है ना अच्छा यहां पे ब्रैकेट लगा लो चलो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा कॉस कौस बी तो टू कॉस ए कॉस बी ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी तो कॉस दोनों को माइनस करोगे तो फोर्टी और प्लस ठीक है प्लस और कॉस ऑफ ए एक बार तो आप करोगे ए माइनस बी और यहां पे ए प्लस बी तो ए प्लस बी करोगे तो 60 डिग्री तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा लो और लास्ट में क्या आएगा ये ये वाला फॉर्मला यूज करो टू कॉस स्क्वा तो वन प्लस कॉस टू थीटा तो हंड्रेड डिग्री आ जाएगा ठीक है तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस ठीक है अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस ये आ गया अब इसको सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बताना वन बाई टू तो बाहर है है ना 1 by 2 बाहर ये 1, आ, और ये और का वैल्यू भी आपको पता है ना और इधर भी वन है चलो एक काम करो क्लब कर लो ये वन और ये वन तो वन प्लस वन टू ठीक है वन प्लस वन यहां पे लिख देते हैं टू और यहां पे हमारे पास है माइनस कॉस्ट सिक्सटी तो इसको भी क्लब कर लो कॉस्ट सिक्सटी का वैल्यू वन बाई टू तो माइनस वन बाई टू लिख दो आप जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको क्लब कर लो कॉन्स्टेंट्स को क्लब कर लिया तो अब क्या क्या बचा एक ये बच गया है ना ये वाला टर्म लिख दो कॉस ट्वेंटी तो यहां पे आ जाएगा कॉस ट्वेंटी फिर कॉस ट्वेंटी के बाद माइनस कॉस फोर्टी तो माइनस कॉस फोर्टी और लास्ट में यहां पे क्या है प्लस कॉस हंड्रेड ठीक है तो प्लस कॉस हंड्रेड अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ठीक है इसको देखो सिंप्लीफाई करने के लिए ये बेसिकली आपका आ गया वन बाई टू और यहां पे आ जाएगा थ्री बाई टू यहां पे फॉर्मूला लगा दो आप सिंपल तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे लिख दू क्या माइनस कॉस डी तो ये होता है माइनस टू साइन साइन ठीक है माइनस टू साइन साइन यहां पर आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू और यहां पर आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू माइनस टू साइन साइन है ना तो ये प्लस को हटा के माइनस कर लो माइनस टू साइन और दोनों को ऐड करो सी प्लस डी तो सिक्सटी है ना सिक्सटी बाई टू थर्टी तो ये आ जाएगा और साइन सी माइनस डी बाई टू तो ट्वेंटी माइनस फोर्टी करना आपको सी माइनस डी ये ध्यान रखना तो सी माइनस डी तो ट्वेंटी माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी बाई टू तो माइनस टेन डिग्री आएगा ठीक है तो यह आ रहा है और कॉस हंड्रेड को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ नाइनटी प्लस टेन ठीक है कॉस ऑफ हंड्रेड को आप ये लिख दो तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया सो दिस इज हाउ मच दिस इज वन बाई टू ये थ्री बाई टू और ये साइन थर्टी का वैल्यू वन बाई टू होता है ना तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा साइन थर्टी क्या है साइन थर्टी है वन बाई टू तो वन बाई टू और टू गेट कैंसल्ड माइनस माइनस प्लस साइन टेन आ गया साइन ऑफ टेन आ गया और इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन टेन तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा ये समझ में आया ना क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है ठीक है 90 प्लस टेन नाइनटी प्लस टेन तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है यहां पे पाई बाई टू का मल्टीपल है 90 है ना तो नाइनटी है मतलब पाई बाई टू का मल्टीपल है तो सिंस पाई बाई टू का मल्टीपल है तो कॉस का साइन हो जाएगा तो कॉस का साइन कर दो

फॉर ब्रेक ओवर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समझ गए yes, तो ये सिंपल ही था मतलब थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना था बाकी कुछ नहीं है एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे चलो। इसका आंसर आप बताओ। J 2019, ठीक है? 2019 का क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Fine. ये कैसे करेंगे साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन सेवेंटी तो ये बेसिकली आप देखो ना साइन थर्टी का वैल्यू तो आपको पता ही है 1 2. है ना साइन थर्टी लिखा हुआ है साइन टेन साइन टेन डिग्री और साइन ये फिफ्टी डिग्री को आप लिख दो माइनस टेन और इसको आप लिख दो साइन ऑफ सिक्सटी प्लस टेन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा है ना यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ साइन ए साइन सिक्सटी माइनस ए और साइन सिक्सटी प्लस ए वाला है ना फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है फॉर्मूला याद है ना अदरवाइज लिख देते हैं यहाँ पे कहीं पे है ना साइड में लिख लेते हैं चलो साइन ए साइन सिक्सटी प्लस ए और साइन सिक्सटी माइनस ए इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था वन बाई फोर साइन थ्री ए याद है ना वन बाई फोर साइन थ्री है सो दिस इज द फॉर्मूला इसको यूज कर लो सिंपल तो इसको यूज कर लोगे लो गई टू तो ऑलरेडी तो है by और इसका ट्रिपल. इसका ट्रिपल करोगे तो थर्टी डिग्री आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये है सो व्हाट इज द आंसर साइन थर्टी वन बाई टू होता है वन बाई सिक्सटीन ऑप्शन ए ये तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था फिर तो ये तो फॉर्मूला बेस हो गया ठीक है तो दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन और आगे बढ़ते है, 2020 का भी कर लेते हैं ठीक तो अच्छा है दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन ये एक बार ट्राई करो देखो इस क्वेश्चन में ना सिंस थोड़ा ज्यादा मेहनत है एक काम करते है समझने के लिए ये पाई बाई एट को कुछ थीटा ले लेते हैं स्टार्टिंग में ताकि बार बार अपने को पाई बाय एट पाई बाय एट ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा ठीक है तो बेसिकली हमारे जैसे आलसी लोगों के लिए अब थीटा अज्यूम कर लो तो थ्री पाई बाय एट क्या बन जाएगा ये बन जाएगा थ्री थीटा फाइन तो ये थ्री थीटा आ गया तो अब बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन ये है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा

तो इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करो लास्ट में जो आना चाहिए ना उसमें टू चाहिए पूरा का पूरा अगर टू थीटा में अगर आपने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया ना तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म टू इज पाई बाई फोर पुट कर देंगे हम समझ गए ना तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कैसे करोगे सिंप्लीफाई टू थीटा में लेके आना है तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ये कॉस का क्यूब और इसका फॉर्मूला क्या ये अच्छा इंसान है अच्छा इंसान है तो बड़ा माइनस छोटा तो बड़ा और आ, ना बड़ा माइनस छोटा बट आएगा तो माइनस थ्री कॉस इसका फॉर्मूला यही होता है और ये यहां पे है साइन का क्यूब है ना शॉर्ट में लिख लो साइन का क्यूब और ये है पापी इंसान पापी इंसान तो नेगेटिव इंसान तो थ्री साइन माइनस फोर साइन uh, क्यूब ठीक है तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपके पास ठीक है यस ये भी क्लियर है अब अंदर मल्टीप्लाई करो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना फोर कॉस की पावर सिक्स यहां पे कितना आ जाएगा यहां पे आ जाएगा थ्री कॉस की पावर फोर यहां पे कितना आएगा ये वाला जो टर्म है थ्री साइन की पावर फोर और यहां पे आ जाएगा माइनस फोर साइन की पावर सिक्स तो कॉस की पावर सिक्स और साइन की पावर सिक्स को कंबाइन कर लो तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर तो कॉमन आ गया बचेगा कॉस की पावर सिक्स माइनस साइन की पावर सिक्स आएगा ठीक है यहां पे माइनस थ्री कॉमन ले लो तो कॉस की पावर फोर माइनस साइन की पावर फोर अब ये जो दोनों है उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन आप ले लो कॉमन uh, आप ले लो कॉसर माइनस साइन चलो पहले फैक्टराइज कर लो इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस साइन स्क्वायर कॉ स्क्वायर यह आ जाएगा ना अल्टीमेटली आपके पास और इधर इधर क्या बनेगा इधर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज कर लिया अब आप इसको कॉमन ले लो तो कॉमन क्या आ रहा है ये कॉमन आ रहा है कॉस माइनस साइन स्क्वेयर तो कॉस स्क्र माइनस साइंस स्क्र को निकाल लो कॉमन ठीक है ये कॉमन आ गया बचेगा क्या बचेगा फोर मल्टीप्लाइड बाई दिस और इसको भी आप क्या लिख सकते हो इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना कॉस की पावर फोर प्लस साइन की पावर फोर तो ये होता है square square. ये होता है ठीक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख लो तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉ स्क्वायर और एक और माइनस साइन स्क्वायर कॉस तो वन माइनस थ्री हो जाएगा फोर तो के साथ आ जाएगा वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर कॉस अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया ठीक है और उधर आ जाएगा बस माइनस थ्री क्योंकि ये तो वन हो गया इसको कॉमन निकाल लिया तो बचेगा माइनस थ्री केवल तो यहां पे माइनस थ्री तो ये आ गया अल्टीमेटली आपके पास अब बताओ इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन इधर फोर माइनस थ्री तो फोर माइनस थ्री इज वन और माइनस ट्वेल्व साइंस स्क्वास स्क्तर तो ये आ गया अल्टीमेटली अब इसको आप क्या लिख सकते होना यहां तो तो जाएगा इसमें आप लिख दो थ्री थ्री और फोर कॉस स्क्सक्सर इज एक्चुअली साइंस स्क्टा तो ये बन गया ये चमक गया टू गया और अगर टू थीटम आ गया तो टू थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर है तो टू थीटा का वैल्यू पाई बाय फोर पुट कर दो तो जैसे ही आप टू थीटा का वैल्यू पाई बाय फोर पुट करोगे यू विल गेट द आंसर चमका कि नहीं कितने लोगों को चमक गया तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है अब पाई बाय फोर पुट करना है तो कॉस पाई बाय फोर है ना ये बन जाएगा कॉस पाई बाय फोर और यहां पे वन माइनस और साइन स्क्वायर पाई बाई फोर तो साइन स्क्वायर पाई बाई फोर यह आ जाएगा ठीक है साइन स्क्वायर पाई बाई फोर तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है माइनस वन बाई टू रूट टू ठीक है माइनस वन बाई टू रूट टू ऑप्शन में माइनस वाला तो नहीं है आपने कुछ गलती कर दी है क्या कैलकुलेशन में एक बार चेक करना आ, ये वही आ रहा है ना साइन स्क्वायर पाई बाई फोर तो वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर तो वन माइनस थ्री बाई टू एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है अच्छा इधर प्लस आएगा ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब सो दिस विल बी प्लस इधर प्लस आएगा ना अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो उधर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी है ना तो इधर गड़बड़ है तो इसको प्लस आएगा ये और अगर ये प्लस आएगा तो इसका वैल्यू है स्कस साइन स्क्वायर कॉ स्क्वायर इसका वैल्यू है वन माइनस टू साइन स्क्वायर को स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर ये बनेगा अल्टीमेटली वन माइनस साइन करेक्शन कर लो इधर आ जाएगा है ना तो ये, ये भी चेंज हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा और इधर बन जाएगा साइन स्क्टा तो ये आ रहा है क्या एक बार चेक करो अब सही है अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वन माइनस वन बाई टू और 1-1 वन बाई टू तो दैट विल बी 1 वन बाई टू रूट तो ऑप्शन ए इज द आंसर सही है ना तो वो बेसिकली यहां पे प्लस आएगा चमका कि नहीं यस और नो तो फाइनली ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में इधर प्लस आता है ना फाइन और आगे बढ़ता है अब एडवांस 2020 का क्वेश्चन करते हैं ये भी इनफैक्ट बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन आया था है ना जेई एडवांस

तो आपको बताना है बीटा माइनस अल्फा तो सबसे पहले तो ये जो एफ एक्स जो गंदा सा दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन मतलब बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको कुछ अज्यूम कर लो जैसे यहां पे माइनस आपको दिख रहा है ना इसको आप थीटा अज्यूम कर लो है ना सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सिंप्लीफाई तभी हम कर पाएंगे जब कुछ ना कुछ अपने को फॉर्मुलाज वगैरह दिखेंगे तो हमने क्या किया कि ये वाला जो एंगल यहां पर आपको दिख रहा है इसको थीटा अज्यूम कर लिया अगर इसको थीटा थीटाज्यूम कर लिया तो पाई एक्स क्या बन गया तो पाई एक्स बन गया इसको इधर शिफ्ट कर दो पाई बाई प्लस थीटा बन गया ठीक है तो टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू निकालो तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई टू प्लस टू थीटा है ना तो ये एंगल आ गया सिमिलरली ये एंगल भी निकालो तो यहां पे आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इस इक्वेशन को है ना ये वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करो तो थ्री पाई एक्स आएगा इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्री पाई एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है ये आ जाएगा ना थ्री पाई एक्स थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया और थ्री पाई एक्स अगर आ गया तो उसमें पाई बाई फोर कर दो तो थ्री पाई एक्स प्लस पाई बाई फोर तो दिस विल बी थ्री पाई बाई फोर प्लस थ्री थी थीटा प्लस पाई बाई फोर ना तो अल्टीमेटली ये कितना बन रहा है ये बन रहा है पाई प्लस थ्री थीटा ये हमारे पास बन रहा है पाई, तो तो पाई, पाई वैल्यू आ गया तो टू पाई एक्स निकाल लिया उसका वैल्यू भी आ गया और टू पाई एक्स निकाल लिया सिमिलरली थ्री पाई एक्स भी निकाल लिया इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री पाई बाई फोर प्लस थ्री थीटा और उसमें पाई बाई फोर और एड कर दिया तो पाई प्लस 3 थीटा आ गया अब सारे एंगल्स इसमें आप ंगल्सिट्यूट कर दो सारे एंगल्स पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या बन जाएगा? है ना ये जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या बन जाएगा माइनस माइनस तो यहां पे आप लिखो 3 9, और इसका वैल्यू हमने कितना निकाला टू पाई एक्स का वैल्यू निकाला है पाई बाई टू प्लस टू थीटा तो सब्सटीट्यूट कर दो बस तो पाई बाई टू प्लस टू थीटा अब ये पूरा एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा और बाहर हमारे पास क्या है बाहर ये है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा ये जो साइन थीटा है वो बस इसको मल्टीप्लाइड है ठीक है ना आप ब्रैकेट्स ध्यान से देख लेना यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो केवल साइन थीटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है और फिर माइनस साइन और ये वाला एंगल आ जाएगा ठीक है तो माइनस यहां पर माइनस साइन और पाई प्लस थ्री थीटा ये आ जाएगा हमारा एफ एक्स ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करो

है ना ये माइनस तो आगे ऑलरेडी था ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस थीटा तो ये आ गया ठीक है अब इस ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और मल्टीप्लाइड और इसका वैल्यू अगेन माइनस तो आप लगा ही दो अच्छा साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है तो साइन थ्री थीटा आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा आगे यहाँ पे प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे तो उसके लिए क्वाड्रेंट चेक करो तो पाई से भी ज्यादा है पाई प्लस थ्री थीटा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट आएगा है ना पाई से ज्यादा तो थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में ये नेगेटिव होता है तो ये माइनस के साथ खुलेगा तो बीच में प्लस आ जाएगा भी एक्चुअली ये समझ में आया माइनस आएगा ना तो माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास ये आ गया अब इसमें देखो अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करता है आ, ये थ्री माइनस कॉस टू थीटा और इनटू टू साइन थीटा और ये पापी इंसान है तो इसका फॉर्मूला बताओ सिंस ये पापी इंसान है तो इसका फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा अब पूरे में से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा ना इसमें भी साइन थीटा है इसमें भी साइन थीटा है और इसमें भी साइन थीटा है तो साइन थीटा आप कॉमन ले लो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो ये बचा बस यहां पे आ गया प्लस थ्री यहां पे माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा तो बस ये बचा ठीक है तो ये हमारे पास बच गया अब इसमें आप क्या करो ये जो कॉस टू थीटा है उसका फॉर्मूला यूज कर लो है ना उसको भी आप साइन में कन्वर्ट करो ताकि सब कुछ साइन में आ जाए तो थ्री प्लस थ्री सिक्स इसका फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा तो वो होता है वन माइनस टू साइन है तो यहां पे आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वा और माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस ठीक है अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा और सिक्स माइनस वन इज दे और यहां पे कितना आ प्लस टू और माइनस फोर इन दोनों को क्लब कर लो ना तो प्लस टू माइनस फोर दो माइनस टू आ गया तो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एकदम सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया अब देखो आपको इनइक्वालिटी क्या सॉल्व करनी है आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है एफ एक्स ग्रेटर टू जीरो तो एफ एक्ट आपने सिंप्लीफाई कर लिया इसको आप पुट कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है इसको आप सिंपल पुट कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू अब उसमें ये वाली जो क्वांटिटी है ना ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि साइंस स्क्वायर थीटा जो है उसका वैल्यू जीरो और वन के बीच में ही रहेगा स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी बिटवीन जीरो एंड वन तो सिंस ये जीरो और वन के बीच में है फाइव माइनस टू इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा फाइव और इस, इसको आप एक बार जीरो ले लो एक बार वन ले लो ना तो मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा बट ये कभी नेगेटिव हो पाएगा क्या ये कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव समझ गए ना ये वाली जो क्वांटिटी है फाइव माइनस टू सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा

है ना जीरो से पाई में तो का ग्राफ पता ही है. का ग्राफ विल बी दिस, तो साइन थी जीरो से पाई में ही तो वो पॉजिटिव है ठीक है जीरो टू पाई और थीटा का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था इनिशियली इनिशियली हमने थीटा का वैल्यू ये अज्यूम किया था है ना? तो पाई एक्स माइनस पाई बाई फोर पुट कर दो आप यहां पे पाई एक्स माइनस पाई बाई फोर इसका वैल्यू जीरो और पाई के बीच में अब और पाई बाई फोर को प्लस कर दो ठीक है तो ये आ जाएगा यहां पे बन जाएगा फाइव पाई बाई फोर ठीक है पाई बाई फोर एड कर दिया पाई से पाई से पाई से पाई से पाई, पाई कैंसिल कर लो ठीक है पाई 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 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्स का इंटरवल क्या आ रहा वन बाई फोर से फाइव बाई फोर आ रहा है ठीक है तो दिस इज द इंटरवल और अगर ये इंटरवल आ गया तो ये अल्फा और बीटा ही तो है ठीक है एक्स का जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है वन बाई फोर से फाइव बाई फोर तो दिस इसको आप कंपेयर कर लो क्वेश्चन में आपको इंटरवल ये गिवन है तो कंपेयर कर लोगे तो बीटा अल्फा आ गया आपको निकालना है बीटा माइनस अल्फा तो फाइव बाई फोर माइनस वन बाई फोर तो एक्चुअली आंसर विल बी वन आएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था बस आपको कुछ नहीं करना था देखो इसमें कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपको एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करना है बट आप डायरेक्टली उसको पुट करोगे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा इसीलिए हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया है ना एकदम थीटा के टर्म्स में लेके आगे फाइनली हमने सिंपलीफाई कर लिया सिंप्लीफाई करने के बाद आप सोचो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो कब वो आएगा है ना और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर कर दो तो फाइनली इसका आंसर है वन ठीक है आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ना ये है जेई एडवांस टू थाउजेंड टेन का ये तो आप खुद से भी कर लोगे इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है बाकी क्वेश्चन आसान ही है ठीक है तो एक बार ट्राई करो चलो लेटेस्ट सी कि आप कर पाते हो कि नहीं है ना क्वेश्चन तो बहुत ही टेंथ स्टैंडर्ड लेवल का है तो क्वेश्चन में क्या बोला है टू पैरल कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस टू तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस है टू ठीक है और इसमें दो पैरल कॉर्ड है तो मान लेते कि एक जो कॉर्ड है वो ऐसी है और दूसरी जो कॉर्ड है वो ऐसी है दोनों पैरल है ठीक है टू पैरल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस इज सेंटर ठीक है टू पैरल कॉर्ड्स थोड़ा पैरल और बना देता है ठीक है ना तो दो पैरल कॉर्ड है ये लो ये दो पैरल कॉर्ड है ठीक है टू पैरल कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री प्लस वन अच्छा तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज रूट थ्री प्लस वन ये डिस्टेंस है रूट थ्री प्लस वन ठीक दिस है डिस्टेंस सेंटर एंगल टू पाई बाई के is, an center, अच्छा तो ये वाली जो कॉर्ड है लेट से दिस इज कॉर्ड ए बी तो कॉर्ड ए बी कुछ एंगल सब्टेंड कर रही है सेंटर पे तो ये एंगल होगा ना वो कॉर्ड ए बी जो है इट इज सबेंडिंग सम एंगल एट द सेंटर और वो एंगल है पाई बाई के तो अगर ये पूरा एंगल पाई बाई के है तो उसका हाफ कर लो आप पाई बाई के का हाफ सो दैट विल बी पाई बाई टू के तो ये एंगल आ गया ठीक है जो पूरी कॉर्ड है दैट फुल कॉर्ड इज सबेंडिंग दिस एंगल तो हाफ एंगल आ जाएगा ना ये पाई बाई टू, टू के आप केवल इस पर फोकस करो ठीक है ये वाली लाइन तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है इसको तो आप डिलीट कर सकते हो सिमिलरली दूसरी वाली है, वो कितना एंगल हाफ आ जाएगा तो पाई बाई के ना दोनों को हाफ हाफ कर लो इसका हाफ इधर इसका हाफ इधर अब रेडियस कितना है रेडियस टू है और यही तो रेडियस है दिस इज द रेडियस ठीक है तो रेडियस टू यहां पे भी रेडियस इज टू तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टू कॉस थीटा ये लेंथ कितनी आ जाएगी दिस लेंथ है ना आप कॉम्पोनेंट ले लो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो तो ये टू कॉस थीटा और यहां पर भी ये भी टू है तो अगेन टू कॉस थीटा तो ये वाली लेंथ भी आ जाएगी और दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी फिर कंपेयर कर लेंगे समझ गए ना तो बेसिकली इक्वेशन आपकी बनेगी टू कॉस थीटा सो so, टू है ना टू कॉस और थीटा का वैल्यू है पाई बाई टू के ये वैल्यू है समझ गए तो ये टू कॉस थीटा तो ये लेंथ आ गई और सिमिलरली टू कॉस थीटा तो ये लेंथ आ जाएगी सो टू कॉस पाई बाई के ठीक है और ये टोटल लेंथ कितनी है रूट थ्री प्लस वन तो बस इक्वेशन बन गई और एक बार इक्वेशन बन गई तो आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के है ना के का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये सो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अब ये डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और के का वैल्यू निकालो डायग्राम का, का काम खत्म हो गया ठीक है ये इक्वेशन आ गई अच्छा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगेन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो एक काम करो पाई बाई टू के को आप थीटा अज्यूम कर लो जो छोटा वाला है उसको थीटा अज्यूम कर लो ताकि पाई बाई के कितना आ जाएगा फिर अगर इसको आपने थीटा अज्यूम किया अगर इसको आपने थीटा अज्यूम किया तो दिस एंगल विल बी टू थीटा ना गए डबल है तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली टू थीटा तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई आपकी इक्वेशन ये बन गई आपकी इक्वेशन बन गई टू कॉस थीटा प्लस वन और ये क्या है ये जो इक्वेशन है इसको देखते ही मतलब आंखों में चमक आ रही है कि नहीं ये तो क्वाड्रेटिक है ये जो कॉस टू थीटा है उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो तो जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक समझ गए ना कॉस टू थीटा को आप लिख दो टू थीटा टू थीटा है ना का फॉर्मूला एंड दिस इज इक्वल दिसल ट्री प्लस वन ये क्वाड्रेटिक दिख गया अगर क्वाड्रेटिक दिख गया तो सॉल्व करो फिर और क्या करें है ना फोर कॉस्टर थीटा माइनस टू इसको भी इधर ले लेट तो थ्री माइनस वन इक्वल टू तो जीरो लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है ना वो उतनी सिंपल नहीं है जितना जितना सिंपल आप सोच के जेई का एग्जाम देने गए थे <laughs> उतनी सिंपल नहीं है है ना ये आ जाएगा माइनस ऑफ थ्री प्लस रूट थ्री तो ये क्वाड्रेटिक आ रही है और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो बस अब कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन थोड़ा भयंकर है तो बेसिकली इसको फैक्टराइज तो आप कर नहीं पाओगे सिंस हम यहाँ पे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मुला लगाओ तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी और डी का वैल्यू कितना आएगा बी स्क्वायर है ना बी स्क्तर माइनस फोर ए सी तो माइनस फोर इन ए है ना माइनस फोर ए सी और सी का वैल्यू नेगेटिव है तो इसको प्लस कर लो और थ्री प्लस रूट थ्री आ जाएगा ठीक है ये आ जाएगा अब इसको सिंप्लीफाई करो और नीचे कितना है टू ए सो टू इंटू फोर तो एट आएगा ठीक है ऊपर नीचे टू से कैंसिल कर लो ऊपर नीचे क्योंकि यहां पे भी फोर फोर है तो फोर कॉमन आ जाएगा और यहां पे टू है यहां पे एट है तो आप ऊपर नीचे टू से कैंसिल कर लो ऊपर नीचे टू से कैंसिल कर तो गाइनस वन प्लस माइनस बेसिकली ये फोर और फोर बाहर निकल के टू बन जाएगा ना टू कैंसिल हो गया तो अब बचा क्या अब बचा है ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व uh, प्लस फोर रूट थ्री तो ये बचा है ठीक है दिस अपॉन नीचे आ जाएगा फोर नीचे भी कैंसिल कर दिया आपने टू तो अल्टीमेटली ये बचा है ठीक है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे सो दिस इज माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन अच्छा ये थर्टीन प्लस फोर रूट थ्री है थर्टीन प्लस फोर रूट थ्री क्या ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या थर्टीन प्लस सोचो दिमाग लगाओ आपके पास आ गया थर्टीन प्लस फोर रूट थ्री तो फोर रूट थ्री जो है वो ऑब्वियसली मिडिल टर्म है Root को आप लिख सकते हो टू इंटू टू रूट थ्री इंटू वन ऐसे लिख सकते हो ना तो ये जो 13 है से सोचना स्टार्ट करो यहाँ से करोगे तो टू इंटू टू रूट थ्री इंटू वन ठीक है तो टू रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है 4 into 3, 12. 12 plus 1. तो यहां पे जो ट्वेल्व आ रहा है ट्वेल्व को आपने ऐसे लिख दिया और जो वन आ रहा है वन को आपने ऐसे लिख दिया और ये मिडिल टर्म ये तो perfect square बन गया ना किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये ये बन गया two root three plus one का whole square. ये root हट जाएगा और नीचे अपने पास है है ठीक तो करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस टू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो ठीक है तो एक बार प्लस ले, ले लेंगे तो कितना अगर प्लस ले लेंगे तो ये आएगा और अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस ले लेंगे तो ये आ जाएगा है ना एक बार प्लस एक बार माइनस तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो रूट थ्री बाई टू आ रहे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो टू कैंसिल कर लो माइनस वन माइनस रूट थ्री बाई टू ये आ रहा है तो दो वैल्यूज आ रही है और किसकी वैल्यू आ रही है कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है ठीक है तो कॉस थीटा की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास कॉस थीटा इज आइदर इक्वल टू रूट थ्री बाई टू अच्छा ये तो नेगेटिव आ रहा है ना तो नेगेटिव पॉसिबल है क्या क्योंकि यहां पे अगर आप सर्कल का डायग्राम देखोगे तो ये जितने भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं सबके सब एक्यूट एंगल है है ना यहाँ इसमें कुछ डायग्राम में कोई भी एंगल ऐसा तो है नहीं जो ऑप्टूस एंगल है तो ये जितने भी एंगल्स है पाई बाई टू के पाई बाई के सारे के सारे जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है सिंस पे एक्यूट एंगल्स है और वैसे भी आपको क्वेश्चन में भी बोला के इज ग्रेटर देन है ना तो आपका एंगल ही पॉजिटिव है तो बेसिकली यहाँ पे आपका नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा दिस विल बी एक्सेप्टेड ठीक है तो कॉस्ट थीटा का वैल्यू आ गया रूट थ्री बाई टू तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा थीटा का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई सिक्स और थीटा को हमने अज्यूम क्या क्या था थीटा को हमने अज्यूम किया था पाई बाई टू के तो पाई बाई टू के का वैल्यू आ गया दिस इज नथिंग बट ठीक so, so, है आप है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपकी जोमेट्री भी आ गई है ना जोमेट्री इन्वॉल्ड सर्कल और कॉड और ये सब करके इन्होंने कुछ तो क्वेश्चन बनाया उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गया क्योंकि जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता वो नहीं कर पाएगा उसके बाद ये भी आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो दिमाग भी लगाना था ऐसा नहीं कि केवल मतलब ये चैप्टर्स है बेसिक नॉलेज भी है कॉमन सेंस भी है ठीक है तो वो भी आ गया और फाइनली आपको रिजेक्ट भी करना है और फाइनली कंपेयर करके आंसर निकालना है तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स आर देर ठीक है यस yes. चमक गया होगा मेरे ख्याल से फाइन चलो और आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कोसाइन सीरीज के बारे में कोसाइन सीरीज दो टाइप की होती है एक प्रोडक्ट वाली एक समेशन वाली तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट मतलब सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो कोसाइन सीरीज जो है मल्टीप्लिकेशन वाली मल्टीप्लिकेशन वाली कोसाइन सीरीज ये है और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो पैकमैन से इसको हमने पढ़ा था इस तरह से कि ये पैकमैन है पैकमैन आपने बचपन में खेला है क्या एक गेम होता है ऐसा एक पैकमैन होता है और वो जो पैकमैन होता है वो सारे कॉइन्स को खा जाता है और अगर कोई बीच में डाकू आ गया डाकू कुछ इस तरह का होता है ऐसा कुछ तो समथिंग लाइक दिस मतलब मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता है <laughs> बट आपने खेला होगा ना पैकमैन तो पैकमैन अगर आपने खेला है तो बेसिकली ये ये हमारे जमाने का गेम है बचपन वाला है ना कितने लोगों ने देखा है ये मतलब पैकमैन तो ये पैकमैन कॉन्सेप्ट आपको इसको याद रखना है है ना जो लोग आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ चुके हैं उनको याद आ गया होगा कि हाँ ये पैकमैन होता है ये पैकमैन क्यों बोला क्योंकि एक पैकमैन होता है जो सब कुछ खा जाता है है ना तो यहाँ पे एक पैकमैन है ये सारे क्वैंस को खा जाएगा बेसिकली है ना मान के चलो कि मतलब लाइफ में ये डाकू नहीं है ये डाकू नहीं है मतलब जो विलन है वो नहीं है तो ये सारे टर्म्स है और एक पैकमैन आएगा और वो ये सारे टर्म्स को खा जाएगा बेसिकली आप ऐसे समझो ठीक है तो पैकमैन हमारा क्या है हमारा जो पैकमैन है ना तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पहले लिख देता ना दिस इज एल एच एस आर एच एस अपने को लेके आना है इसका जो डेरिवेशन है वो पैकमैन है बेसिकली हैशटैग पैकमैन के साथ आप इसको याद कर सकते हो डिराइव भी कर सकते हो तो बेसिकली हमारा जो पैकमैन है ना वो है टू साइने आप क्या करो कि ये जो कोसाइन सीरीज है उसके आगे आप एक टू साइने को छोड़ दो वो वो जो टू है ना सबको खा जाएगा ये पैकमैन है हमारा जो पैकमैन है वो टू है तो टू साइने सबको खा जाएगा देखो कैसे खाएगा अभी यहां पे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली तो मैथमेटिक्स है गेम थोड़ी चल रहा है <laughs> तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर लो ठीक है तो ये जो cos cos A, और ऐसे आता जाएगा डॉट 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 और लास्ट में आएगा कॉस टू की पावर एन माइनस वन इंटू ए और नीचे हमारे पास क्या है नीचे हमारे पास है टू साइन

आप बस टू को सप्लाई करते रहो तो ये साइन टू है ये दिख रहा है ना सबको साइन टू है लिखा हुआ है तो बेसिकली दिस तो अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में ये फिर से बन जाएगा साइन फोर ए खा जाएगा ना बेसिकली कितने लोगों को समझ में आ गया ये खाता जाएगा और डबल डबल बनता जाएगा इनिशियली देखो ना इनिशियली हमारा जो पैकमैन था वो साइन ए था इनिशियली साइन ए था बट वो कॉस ए को खा गया जब खा गया तो डबल हो गया तो साइन टू एस ए को खा जाएगा तो वो फिर से डबल हो जाएगा तो खाता रहेगा मोटा होता रहेगा ठीक है ये जो पैकमैन है वो अगले अगले टर्म्स को सारे टर्म्स एक एक करके खा जाएगा और अपनी वैल्यू डबल डबल कर लेगा मोटा होता जाएगा ठीक है तो पैकमैन इज इंक्रीजिंग मोटा हो रहा है उसको जिम जाने की जरूरत है ठीक है डॉट 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 तो लास्ट में क्या आएगा अब आप पैटर्न देख लो बस तो अगर आप पैटर्न देख लोगे तो लास्ट में वो सारे टर्म्स को खा जाएगा टू की पावर टू है और साइन ए है तो फिर से आप टू सप्लाई करोगे इसको है ना जब टू सप्लाई करोगे तभी ये खा पाएगा तो टू और ये टू की पावर थ्री हो जाएगा फिर तो फिर से ये कंबाइन हो जाएंगे और इसी तरह से ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और ये कितनी बार चलेगा ये एन नंबर ऑफ टाइम्स ये चलेगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा लास्ट में यहां पे आ जाएगा टू की पावर एन इन टू साइन है और यहां पे जैसे अभी देखो हमने जो प्रोसेस है वो कितनी बार रिपीट किया हमने प्रोसेस दो बार रिपीट किया तो यहां पे जब दो बार रिपीट है ना पहली बार दूसरी बार तो पहली बार दूसरी बार दूसरी बार में टू की पावर टू आ रहा है पहली बार में टू की पावर वन आ रहा है इधर टू की पावर टू आ रहा है तो लास्ट में क्या आ जाएगा लास्ट में टू की पावर एन आ जाएगा तो बस आप केवल यहां पे पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो तो लास्ट में आपका ये बन जाएगा मतलब बेसिकली इसका डबल ना लास्ट में वो किसको खाएगा लास्ट में इस वाली टर्म को खाएगा हमारा जो पैकमैन है वो लास्ट में इस वाली टर्म को खाएगा ना और जब इसको खाएगा तो इसका डबल बन जाएगा यहां पर देखो ना जब कॉस टू ए को खाया तो साइन फोर ए बन गया तो एंगल इज गेटिंग डबल तो जब इसको खाएगा तो ये जो एंगल है वो ये है, इसका डबल हो जाएगा वो तो डबल मतलब टू की पावर वन से मल्टीप्लाई किया तो पावर को ऐड कर लो वन प्लस एन माइनस वन इंटू ए तो टू की पावर एन इंटू ए गया ना डबल समझिए डबल एंगल आ जाएगा तो लास्ट में डबल एंगल आ जाएगा ठीक है तो पैकमैन सब कुछ खा जाएगा इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो लास्ट में अल्टीमेटली यह है एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे याद करो और ए जो होता है ना ये ए होता है फर्स्ट एंगल ए होता है फर्स्ट एंगल ठीक है ए इज द फर्स्ट एंगल मतलब जो सबसे छोटा एंगल है जो सबसे पहला एंगल है जो सबसे पहला पहला है ए फिर उसका डबल फिर उसका भी डबल उसका भी डबल अच्छा यहां पे एक चीज और आप देख लो कि कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला तभी लगेगा जब एंगल्स जीपी में होंगे तो जीपी बननी चाहिए मतलब हर बार डबल होना चाहिए सिंपल आप ये समझ लो जीपी का कॉमन रेशियो टू होना चाहिए तभी लगेगा अगर जीपी का कॉमन रेशियो कुछ और है तो भी नहीं लगेगा तो बेसिकली हर बार डबल ए का टू ए का फोर का ए एंगल आपका डबल हो रहा है देन यू कैन यूज कोसाइन सीरीज अदरवाइज नहीं कर सकते ठीक है दैट इज फर्स्ट थिंग सेकेंड आपको ये जो फर्स्ट एंगल है वो यूज करना है फॉर्मूला में यहां पे a क्या है फर्स्ट एंगल a क्या है फर्स्ट एंगल n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है ना एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स ए इज द फर्स्ट एंगल तो ये आपको क्लियर हो गया अब इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं मतलब दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट चमक जाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये कोसाइन सीरीज है वो भी मल्टीप्लीकेशन वाली ये कोसाइन सीरीज तो है सारे टर्म्स कॉस वाले है ना तो कोसाइन सीरीज है मल्टीप्लीकेशन भी है लेकिन एक चीज नहीं है क्या नहीं है इसमें जो एंगल्स है वो जीपी में तो नहीं है क्या मतलब एंगल हर बार डबल हो रहे एंगल्स हर बार डबल नहीं हो रहे ये दिक्कत आ गई तो कैसे करेंगे हमने तो पढ़ा था कि भाई कोसाइन सीरीज हम तभी लगा सकते हैं जब एंगल्स डबल होते हर बार यहां पर एंगल्स डबल नहीं हो रहे ना मतलब यहां से यहां डबल हो रहा है बट फिर ये वाला डबल हो रहा है फिर एट पाई बाई फिफ्टीन है नहीं तो कैसे करेंगे तो बेसिकली जो भी डबल हो रहा है ना उसको आप क्लब कर लो तो जैसे आप क्या करो ये वाला टर्म आप लिख लो पहले तो यहां पे आप ऐसे कर लो कॉस है सेकेंड आप इसको लिख लो इसके बाद टू पाई बाई फिफ्टीन ठीक है फिर इसको लिख लो आप कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन तो एंगल डबल हो रहा है और ये जो cos सेवन पाई बाई फिफ्टीन है ना कॉस ऑफ सेवन पाई बाई फिफ्टीन को हम क्या लिख सकते सेवन पाई बाई फिफ्टीन को हम एट पाई बाई फिफ्टीन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं सोचो यहां पे साइड में कर लेते हैं तो अगर आपके पास है कॉस है ना अगर आपके पास है कॉस पाई बाई फिफ्टीन तो उसको आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस एट पाई बाई फिफ्टीन लिख सकते हैं यस और नो इस तरह से लिख सकते तो अब यह बन गया कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा

इसको आप हटा दो और इसकी जगह आप लिख दो माइनस कॉस एट पाई बाई फिफ्टीन ताकि अपने को अपना जो डबल एंगल है वो मिल जाए तो हमें इसका डबल होता है एट पाई बाई फिफ्टी है ना तो वो बेसिकली लास्ट वाला जो टर्म है उसमें माइनस भी है तो माइनस आप आगे लिख दो और यहां पे आ जाएगा कॉस एट पाई बाई फिफ्टीन अब एट का डबल क्या है एट का डबल है सिक्सटीन और सिक्सटीन को हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे है ना जैसे यहाँ पे थ्री पाई बाई फिफ्टीन फाइव ये बच गया ये भी बच गया तो ये तीन टर्म्स बच कौन कौन से बाकी तो सब इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है अच्छा तो इन तीनों को कैसे करोगे अब अब इन तीनों में एक दूसरी कोसाइन सीरीज बन जाएगी ना क्योंकि आप देखो थ्री पाई बाई फिफ्टीन का डबल है सिक्स पाई बाई फिफ्टीन तो एक दूसरी कोसाइन सीरीज बन जाएगी तो थ्री पाई बाई फिफ्टीन, फिफ्टीन का डबल होता है सिक्स पाई बाई फिफ्टीन ठीक है डबल तो ये दूसरी कोसाइन सीरीज बन गई बस उसमें दो ही टर्म्स है और एक टर्म और बच गया विच इज पाई, पाई बाई फिफ्टीन होता है पाई बाई थ्री, इसको तो आप कैंसिल कर सकते हो ना फाइव के साथ तो ये तो कॉस फाइव बाई थ्री लिखा हुआ है सिंपल तो कॉस फाइव बाई थ्री का तो वैल्यू ही पता है अपने तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ना उसमें तीन तीन बेसिकली आपको कोसाइन सीरीज बना तीन नहीं दो बोल दो और एक वैल्यू है ना तो दो कोसाइन सीरीज में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया और एक वैल्यू ठीक है अब आप इसमें कोसाइन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो बड़े आराम से तो यहां पे जब कोसाइन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है साइन टू की पावर नंबर ऑफ टर्म्स एक दो तीन चार तो चार टर्म है और फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट एंगल है पाई बाई फिफ्टीन तो ये आ जाएगा नीचे आएगा टू की पावर फोर इंटू साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल तो ये आ जाएगा ठीक है ये हमने फॉर्मूला लगा दिया कोसाइन सीरीज का कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया सिंपल सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा इसमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो साइन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है टू तो टू की पावर टू दो टर्म्स है और फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट एंगल है थ्री पाई बाई फिफ्टीन नीचे आ जाएगा टू स्क्वायर इंटू साइन और थ्री पाई बाई फिफ्टीन इज द फर्स्ट एंगल तो ये आ गया अल्टीमेटली आपके पास और कॉस पाई बाई थ्री तो कॉस सिक्सटी सो दैट विल बी वन बाई टू ठीक है तो सब कुछ वैल्यू हमने कर दिया अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ये क्या है ये है साइन सिक्सटीन पाई बाई फिफ्टीन ठीक है अच्छा पाई को मैं डायरेक्टली लिख दू इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई ना है ना पाई प्लस पाई प्लस आ जाएगा में और डिनोमिनेटर में है टू की पार फोर इंटू साइन ऑफ पाई बाई फिफ्टीन है ना ये काफी भयंकर सवाल और यहाँ पे ये क्या बन रहा है आप क्या लिख सकते हो पाई माइनस थ्री पाई बाई फिफ्टीन ऐसा लिख सकते हो नीचे क्या है नीचे टू का और साइन ऑफ थ्री पाई बाई फिफ्टीन तो देखो ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ठीक है ऊपर नीचे कैंसिल होगा ये क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पे अल्टीमेटली आ जाएगा आ, पाई प्लस थीटा अगर पाई प्लस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा है ना थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन पाई बाई फिफ्टीन नीचे है टू की पावर फोर और साइन पाई बाई फिफ्टीन अब साइन पाई बाई फिफ्टीन को आप कैंसिल कर सकते हो बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन थ्री पाई बाई फिफ्टीन बन जाएगा नीचे टू की पावर टू और साइन थ्री पाई बाई फिफ्टीन है चमक तो गया होगा और यहां पे है हमारे पास वन बाई टू ठीक है तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये खचा, खचा, कैंसल कैंसल कैंसिल करते ही बस आपका ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया तो क्या क्या आएगा टू की पावर फोर आ रहा है फिर टू की पावर टू आ रहा है और टू की पावर वन आ रहा है तो अल्टीमेटली टू की पावर सेवन वन बाई वन ट्वेंटी एट आ गया ठीक है तो यही तो आपने को प्रूव करना था वन बाई वन ट्वेंटी एट चमका कि नहीं खचाक खचाक आंसर आया ठीक है तो हैंस हैंस प्रूवर्ड फाइनली हैंस हैंस अंडरस्टूड हुआ कि नहीं हैंस है ना सिंपल है मतलब ये बट बट इस तरह के क्वेश्चन भयंकर वाले आप बन सकते हैं ठीक है थीके? अब जैसे ये ट्राई करो अब देखो ये कोसाइन सीरीज है क्या सोचो आपको स्टार्टिंग से ही सोचना है हमेशा बेसिक मेथड पे फोकस करो कि हम इसको कैसे आ, सोच रहे है ना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या है तो ये कोसाइन सीरीज है क्या साइन सीरीज तो होता ही नहीं है साइन सीरीज जैसा दुनिया में मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन में साइन सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है केवल कोसाइन सीरीज होता है साइन सीरीज होता ही नहीं है तो यहां तो, तो होता ही नहीं है एक ही फॉर्मूला होता है साइन थीटा को आप लिख दो माइनस थीटा साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं यही एकमात्र फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला है ही नहीं समझिए तो ये जो पहला वाला टर्म है ये है साइन थीटा है ना तो आप एल एच एस से स्टार्ट करो और इसको आप लिख दो ऑफ माइनस थीटा सब कुछ रेडियन में है ना इसको भी आप लिख मेंस नाइनटी माइनस थीटा सब कुछ कॉस्ट में कन्वर्ट करो थ्री पाई बाई फोर्टीन इसको भी आप लिख दो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ठीक है इसको भी आप लिख दो कॉस नाइनटी माइनस थीटा

और फिर अगला वाला टर्म कितना आ जाएगा टू पाई बाई फोर्टीन आ रहा है अब पाई तो तो ना टू का डबल फोर फोर का डबल एट एट नहीं है अगर एट नहीं है तो क्या करोगे तो एट बनाएंगे और एट हम कैसे बना सकते हैं इसको आप लिख दो पाई माइनस एट पाई बाई फोरटीन यस नो यहां पे आ गया कॉस ये तो सेम है ठीक है इसको तो आप सेम ही रखो इसको भी आप सेम ही रखो अब बताओ इसमें क्या बनेगा तो ये बन गया पाई 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 माइनस 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 थीटा 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 तो ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा ये बन गया माइनस कॉस एट पाई बाई फोर्टीन है ना इंटू कॉस फोर पाई बाई फोर्टीन इंटू कॉस टू पाई बाई फोरटीन अब ये कोसाइन सीरीज बन गई है ना तो कोसाइन सीरीज को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो पहले तो है ना तो सबसे छोटा एंगल आप यहां पे ले आओ तो एक हमारे पास है फोर पाई बाई फोर्टीन और एक हमारे पास है एट पाई बाई फोर्टीन अब फॉर्मूला लगाओ ठीक है तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है ये तो ये ए का वैल्यू है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने है? तीन तो बेसिकली यहां पे आएगा साइन टू की पावर नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट एंगल इज दिस और नीचे यही आता है बस अलग अलग आता है है ना तो नीचे टू की पावर थ्री अलग और साइन ऑफ फर्स्ट एंगल तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपके पास ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करो माइनस ये कितना बनेगा ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन एट पाई बाई, बाई सेवन अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो और डिनोमिनेटर में है टू की पावर थ्री और ये है साइन पाई बाई सेवन ठीक है तो एट पाई बाई सेवन का क्या करें आप तो एट पाई बाई सेवन को आप लिख दो पाई प्लस पाई बाई सेवन समझ गए ना ये जो एट पाई बाई सेवन है उसको आप कर दो पाई प्लस पाई बाई सेवन तो कौन सा क्वार्रेंट हो गया थर्ड क्वार और अगर थर्ड क्वार हो गया तो क्या आएगा थर्ड क्वार में साइन एस आई एन थर्ड क्वार्टर में साइन का साइन नेगेटिव होता है ठीक है थर्ड क्वार्टर में साइन का साइन की पावर थ्री साइन पाई बाई सेवन अरे कितने को चमक गया हो गया बस खत्म ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है खचाक खचाक तो अल्टीमेटली वन बाई एट आ गया वन बाई एट इज द आंसर तो हमेशा दुनिया में आपको कहीं पे भी साइंस सीरीज दिख जाए ना तो साइंस सीरीज को, को साइंस सीरीज में कन्वर्ट कर लो क्योंकि साइंस सीरीज जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ठीक है चमका कि नहीं फाइन मेरे ख्याल से चमक गया होगा ओके खचाक खचाक है <laughs> यस तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है अरे ये फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया तो ये अब आप खुद से ट्राई करो है ना दिस इस इज इसको हम बना देते हैं ट्राई इट योर वाला क्वेश्चन ट्राई इट योर सेल्फ मतलब इसको क्या बोलेंगे और फिर अल्टीमेटली आपका ट्राई करना मैं आपको सीधा जेई वाला क्वेश्चन करा देता हूं तो जेई मेन वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो ठीक है अच्छा डी आई वाई होता है क्या वो अच्छा डू इट योर सेल्फ हाँ 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 टी आई वाई डी आई आर ठीक है मतलब इसमें भी थोड़ा एनवी स्टाइल है <laughs> ठीक है तो ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2019 में इसको एक बार ट्राई करना सर कितने स्लाइड्स है अब बस ज्यादा नहीं है अभी समेशन सीरीज भी है और है मतलब अभी तो है, है ना एक घंटा तो लगेगा ही मिनिमम और इतना तो वन शॉट है ट्रिग्नोमेट्रिक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो बचा है ठीक <laughs> है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो अभी बचा ही है हाँ ये हुआ इसको आप ध्यान से देखो ना यहां से यहां तक यहां से लेके यहां तक कोसाइन सीरीज है लेकिन सबसे छोटा वाला एंगल ये है है ना तो आप उल्टा कर दो इसको इसको पहले लिख दो इसको पहले लिखो फिर लास्ट सेकंड टर्म क्या होगा पाई अपॉन टू रेस टू नाइन ये होगा ना और डॉट 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 ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लास्ट में लिख दो तो ये आपकी कोसाइन सीरीज है आपको इसको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा तो ये पूरा ये पूरा आ गया और मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ पाई अपॉन टू रेस टू, टू टेन ये कितने लोगों अब आप यहां पे ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि भाई इसका डबल ये है डबल है ना ध्यान से देखो इसका डबल करोगे तो ये आएगा फिर उसका डबल करोगे तो अगला वाला आएगा ऐसे डबल 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 होता जाएगा ठीक है अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत आएगा तो ये जेई वाले बहुत ही चालाक है इन्होंने जान के ये जो सीरीज है वो उल्टे ऑर्डर में दी है तो आपको पहचानना पड़ेगा ना कि ये सबसे छोटा है इसका डबल करोगे तब ये आएगा फिर डबल करोगे तो अगला आएगा तो डबल करना होता है आपको हमेशा हमेशा डबल करना है ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट एंगल आ गया तो ये फर्स्ट एंगल है ठीक है दिस इज वैल्यू ऑफ एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने टू से स्टार्ट हो रहा है और टेन तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स आर नाइन तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर नाइन है तो साइन ऑफ टू रेस टू नाइन मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट एंगल इज दिस तो ये आ जाएगा ऊपर नीचे भी यही आएगा बट अलग अलग आएगा तो टू रेस टू नाइन और साइन ऑफ पाई बाई टू रेस टू ये बन गया और ये तो फॉर्मूला लगा दिया हमने मल्टीप्लाइड बाई यहां पे क्या है साइन ऑफ पाई बाई टू रेस टू टे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया खचाक खचाक दिस एंड दिस ठीक है कैंसिल ये क्या बन गया ऊपर ऊपर बन गया साइन पाई बाई टू तो बस आंसर दिख गया होगा आपको ऊपर वाला तो साइन पाई बाई टू है साइन पाई बाई टू तो वन होता है ओहो क्या बात है इतने सारे लोगों का आंसर आ गया चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब बात करते हैं एटीन डिग्री थर्टी सिक्स डिग्री तो देखो ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है काफी इंपॉर्टेंट है तो पहले तो मैं आपको वैल्यूज याद करा देता हूं है ना तो वैल्यूज याद करा देता हूं मैं सबसे पहले देखो एक आपको वैल्यू याद रखना है साइन एटीन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक आपको याद रखना है कॉस थर्टी सिक्स का बस ये दो ही याद करना है और कुछ भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन इसमें याद नहीं करना है बस ये दो याद कर लो और इन दोनों को याद करने का तरीका भी सिंपल है है ना इसका वैल्यू होता है रूट फाइव माइनस वन बाई फोर इसका वैल्यू होता है रूट फाइव प्लस वन बाई फोर मैंने आपको वैल्यूज बता दी आप मुझे बताओ कि मैंने इसमें ट्रिक क्या बनाया होगा है ना इन दोनों फॉर्मूलाज को याद करने के लिए जब मैं ट्वेल्थ में था तो मैंने इसका ट्रिक क्या बनाया होगा वो आप सोचो तो ऑब्वियसली वही वाला बनाया होगा ना साइन साइन का मतलब सिन। साइन का मतलब, सिन। और सिन का मतलब पाप पापी इंसान है पापी इंसान है तो नेगेटिव इंसान है अगर नेगेटिव इंसान है तो माइनस वाला साइन में आएगा और प्लस वाला कॉस में आएगा ठीक है तो ये वाले फॉर्मूलाज भी आप इसी तरह से याद कर सकते हो इवन वैल्यूज भी और ये दो ही वैल्यू आपको याद रखनी है अब आप बोलोगे सर कभी एग्जाम में कॉस एटीन आ गया तो कैसे करेंगे तो कॉस एटीन आप रट्टा मत मारो ना साइन एटीन आपको पता है तो साइन एटीन अगर आपको पता है तो वन माइनस साइन स्क्टीन ये कर दो बस है ना तो बस वैल्यू ही तो प्लग इन करना है भाई थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है ना उसको यूज कर लो अदरवाइज ट्राइंगल बना के कर सकते हो आप ट्राइंगल बना के निकाल सकते हो तो ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कॉस एटीन और साइन थर्टी सिक्स याद करने की जरूरत नहीं है केवल याद करो साइन एटीन और कॉस थर्टी सिक्स ठीक है साइन एटीन और कॉस थर्टी सिक्स बस इन दोनों को याद कर लो रूट फाइव माइनस वन बाई फोर और रूट फाइव प्लस वन बाई फोर ये दो वैल्यूज याद हो गई ना याद हो गई क्या अगर दो वैल्यूज याद हो गई अब देखो ये आता कैसे? ये आता आता कैसे? है देखो अब सबसे पहले डिग्री तो को थीटा, थीटा करोगे तो फाइव थीटा कितना आ जाएगा? ये 90 आ जाएगा। और फाइव थीटा होता है टू थीटा प्लस थ्री थीटा दिस इज इक्वल टू तो नाइन डिग्री तो बेसिकली इस तरह का है थ्री तो थीटा ये आपका आ गया नाइनटी माइनस टू थीटा ये आ गया अब इसमें आप क्या करो दोनों तरफ ले लो कॉस्ट ये जो आपको दिख रहा है ना थ्री 3 थीटा थ्री टू नाइनटी माइनस टू थीटा, थीटा। इसमें आप दोनों तरफ ले लो कॉस यहां पे भी कॉस्ट और यहां पे भी कॉस्ट कॉस कॉस्ट ठीक है तो कॉस कॉस्ट ले लोगे अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बड़ा माइनस छोटा तो बड़ा है ना आ, बड़ा माइनस छोटा तो ये होता है और ये कॉस ऑफ नाइंटी माइनस थीटा तो कॉस ऑफ नाइंटी माइनस थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा तो अगेन कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा ना खर्चा 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 कैंसिल कर लो कॉस थीटा कॉस थीटा इधर भी एक कॉस थीटा होगा उसको भी उड़ा देना है ना तो बेसिकली उड़ाने के बाद क्या आएगा उड़ाने के बाद ये बचेगा यहाँ पे माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू टू साइन थी थ्री टू टू साइन थीटा तो क्वाड्रेटिक तो तो दिख गया सबको माइनस फोर साइन स्क्वा माइनस को भी प्लस कर लो चलो माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर दिया है ना माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर देना तो अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक आ गई है ना दिस इज द क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके साइन the थीटा निकाल लो तो यही आएगा आपका यही आएगा ठीक तो है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं देखो फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो का फॉर्मुला लगा दो साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इधर माइनस है तो प्लस फोर इंटू फोर ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू ए, तो नीचे एट आएगा ऊपर नीचे टू टू कर लो है ना तो टू टू कैंसिल कर तो अल्टीमेटली रूट फाइव बचेगा नीचे फोर बचेगा तो दो आंसर आ रहे अच्छा दो में से एक रिजेक्ट हो जाएगा एक आंसर ये आ रहा है और एक आंसर ये आ रहा है बट यहाँ पे थीटा क्या है बेसिकली हमने sin 18 तो sin 18 जो है, वो कभी, हो सकता है? क्या? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में लाई करता है और अगर फर्स्ट क्वार्टर में लाई करता है तो फर्स्ट क्वार्टर में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव है ना अपना वही सी एस टी यहां पे ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव समझ गया ना 18 डिग्री है अगर 18 डिग्री है तो वो तो 90 से कम होता है ना ये फर्स्ट क्वार क्वार है तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं पाएगा तो यही आएगा बस तो रूट फाइव माइनस वन बाई फोर यही तो लिखा है है ना यहाँ पे सॉरी रूट फाइव माइनस वन बाई फोर ठीक है तो ये एटीन और थर्टी सिक्स में आपको दो वैल्यूज अभी के अभी याद करनी है फिर आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री 22.5 डिग्री मतलब 45 का आधा 45 होता है पाई बाई 4 तो 22.5 डिग्री इसका हाफ सो दैट इज एक्चुअली पाई बाई 8 तो आपको ये निकालना है पाई बाई 8 है ये अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 8 है अब इसमें बस आप एक चीज याद रख लो डायरेक्टली व्हिच इज tan पाई बाय 8 ये बार-बार यूज हो जाता है तो tan पाई बाय 8 का वैल्यू होता है √2 1 इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है root 2 minus 1 होता है। ये कैसे आया? देखो ये ऐसे आया। इसमें आप सीधा tan 2 theta वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, है ना? What इज द formula फॉर tan 2 theta? ये होता है 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, यही तो होता है। अब इसमें theta का वैल्यू पुट कर दो, अपने को निकालना pi by 8, तो theta का वैल्यू पुट कर दो पाई बाई एट। तो ये बन जाएगा टेन पाई बाई फोर है ना क्योंकि थीटा है और यहां पे आ जाएगा टू टाइन पाई बाई एट डिवाइडेड बाई वन माइनस तो वन होता है ना तो वन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक दिख गया सबको फिर से तो फिर से आपको क्वाड्रेटिक दिख जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट इक्वल टू टू टेन बाई 8 ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके फिर से आपको निकालना पड़ेगा तो टेन स्कूल टू टेन पाई, बाई एट, पाई बाई एट ठीक है अब से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मला लगाओ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मला लगाएंगे तो कितना आएगा टेन पाई बाई एट इज इक्वल टू माइनस बी ओके माइनस बी प्लस माइनस रूट तो रूट के अंदर आ जाएगा फोर प्लस फोर ना फोर प्लस फोर तो एट और नीचे नीचे आ जाएगा टू तो अल्टीमेटली रूट ऑफ एट को आप लिख दो two two. ये जो है ना इसको आप लिख दो two two. बस ये two से, two से two हो जाएगा तो माइनस वन प्लस माइनस रूट टू आ रहा है बट अगेन नेगेटिव नहीं हो सकता ना एक आंसर ये आ रहा है एक आंसर ये आ रहा है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले को कर दो रिजेक्ट पॉजिटिव वाले को कर लो एक्सेप्ट नेगेटिव को रिजेक्ट इसलिए क्योंकि ये भी तो फर्स्ट क्वार्टर में ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फर्स्ट क्वार्टर नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना सो इट विल बी पॉजिटिव ठीक है तो पॉजिटिव आएगा रूट टू का वैल्यू 1.414 पॉइंट माइनस वन तो ये पॉजिटिव आएगा ना अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा तो दैट इज एक्सेप्टेड अंडरस्टूड ये चमक गया होगा कितने लोगों को चमक गया फाइन सिंपल आगे बढ़े तो तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है 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 ना pi by 8. अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे which is maximum and the minimum value, मतलब ठीक तो का जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में रेंज तो ये भी अपने को पढ़ना है ठीक है कोई भी अगर मान लो है तो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ रहे थे कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन उट द मिनिम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन और अगर दोनों पूछना होगा तो बोलेंगे तो ये भी एक टॉपिक है जिसको अपने को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है ठीक है चलो तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें अप्रोक्सिमेटली आप समझ लो चार टाइप, है. ना? Approximately चार टाइप है पहला जो टाइप है दट इज बाई यूजिंग द रेंज ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसका रेंज अपने को ऑलरेडी पता है ना लाइक फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स अपने को ऑलरेडी पता है, आप -X और -X, है -X और -X का जो रेंज होता है वो क्या होता है वो या तो माइनस वन से छोटा होगा इन दोनों का वैल्यू या तो माइनस वन से छोटा होगा या वन से बड़ा होगा तो ये होता है है ना टेन एक्स और कॉटेक्स वाले क्वेश्चन कम आते क्योंकि उनका रेंज आर होता है तो सिंस उसका रेंज आर है तो सब कुछ तो आ ही गया तो पूछेंगे क्या ठीक <laughs> है तो इसीलिए इसके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं बाकी आप इसमें क्या कर सकते हो स्क्वायर भी कर सकते हो अगर मान लो आपने स्क्वायर कर दिया साइंस स्क्वायर एक्स को स्क्वास तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो और वन के बीच में रहेगा अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता सिमिलरली मान लो आपने इसको स्क्वायर कर दिया सी स्क्वायर एक्स और को सिक स्क्वास तो फिर इसका वैल्यू हमेशा वन से बड़ा ही आएगा अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है तो वन से बड़ा समझ गए ना वन से बड़ा तो ये ये बेसिकली आपसे पूछ सकते है ना ए, एक मान लो फंक्शन बना देंगे और फिर पूछेंगे फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक फंक्शन मैंने बना दिया लेट से हमारे पास एक फंक्शन है थ्री प्लस स्क्वायर स्क्वास अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन मिनिमम कब आएगा

समझिए तो इसका वन टू इन्फिनिटी आ जाएगा सिमिलरली टेन और कॉट एक्स का तो टेन स्क्न स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इसमें बस पॉजिटिव होगा जीरो पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब कुछ है तो अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो बस जीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा बस नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक है तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के रेंज आप यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज निकाल सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक क्वेश्चन है वाई इक्वल टू टू प्लस कॉसेक्स आपको पता है ना कि भाई कॉस एक्स जो है वो माइनस वन से वन के बीच में ही रहता है तो वाई का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा मिनिमम वैल्यू आएगा टू माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा टू प्लस वन तो रेंज क्या आ गया व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन तो रेंज ऑफ द फंक्शन आ गया है ना रेंज ऑफ द फंक्शन मिनिमम वैल्यू वन है और मैक्सिमम वैल्यू थ्री है सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन ये टाइप वन आपको क्लियर है क्या जो टाइप वन है वो तो बहुत ही बेसिक है है ना ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है मतलब तो टाइप टाइप फंक्शन ठीक है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के कुछ कोंट्स है अच्छा ये टाइप टू आप तभी लगा सकते हो जब दोनों के एंगल सेम होने चाहिए अगर थीटा इधर है तो थीटा इधर भी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर थीटा है उधर फाइ है दोनों एंगल सेम होने चाहिए ए और बी तो जस्ट को आई थिंक ये भी काफी लोगों ने पढ़ा ही होगा है ना कि ए साइन ये आपके पास एक फंक्शन है ये कैसे आया ठीक है तो उसको भी समझते हैं इसको आप वाई बोल दो तो लेट अस अज्यूम कि ये एक फंक्शन है अब ये जो फंक्शन है इसमें आप क्या करो इसमें थोड़ी चालाकी यूज करनी पड़ेगी चालाकी ये है कि आप अंडर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर देना ठीक है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क् मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो ठीक है तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया डि स्क्वायर और यहां पर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ ऐसा करने से फायदा यह होगा कि ये जो ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है है ना ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है इसको हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा बोल सकते हैं मतलब बेसिकली आप अज्यूम है आपके पास एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो आपके पास एक और ये जो राइट एंगल है उसकी एक साइड है ए दूसरी साइड है बी और तीसरी साइड है अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्वायर यही आ जाएगी मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे है ना तो अगर एक साइड है ए एक साइड है बी तो आप हाइपोटीन्य निकाल सकते हो

उसी चीज का डेरिवेशन है बट ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा फ़ालतू है आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है तो आप इधर साइड नोट इस पर्टिकुलर स्लाइड में एक साइड नोट लिख सकते हो कि इस फ़ालतू इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आप तो बस ये ध्यान रखो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन है चलो एफ थीटा बोल दो आप इसको सेवन कोस थीटा प्लस ट्वेंटी फोर साइन थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा मिनिमम वैल्यू बताओ और मैक्सिमम वैल्यू बताओ ये तो डायरेक्टली मतलब फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया मिनिमम आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ सेवन स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ सेवन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर स्क्वायर मतलब बेसिकली माइनस ट्वेंटी फाइव और प्लस ट्वेंटी फाइव तो ये आ जाएगा ठीक है व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी माइनस ट्वेंटी फाइव टू प्लस ट्वेंटी अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इस फ़ंक्शन का रेंज तो रेंज ऑफ फ़ंक्शन तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे यस yes, और आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ चलो है ना ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगेन इसको आप एक बार ट्राई करो है ना तो इस फंक्शन का रेंज निकालना आपको है ना यू नीड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इस फंक्शन का रेंज आपको निकालना है तो बताओ कैसे निकालोगे है ना एनवी सर के राजमा मैथ्स मजा मा अच्छा ओके okay. मैथ्स मजा मा सही है चलो इसका आंसर बता दो बस फटाफट तो मजा मा अदरवाइज तो मजा नहीं है <laughs> ठीक है <laughs> हाँ बताना इसका माइनस वन बाई रूट टू से प्लस वन बाई रूट टू ओके माइनस वन बाई रूट टू से प्लस वन बाई रूट टू फाइन ठीक है माइनस वन बाय रूट टू से ठीक है इसको एक बार करके देखते हैं ठीक है ठीके? तो बेसिकली इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया वाला यूज कर लो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला ठीक है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये यूज कर सकते हो तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी ये यूज कर लो है ना इस फॉर्मूला को लगा लो इसको लगा लो तो आंसर आ जाएगा फॉर्मूला लगाओ ये देखो ना साइन स्क्वायर ए तो ये पूरा ए है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो ये पूरा बी है तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी तो फिफ्टीन पाई बाई एट माइनस फोर एक्स और प्लस सेवनटीन पाई बाई एट माइनस फोर एक्स ये आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा एक्चुअली तो माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स तो कैंसल हो जाएगा ना तो बचेगा माइनस टू पाई बाई एट माइनस टू पाई बाई एट आ रहा है अगर आप सब करोगे तो ये आ रहा है और यहां पे कितना बन जाएगा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो साइन और ये कितना है फोर पाई आ रहा है फोर पाई माइनस एट एक्स ये आ रहा है और यहां पे ये लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस पाई बाई फोर ठीक है तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस फोर पाई माइनस एट एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है लाई करता है? हमने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई भी डायरेक्शन तो तो मतलब में जाओगे क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज तो नीचे आ जाओगे आप मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है ये और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है साइन का साइन साइन का साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन ऑफ एट एक्स आ जाएगा और यहां पे है माइनस साइन ऑफ पाई बाई फोर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस बेसिकली तो का वैल्यू आपका आ गया वाई का वैल्यू आ जाएगा साइन एट एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू ये आ गया ना हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए वन कर दो और मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस वन कर दो है ना तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वन बाई रूट टू और मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस वन बाई रूट टू तो ये मिनिमम ये मैक्सिमम समझ गया ना मिनिमम मैक्सिमम मतलब यू नीड टू फाइंड आउट द रेंज तो रेंज क्या आ गया क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड आउट द रेंज तो रेंज ये आएगा माइनस वन बाई रूट टू से लेके प्लस वन बाई रूट तो दिस इज द आंसर बिल्कुल सही आई थिंक किसी ने बता भी दिया था है ना माइनस वन से प्लस वन यस सर ऑफ़ डब्बा से एक कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते डब्बा जीरो मतलब जीरो इक्वेशन नहीं है फंक्शन है फंक्शन का रेंज निकालना है तो डब्बा जीरो नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो अगला वन शॉट है अभी तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे ठीक है आगे बढ़ो चलो टाइप थ्री की बात करते तो टाइप थ्री जो है ये भी थोड़ा भयंकर है इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं टाइप थ्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जिसमें एक क्वाड्रेटिक बन रहा होगा या तो साइन में या कॉस में है ना तो उसमें मेथड सिंपल ये होता है कि कन्वर्ट इन टू परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वॉट इज मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए हम साइन एक्स या कॉस एक्स को क्या ले लें है ना साइन और कॉस तो माइनस वन के माइनस वन और वन के बीच में ही रहते हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा है ना तो बेसिकली मेथड यही कि जैसे ये एक फंक्शन है इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से तो ये में दिख रहा आपको। ये जो cos 2x है आपको साइन तो में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये तो बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर और यहां पे लिखा हुआ है थ्री साइन है ना शॉर्ट में लिख दिया मतलब बेसिकली शॉर्ट में लिख दो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मेथड आई थिंक मैंने आपको सिखाया था क्या कितने लोगों को नहीं आता है एक बार बताना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने में कितने लोगों को दिक्कत आती है एक बार चैट में बताओ अगर दिक्कत आती है तो ही दोबारा रिपीट करेंगे अदरवाइज तो मेरे ख्याल से आता है तो आगे बढ़ते ठीक है तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका फिक्स मेथड होता है फिक्स मेथड ये होता है कि जो जो साइंस स्क्वायर है मतलब जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसका जो भी कोएफिशिएंट है वो कॉमन ले लो मतलब माइनस टू कॉमन ले लो तो माइनस टू कॉमन ले लोगे तो बचेगा साइंस स्क्वायर है ना माइनस टू कॉमन ले लो तो साइंस स्क्वायर बचेगा यहां पर बचेगा माइनस थ्री बाई टू इन टू साइन एक्स और यहां से भी आपने माइनस टू कॉमन ले लिया माइनस टू कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस वन बाई टू यह आ जाएगा है ना अल्टीमेटली तो ये आ गया आपने माइनस टू कॉमन ले लिया माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो वी विल गेट दिस अब इसमें देखो इसमें फिक्स मेथड क्या होता है फिक्स मेथड ये होता है कि जो भी आपका मिडिल टर्म आ रहा है ना जो भी आपका मिडिल टर्म आ रहा है उसको टू से डिवाइड करो मिडिल टर्म क्या है मिडिल टर्म आ रहा है थ्री बाई टू थ्री बाई टू को टू से डिवाइड कर दो ये बन जाएगा थ्री बाई फोर और यहां पे जो भी आएगा ना जो भी आपका मिडिल टर्म है उसको टू से डिवाइड करो थ्री बाई फोर आ रहा है ना तो, तो, तो यहाँ पे है माइनस वन बाई टू तो ये आ गया अब ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया तो बेसिकली आपके पास आ गया वाई क्वल टू माइनस टू और माइनस टू इन साइड इसके अंदर थ्री बाई फोर का होल तो स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा तो नाइन और एट सेवनटीन सेवनटीन बाई सिक्सटीन आ रहा है तो माइनस तो वी आर गेटिंग दिस ठीक है अब ये माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ना एक बार इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेवनटीन बाई एट आ है और फिर ये वाला टर्म लिख दो बाद में है ना थोड़ा रीअरेंज कर लो ताकि आपको चमक जाए साइन एक्स माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट तो हो गया ठीक है परफेक्ट स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया अब इसके बाद आपको थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा लॉजिकली सोचना पड़ेगा है ना इसके बाद आप दिमाग लगा के बताओ सबसे पहले तो ये बताओ कि वाई का आ, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा वाई का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कब आएगा जब हम साइन एक्स को क्या ले, ले? है ना साइन एक्स को मैं माइनस वन और वन के बीच में क्या ऐसा वैल्यू ले लू ताकि वाई मैक्सिमम आ जाए y तो मैक्सिमम तभी आएगा जब ये जो आपने येक्ट कर रखी है ना ये वाली क्वांटिटी मिनिमम आनी चाहिए भाई जब आप 17 बाई एट में से चीजें करोगे तभी तो मैक्सिमम आएगा वाई का वैल्यू ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं बाई एट माइनस डब्बाटीन बाई एट माइनस डब्बा तो जब डब्बा मिनिमम होगा तभी तो वाई मैक्सिमम आएगा जो भी आप सब कर रहे हो उसको मिनिमम से मिनिमम चीजें सब करो ताकि मैक्सिमम चीजें बच जाए तो मैक्सिमम के लिए इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और ये ये perfect square है, ये परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर है है तो इसका वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो मिनिमम से मिनिमम ये जीरो हो सकता है ठीक है तो साइन एक्स का वैल्यू थ्री बाई फोर ले लो मिनिमम से मिनिमम ये जीरो आ जाएगा इसको जीरो कर दो तो जीरो कर दो सेवनटीन बाई एट आ गया बस मैक्सिमम वैल्यू है ना ये वाला ये वाला जीरो और मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर मतलब वैल्यू कब आएगा मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा अब ये जो डब्बा है ना? और ये डब्बा मैक्सिमम से मैक्सिमम कब हो सकता है तो डब्बा देखो अब अगेन ये होल स्क्वायर है है ना तो ये मैक्सिमम वन पे नहीं होगा ये मैक्सिमम माइनस वन पे होगा है ना तो मैक्सिमम तभी बनेगा जब साइन एक्स को आप ले लोगे माइनस वन ये बात कितने लोगों समझ में आ रही है क्योंकि साइन एक्स को अगर आप माइनस वन ले लोगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव विल एड ना अल्टीमेटली तो वो एड हो जाएंगे अगर आप इसको वन लोगे तो वन बाई फोर आएगा अगर साइन एक्स को वन पुट करोगे तो वन माइनस थ्री बाई फोर वो तो बहुत कम है बट पे तो एक्चुअली आपका अल्टीमेटली तो तो ये मतलब तो आ रहा है एंड दिस वैल्यू विल बी हाउ मच अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो सिंप्लीफाई करेंगे तो थर्टी टू अपॉन एट ऐसा कुछ आ रहा है क्या माइनस अपॉन तो 4 आ रहा है और ये वैल्यू कब आएगा जब हमने साइन एक्स को क्या लिया तो वेन वी टेक साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन ठीक है तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब साइन एक्स को माइनस वन ले लोगे तो ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ठीक है ये जो दिमाग है वो आपको लगाना पड़ेगा इसमें ना सबको चमका इसमें किसी को कोई दिक्कत तो फाइनली रेंज फाइनल फोर और मैक्सिमम सेवन बाई एट दिस इज अंडरस्टूड ना दिस इज द रेंज ऑफ वाले सवाल कर लोगे क्या? Quadratic वाले सवाल में कुछ नहीं करना होता कन्वर्ट इट टू परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है बस लॉजिकली सोचना है कि मिनिमम कब आएगा और मैक्सिमम कब आएगा अच्छा टाइप फोर टाइप फोर में बेसिकली ये इस तरह का कोई भी अगर क्वांटिटी है तो उसका मिनिमम वैल्यू टू ए बी होता है हमेशा तो अगेन आप इस चीज को डायरेक्टली याद भी रख सकते हो बट अगर आपने यहां पर रखा है क्या ई एम जीएम पढ़ा होगा तो इसको आप देखो इसका मतलब मेथड वन इस चीज को समझने का फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप ए एम यूज कर सकते हो एरिथमेटिक मीन तो एरिथमेटिक मीन क्या आएगा ये आएगा एरिथमेटिक मीन एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज तो एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और पावर पावर कितना आ जाएगा वन बाई है ना पावर आ जाएगा वन बाई तो अल्टीमेटली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टेन और कॉड तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो दिख गया होगा आपको मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है भाई ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी का वैल्यू टू ए बी या उससे बड़ा ग्रेटर और इक्वल

इन्फिनिटी तक भी चला जाता है बट मिनिमम वाले सवाल बन सकते हैं तो ये पहला मेथड उसको समझने का और अगर ऐसा नहीं समझना तो एक और मेथड भी है जिन्होंने आप, आप कन्वर्ट कर लो बी थीटा तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इसको हम लिख सकते हैं ए टेन थीटा माइनस बी क्वॉट थीटा का होल स्क्वायर

टू ए बी अगर एल एच एस इज डब्बा और डब्बा पॉजिटिव है तो सम प्लस टू ए बी तो टू ए बी से बड़ा ही होगा ग्रेटर और इक्वल है ना ये जीरो हो सकता है अगर ये जीरो हो गया तो टू ए बी आएगा मिनिमम से मिनिमम है ना मिनिमम तभी आएगा जब ये जीरो हो जाएगा तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब ये जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा तो टू ए बी और अगर मिनिमम नहीं है तो फिर बेसिकली ये समथिंग डब्बाटिव प्लस टू ए बी तो टू ए बी से बड़ा आएगा तो अगेन ये चमक गया ना ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए आप डायरेक्टली अगेन इस चीज को ध्यान में रख सकते हो ठीक है और आगे बढ़ते हैं हैं कुछ करते इसके रेंज वाले तो रेंज वाले क्वेश्चन आए थे जय मेन ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है ये इसको एक बार ट्राई करो फाइन इसको एक बार फटाफट फड़ से ट्राई करके बताना व्हाट इज द आंसर यहां पे देखो अपने को लैमडा का इंटरवल निकालना है मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ लैमडा तो लैमडा क्या है लैमडा यहां पे है लैमडा का वैल्यू निकालो ना तो दैट इज माइनस की पावर फोर दिस इज लैमडा ठीक है दिस इज लैमडा और साइन की पावर फोर माइनस ये साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर कितना होता है ये होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायेर अल्टीमेटली तो ये तो लैमडा का वैल्यू आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है और ये को एक्चुअली आप कर दो, फोर बाई टू। कर दो दो मतलब से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना इसको आप लिख दो फोर बाई टू। ताकि वो साइन टू थीटा में कन्वर्ट हो जाए ये चमका कि नहीं तो साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू आ गया ना बेसिकली लैमडा क्या आ गया लैमडा आ गया साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू माइनस वन अब अगेन आप सोचो यहां पे लॉजिकली ये जो साइन स्क्वायर टू थीटा है उसका वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकता है साइन स्क्वायर टू थीटा विल ऑलवेज बी बिटवीन जीरो एंड वन नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर है तो जीरो और वन के बीच में ही रहेगा तो लैम्डा का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना आएगा लैम्डा मिनिमम कब होगा लैमडा को आप ऐसे देखो ना बेसिकली को रीअरेंज कर लो थोड़ा ये माइनस वन को आगे लिख लो माइनस वन और प्लस sin2, 2, थीटा, टू. अब सोचो कि का वैल्यू मिनिमम कब आएगा और मैक्सिमम कब आएगा और कितना कितना आएगा है ना मिनिमम तभी आएगा जब ये जीरो बन जाएगा मिनिमम कब आएगा जब ये जीरो बन जाएगा और अगर ये जीरो बन गया तो मिनिमम से मिनिमम कितना आएगा माइनस वन तो दिस इज मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम तब आएगा जब ये वन बन जाएगा तो का वैल्यू मैक्सिमम ये हो सकता कितना माइनस वन बाई टू माइनस वन और माइनस वन बाई टू ऑप्शन ए गया बस सिंपल आप इसी इसी से भी कर सकते हो मतलब इसमें एक बार जीरो कर दो, एक वन कर दो. कर दिया करो है ना तो एक बार साइन अल्टीमेटली इंटरवल आ जाएगा ठीक है सिंपल है ये भी अच्छा अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो बेसिकली डिनोमिनेटर को मिनिमाइज uh, करना पड़ेगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी तो ये फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा ठीक है तो आप इसको बोल दो वाई और क्वेश्चन में आपसे पूछा है वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालो सो यू नीड टू फाइंड आउट वाई मैक्स ठीक है ये निकालना है और अगर ये निकालना है तो बेसिकली आपको डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर को पहले तो सिंप्लीफाई करो एक काम करो पहले तो आपको यहां पे सेंस ये वाला टर्म दिख रहे थीटा कॉस थीटा भी है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी है तो ऊपर नीचे पहले तो आप टू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तो नीचे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ऊपर टू आ जाएगा और नीचे बन जाएगा टू साइन स्कूर यहां पे आ जाएगा सिक्स साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ जाएगा टेन कॉस स्क्त ठीक है तो ये बेसिकली हमने बना दिया है ना यस अब अब देखो अब यहां पे बताओ कि टू साइन थीटा क्या होता है टू साइन थीटा ये ये पापी इंसान तो so, तो तो, है तो नेगेटिव आएगा साइन टू थीटा तो ये आ गया और ये टेन कॉ स्क्टर को आप फाइव इंटू टू कर लो इसमें भी फाइव बाहर निकाल लो इसको आप ऐसे लिख लो फाइव इंटू टू कॉ स्क्टर है ना तो फाइव तो बाहर निकल जाएगा इसको आप लिख सकते हो वन प्लस कॉस टू थीटा तो ये आ गया अब डिनोमिनेटर पूरा आ गया डिनोमिनेटर पूरा आ गया टू थीटा के टर्म्स में है ना तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या क्या है नीचे वन प्लस फाइव तो सिक्स है ना कॉन्स्टेंट टर्म में तो ये आएगा इसके ये वाला टर्म कितना है थ्री साइन टू थीटा और ये कितना आएगा माइनस वन और प्लस फाइव तो प्लस फोर आ रहा है टू थीटा तो बस अब ये ये खत्म हो गया क्वांटिटी आपको दिख रही है और ये जो क्वांटिटी है इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो बेसिकली अपने को अप, अपने को वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू तो ये जो क्वांटिटी है इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र ये वो वाला फॉर्मेट है a साइन थीटा अच्छा इसमें कुछ सॉरी ये कॉस आएगा ना गलती से लिख दिया दिस विल बी कॉस ठीक है दिस विल बी कॉस टू थीटा तो तभी तो ये फॉर्मेट बनेगा तो a साइन थीटा मतलब a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा समझ गया ना तो इसका वैल्यू मिनिमम कब आएगा बताओ वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दो और मिनिमम से मिनिमम ये माइनस फाइव आएगा ठीक है सो व्हाट इज द फाइनल आंसर टू इज द फाइनल आंसर चमक गया फाइनली टू आएगा ना ये कितने लोगों को चमक गया ओके ये क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर यस और नो भाई ये जो क्वांटिटी है वो माइनस फाइव और फाइव के बीच में वेरी करेगी इसका जो रेंज है वो माइनस टू फाइव यस दिस इज द रेंज थ्री साइन टू थीटा और फोर कॉस टू थीटा ये कौन सा टाइप है ये टाइप टू है एक्चुअली हमने टाइप टू बहुत पहले ही पढ़ लिया था टाइप टू मतलब ये वाला ये अंडर रूट वाला तो ये मिनिमम आएगा माइनस फाइव और मैक्सिमम आएगा प्लस फाइव चमक गया ना टाइप टू लगाना था इसमें तो ये तो बहुत ही चिंता क्वेश्चन नहीं है एडवांस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मतलब तीन चार लाइन में आंसर है एडवांस के हिसाब से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना चाहिए ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज और काफी कुछ बचा है तो अगर ब्रेक लेना है तो इस पॉइंट पे ले लेते हैं है ना आ, क्योंकि इसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटीज है फिर अभी समेशन ऑफ सीरीज भी बचाए है ना तो काफ़ी कुछ है तो अगर एक छोटा सा ब्रेक लेना है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स का ही ले, ले लेते हैं छोटा है ना सो so दैट वापस सबकी एनर्जी आ जाए उसके बाद कंटिन्यू कर ट्वेंटी मिनट्स का कर देते हैं चलो ज्यादा नहीं फाइन कंडीशनल आइडेंटिटीज है और फिर उसके बाद समेशन ऑफ साइन सीरीज को साइन सीरीज समेशन वाली हमने प्रोडक्ट वाली तो पढ़ ली है बट समेशन वाली अभी पढ़नी है ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली अभी आप समझ लो एक घंटा और लगेगा अप्रोक्स एक या डेढ़ घंटा ठीक है फाइन तो बीस मिनट के बाद मिलते हैं ठीक है थीगे? ओके तब तक शेयर कर देना इसको शेयर कर दो और डेफिनेटली अन आइटम्स को सब्सक्राइब कर लो अगर आपके घर में तीन चार फोन है तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी एक लाख तक पहुंचना है अपने को ठीक है यस चलो बाकी मिलते हैं ओके हेलो 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 यस 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 आ गए क्या सब लोग है ना एवरीबडी इज़ बैक चलो स्टार्ट करेगा फाइन एकदम ऑन टाइम मेरे ख्याल से पहुंच गए ठीक है बढ़िया है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है अप्रोक्सीमेट अब अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है थोड़ा सही है तो कंडीशनल आइडेंटिटी और उसके बाद समेशन ऑफ साइंस सीरीज को साइंस सीरीज ये सब अपना बचा है ठीक है तो ज़्यादा कुछ नहीं है थोड़ा सही है है ना तो फटाफट से यार इसको कंप्लीट करते हैं ताकि अपना फाइनली जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका दी एंड हो जाए ठीक है <laughs> तो कंडीशनल आइडेंटिटीज कंडीशनल आइडेंटिटीज मतलब बेसिकली आपको यहां पे कोई ना कोई एक कंडीशन गिवन होगी नॉर्मली दे आर लाइक एंगल्स ऑफ अ है ना यहाँ पे आपको ए बी सी मान लो कोई भी एक ट्राइंगल दे देंगे और फिर ए बी सी अगर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी विल बी पाई तो ये कंडीशन आपको बेसिकली गिवन है और फिर इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज बनती है है ना तो कौन-कौन सी आइडेंटिटीज एक बार मैं डायरेक्टली आपको पूरा लिस्ट ही दिखा देता हूं ठीक है तो एक बार मैं आप पूरा लिस्ट देख लो तो अगर इफ a plus b plus c इज इक्वल टू पाई मतलब बेसिकली a b c आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल तो इफ a b c आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल तो ये सारी आइडेंटिटी आप लगा सकते हो ये सारी आइडेंटिटीज आप मतलब इसको याद भी कर सकते हो अगर याद होती है तो बहुत बढ़िया वैसे तो बहुत सारी है बट आप इसको कोशिश करो मतलब याद हो जाए तो बहुत बढ़िया अदरवाइज इनके डेरिवेशन भी सिंपल सिंपल है है ना अगर आपको जैसे मान लो कंडीशनल आइडेंटिटीज में स्पेशली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इतनी सारी कंडीशनल आइडेंटिटी हम कैसे याद करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब ये जो आपका डाउट है वो बहुत ही जेन्युन है और इतनी सारी याद करना मतलब मुश्किल है है ना तो इसका डेरिवेशन सीख लो देखो डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये जितनी भी कंडीशनल आइडेंटिटीज है है ना इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसको नोट डाउन कर सकते बाद में नोट्स में से लिख लेना तो अभी तो के, केवल समझ लो कि ये कैसे आया जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका डेरिवेशन में आपको बताता हूँ ये जो फर्स्ट वाला है तो इसको कैसे करेंगे हमें स्टार्ट करना है साइन टू ए बस इसमें कुछ नहीं होता इसमें आग बंद करके फॉर्मला लगाओ बस आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज में और कुछ नहीं करना है ठीक है आग बंद करो जो भी भगवान का नाम लो जो भी पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है उसको लगा दो सिंपल एज दैट यही आपको करना है ठीक है एक्चुअली में तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है तो सी प्लस का आ रहा है दिमाग में ये सी है और ये डी है तो साइन सी प्लस साइन डी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है टू साइन कॉस ऐसे ही हमने याद किया था टू साइन कॉस यहाँ पे आएगा सी प्लस डी बाई टू तो सी प्लस डी बाई टू तो बाई टू करोगे तो केवल ए प्लस बी बचेगा ना अगर आप यहां पे करोगे सी प्लस डी डिवाइडेड तो बाई टू तो टू ए प्लस टू बी और डिवाइड बाई टू तो ए प्लस बी आएगा केवल और कॉस के अंदर आ जाएगा ए माइनस बी ठीक है सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू और यहां पे लिखा हुआ है साइन टू सी तो साइन टू सी को आप कर दो टू साइन सी कॉस सी ऐसा लिख दो ठीक है तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया अब इसमें देखो ये जो ए प्लस बी है ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो फर्दर यहां पे ए प्लस बी को आप लिख सकते हो पाई माइनस सी क्योंकि अपने को बताया कि ए प्लस बी प्लस सी इज वन एटी ठीक है यहां पे है कॉस ऑफ ए माइनस बी और यहां पे है टू साइन सी कॉस सी अच्छा ये कितना आएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है पाई माइनस सीटा तो अगर पाई माइनस सीटा है पाई से कम तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वार में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा ये जो है ये बन जाएगा साइन सी है ना साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट विल बी सेम एज थीटा तो तो ये ये लिखा हुआ है ये sin c है है यहां पे भी sin c है, तो आप कॉमन ले लो है ना इसको आप कॉमन निकाल सकते हो टू भी कॉमन ले लो यहां पे टू है इधर भी टू है तो टू को भी कॉमन ले लो तो बेसिकली क्या आ जाएगा बताना है ना यहां से आपने कॉमन ले लिया टू साइन सी ये भी साइंस है ठीक है ना ये साइंस वो कॉमन आ गया तो बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी ठीक है ये आएगा और यहां पे बचेगा कॉस ऑफ सी अच्छा ये जो कॉस ऑफ सी है ना तो कॉस सी को भी आप लिख दो पाई माइनस ए प्लस बी ऐसा कर सकते हैं और नो यहां पे जो सी था वो सी को हमने लिख दिया पाई माइनस ए प्लस बी तो ये बन गया कॉस पाई माइनस थीटा और इसका वैल्यू कितना होता है कौन सा क्वाड्रेंट इसको आप अलग से निकालो कॉस पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव तो माइनस कॉस्ट थीटा आएगा इसका वैल्यू ठीक है तो इसका वैल्यू आएगा माइनस कॉस् थीटा तो एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा अगले स्टेप में अगले स्टेप में टू साइन सी और ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी और यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ अच्छा सॉरी इधर ए माइनस बी ठीक है ए माइनस बी और ये आ जाएगा माइनस कॉस्ट थीटा ठीक है तो माइनस कॉस थीटा तो ये आ गया अब अल्टीमेटली फिर से क्या करेंगे फिर से ये बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा तो ये कॉस सी और कॉस डी तो अल्टीमेटली बताना जैसे ही हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा कॉस माइनस कॉस तो कॉस माइनस कॉस होता है माइनस टू साइन साइन यही होता है ना माइनस टू साइन साइन तो अल्टीमेटली ये माइनस टू साइन साइन तो आप एक बार करोगे सी प्लस डी बाई टू तो दोनों को ऐड करना इसको और इसको ऐड करेंगे तो टू ए और टू ए डिवाइडेड बाई टू तो ए आ जाएगा तो यहां पे तो केवल आएगा इसके अंदर क्या आएगा दोनों को माइनस करोगे तो ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी तो माइनस टू बी आएगा माइनस टू बी डिडेड बाई टू तो माइनस बी आ जाएगा तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस अब इसमें यहां पे जो माइनस है वो भी बाहर निकाल लो तो ये और ये माइनस हो जाएगा प्लस टू इंटू टू फोर तो गया सबको फोर साइन है साइन बी साइन सी तो बस ये आगे तो बस आपको कुछ नहीं करना है प्योरली जितने भी जो भी फॉर्मूलाज आपको ध्यान में आ रहा है लगा दिया करो बस कंडीशनल आइडेंटिटीज में यही है तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है ना डेरिवेशन भी मतलब हाँ इतने भी छोटे नहीं है ऑब्वियसली डेरिवेशन वो कह रहे हैं सर इतना भी छोटा नहीं है तो भाई देखो दो ही तरीके हैं या तो याद करो या डिराइव करो और कोई लाइफ में तरीका नहीं है ठीक है तो याद ही करना पड़ेगा फिर अगर डेरिवेशन पसंद नहीं है तो तो ये चारों जो है ना इनका सिमिलर डेरिवेशन है इन चारों का सेम टू सेम जैसा हमने फर्स्ट का किया वैसा सेकंड का कर लो वैसा थर्ड का कर लो वैसा फोर्थ का भी हो जाएगा इन दोनों का थोड़ा अलग है तो ये भी मैं आपको थोड़ा हिंट की तरह से बता देता हूं ठीक है तो देखो कोई भी एक ट्राइंगल है है ना ए बी सी इज अ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इज वन एटी तो उसमें सम ऑफ ऑल दिस है ना टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी विल इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट है ना देखो ये फिफ्थ वाला जो है ये भी सिंपल है इसको आप ऐसे समझो टेन ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था है ना? इसका फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला था टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी यही था माइनस टेन ए टेन बी टेन सी ठीक है माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी ठीक है ये था और नीचे क्या था नीचे हमारे पास था वन माइनस और फिर दो दो करके है ना यहाँ पे दो दो करके तो सिग्मा के फॉर्म में लिख दो क्या मैं शॉर्ट में तो अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप सिग्मा फॉर्मेट में लिख दो तो शॉर्ट में आ जाएगा सिग्मा टेन ए टेन बी है ना ऐसा शॉर्ट में लिख दिए

अगर आप सिंपल यहां पर देख लो कि इफ A plus B plus C zero, तो ये पूरा आ जाएगा जीरो और अगर ये जीरो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो ये तो खत्म ही हो जाएगा तो बस आ गया ना यहां से आपको दिख गया होगा कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी और माइनस टेन ए टेन बी टेन सी इसका वैल्यू कितना आ गया जीरो आ गया और अगर जीरो आ गया तो ये दोनों इक्वल है समझ गए दिस इज इक्वल टू जीरो अब इसको आप उधर भेज सकते हो तो हेन्स प्रूवर्ड चमक गया तो ये हमारा फिफ्थ वाला कंडीशनल आइडेंटिटी तो फिफ्थ वाला तो ये है सिमिलरली सिक्स वाला अगर प्रूव करना है तो सिक्स वाले में आप देखो ध्यान से सिक्स वाले में ए बाई टू बी बाई टू और सी बाई टू है तो सबसे पहले आप यहां से समझो कि भाई अपने को जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो इसमें लगाना पड़ेगा ए बाई टू बी बाई टू और सी बाई टू में ऊपर तो क्या आएगा सेम फॉर्मूला यूज करो दोबारा लेकिन ए की जगह ए बाई टू बी जगह सी बाई टू ये तीनों एंगल है ठीक है तो ये तीनों एंगल यूज़ करके लगाएंगे टैन बी बाई टू प्लस टैन सी बाई टू ये आ जाएगा माइनस टैन ऑफ ए बाई टू टैन ऑफ बी बाई टू समझिए ना प्रोडक्ट आएगा यहां पर और नीचे क्या आएगा एक्चुअली नीचे वाला ही इंपॉर्टेंट है तो नीचे आएगा वन माइनस और फिर दो दो करके आपको लेने तो दो दो करके आप ले लोगे तो ये आएगा ना है ना यहाँ पे ब्रैकेट भी बना दो चलो तो दिस प्लस टैन बी बाई टू टैन सी बाई टू है ना ये तो लिखने में इतना बड़ा है बट समझने में इतना बड़ा नहीं है और यहाँ पे आ जाएगा टैन ए बाई टू एक्चुअली डेरिवेशन में आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद करना आसान हो जाएगा भाई इसमें आपने न्यूमरेटर को जीरो किया ना यहाँ पे डिनोमिनेटर को जीरो करना है क्यों क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी वन एटी है अगर ए प्लस ये क्या लिख दिया A B C हो अरे ये पाई है? थोड़ी होता है ठीक है ए प्लस बी प्लस सी पाई अच्छा यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी कितना है पाई तो अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू ये टैन पाई बाई टू बन गया और टेन पाई बाई टू क्या होता है टन ऑफ नाइन्टी डिग्री टैन ऑफ पाई तो टैन पाई तो होता है नॉट डिफाइंड डिफाइंड नॉट या डिटी बेसिकली आप बोल सकते हो तो ये नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड कब आएगा नॉट डिफाइंड आता है जब डिनोमिनेटर इक्वल टू तो डिनोमिनेटर को कर लो है ना नॉट डिफाइंड कब आएगा ये टैन पाई बाई टू नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड तभी आता है जब डिनोमिनेटर जीरो तो डिनोमिनेटर जीरो करोगे तो आपको दिख गई सिक्स वाली प्रॉपर्टी आ गई ये, वाली आ कि भाई ये जो है, इसका आना आप इस तरह से याद कर सकते हो इसमें न्यूमरेटर को जीरो करना है इसमें डिनोमिनेटर को जीरो करना है और डिनोमिनेटर को जीरो क्यों करना है वो लॉजिक आपको समझ में लॉजिक सिंपल है कि ये टेन नाइनटी बन रहा है टेन ऑफ नाइनटी नॉट डिफाइंड होता है तो डिनोमिनेटर जीरो इसमें टेन पाई खैर तो ठीक तो तो है, वो, वो है।, है? तो है, है और कंडीशनल के क्वेश्चन भी थोड़े कम ही आते हैं मतलब आप देखोगे ना जय एडवांस में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े कम ही है तो आप उसको मतलब स्मार्टली थोड़ा मैनेज कर सकते हो ठीक है

है ना समेशन ऑफ साइंस सीरीज तो साइंस सीरीज का बेसिकली ये एक लंबा सा फॉर्मूला है अगेन इसके डेरिवेशन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए है ना इसका डेरिवेशन भी मतलब हम नहीं करेंगे इसका डेरिवेशन भी फालतू है मतलब उसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है फाइन बाकी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे डेरिवेशन मिल जाएगा बट अल्टीमेटली वो कोई काम का ही नहीं है तो बस आप यहाँ पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करो कैसे फॉर्मूला याद करना है तो देखो सबसे पहली कंडीशन इसको पहले आप ध्यान से देखो और फॉर्मुला यूज करना तो सीखो डेरिवेशन तो चलो बात की बात है पहली चीज इसमें कि साइन सीरीज हम कब लगा सकते तो पहली बात तो समेशन सीरीज होनी चाहिए है 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 ना समेशन सीरीज ये तो सारी जो टर्म्स वो एडेड होनी चाहिए मतलब बीच में प्लस 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 होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन सीरीज नहीं है समेशन सीरीज दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है दूसरा ऑब्जर्वेशन आपके जो एंगल्स है ना

तो ये समेशन सीरीज नहीं लगेगा एंगल एपी में होने चाहिए अगर एंगल एपी में नहीं है तो मत लगा तो फिर आपको कुछ ना कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा बट ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते फाइन और यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है इसका जो फॉर्मूला है उसमें सिंपल साइन एन बीटा बाई टू नीचे आएगा साइन बीटा बाई टू है ना साइन एन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू और यहां पे है साइन ऑफ अब देखो ये बेसिकली ये तो आप आराम से याद कर लोगे साइन एन बीटा बाई टू, टू ये तो सिंपल है है ना ऊपर आएगा आएगा नीचे एन नहीं आएगा। बस इतना ही डिफरेंस ठीक है ठीके? और ये जो है ये वैसा ही है है ना ये वैसा ही जैसा एपी में आप याद कर दो ना अल्फा प्लस एन माइनस वन इन टू बीटा यहाँ पे अल्फा क्या है अल्फा इज द फर्स्ट टर्म तो एक और डब्बा बना लो और यहाँ पे ये जो भी वेरिएबल्स है उनका मतलब क्या है वो भी लिखो तो अल्फा फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म या फर्स्ट एंगल आप लिख सकते हो फर्स्ट एंगल इज अल्फा बीटा क्या है बीटा इज द कॉमन डिफरेंस है ना आप ध्यान से देखो अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा प्लस टू बीटा सो बीटा इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको ध्यान से नोट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल अल्फा बीटा इज द कॉमन डिफरेंस एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स अच्छा यहां पे वैसा ही आता है जैसा एपी में आता है बट आपको इसमें इस बहुत सारे बच्चे समझिए यहाँ तक लाइन नहीं है, है।, है। केवल बीटा जो है ना बीटा में आपको डिवाइड बाई टू करना है ये इस वाले टर्म को डिवाइड बाई टू करना है तो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देख लेना है ना सो दिस इज द फॉर्मूला वो जो दूसरा वाला टर्म है

तो इधर साइन है तो साइन सीरीज में साइन आता है और कोसाइन सीरीज अगर है तो कॉस आता है बाकी ये वाला टर्म तो सेम ही रहेगा अगेन मतलब अल्फा इज द फर्स्ट एंगल वो सब कुछ सेम है ठीक है अल्फा इज द फर्स्ट एंगल बीटा इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स है वो आप काउंट कर सकते हो है ना नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी टर्म्स है दैट इज एन तो ये चमक गया क्या कितने लोगों को चमक गया अब इसका एप्लीकेशन कर लेते मतलब किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह का इसका एप्लीकेशन है ठीक तो है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं जैसे ये क्वेश्चन आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को देख के आप बोलोगे सर ये कोसाइन सीरीज है ठीक तो है, है तो ये समेशन सीरीज भी है सम ऑफ द सीरीज निकालना है तो समेशन सीरीज है कोसाइन सीरीज है और एंगल एपी में है क्या एंगल एपी में है वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो एंगल्स आर इन एपी है ना अगर एंगल्स एपी में है तो हम आराम से इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट तो एंगल कितना फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट एंगल ये है वॉट इज द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है टू पाई बाई इलेवन ठीक है कॉमन डिफरेंस टू पाई बाई इलेवन और एक्चुअली देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए ना एक और चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि आप सीधा ना बीटा बाई टू निकाल लिया करो क्योंकि मैक्सिमम यहां पे अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो यहां पे भी बीटा बाई टू है है ना यहां पे भी बीटा बाई टू है और यहां पे भी बीटा बाई टू है तो एक्चुअली बीटा की जरूरत ही नहीं है बीटा बाई टू निकाल लिया करो डायरेक्टली तो आपकी कैलकुलेशन और थोड़ी आसान पड़ेगी कैलकुलेशन और थोड़ी आसान अल्फा आ गया और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है नंबर ऑफ टर्म्स तो काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच तो नंबर ऑफ टर्म्स है? तो ये अब आप इसमें तो फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा साइन एन एन का वैल्यू है यहाँ तो कितना है 11. तो ये आ गया है कॉस आएगा अगर तो कोसाइन सीरीज है तो कॉस आएगा साइन सीरीज तो साइन तो आएगा जो भी सीरीज है वो आएगा और इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर आता है अल्फा तो ये अल्फा अल्फा प्लस एन माइनस वन तो एन माइनस वन का वैल्यू है फोर इंटू बीटा बाई टू तो बीटा बाई टू का डायरेक्टली वैल्यू है गया ना तो साइन एन बीटा बाई टू नीचे साइन बीटा बाई टू और ये अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू अब डायरेक्टली बीटा बाई टू ही निकाल के रख लो उससे ज्यादा फायदा होगा तो अब ये क्या बन गया अब ये अल्टीमेटली बन गया साइन फाइव पाई बाई इलेवन ठीक है ये आ गया ये वाला टर्म क्या आ गया ये टर्म आ जाएगा कॉस फाइव पाई बाई इलेवन ठीक है और नीचे क्या है नीचे है साइन पाई बाई इलेवन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये ये टू साइन ए कॉस है तो टू साइन ए कॉस ए तो ये डबल हो जाएगा साइन टू है ठीके? तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा साइन ऑफ टेन पाई बाई इलेवन

तो अगेन आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो ये काफी मतलब पॉपुलर है ठीक है कैसे करेंगे देखो कोसी के एक्स की सीरीज होनी चाहिए तो पहला पॉइंट ऑब्जर्व कर लो फॉर्मूला याद करने से पहले इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या है तो कोसी के एक्स की सीरीज है समेशन सीरीज है है ना सब कुछ एडेड है एंगल्स जीपी में होने चाहिए इसके जो एंगल्स है वो हर बार डबल होने चाहिए एंगल्स आर इन जीपी और हर बार डबल ठीक है हर बार डबल एक्स टू एक्स फोर एक्स लास्ट वाला जो है वो टू की पावर एन एक्स ना, टू की पावर एन एक्स तो इस तरह से अच्छा इसमें एंगल्स जीपी में है कोसी एक्स की सीरीज है और इसका फॉर्मूला आप कैसे याद करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला याद करने का ट्रिक क्या है फॉर्मूला याद करने के लिए सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हो क्वाट माइनस क्वाट आएगा ठीक है क्वाट माइनस क्वाट आएगा इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स और इन सब से कोई मतलब नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअली कितनी एन प्लस वन है यहाँ पे बट वो नंबर ऑफ टर्म्स और क्योंकि n 1 है। बट इन सबसे कोई मतलब नहीं है आप फॉर्मूला ऐसे याद मत करो है ना आप यहाँ पे एन इज नॉट द नंबर ऑफ टर्म्स आप सिंपल ऐसे याद करो फॉर्मूला की यहाँ पे तो आपका लास्ट एंगल आ जाएगा जो सबसे लास्ट एंगल है ना उसको आप इसके अंदर डाल दो तो यहां पे ये हमेशा आता है लास्ट वाला एंगल है ना लास्ट वाला एंगल हमेशा इसके अंदर आप डाल दो और इसके अंदर जो फर्स्ट एंगल है उसका हाफ तो जो भी आपका फर्स्ट एंगल है उसका हाफ तो आप ऐसे ही याद करना मतलब ऐसे ही याद कर लो कॉट फर्स्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू माइनस पॉट और यहां पे लास्ट एंगल तो इस तरह से याद करो इसको याद करो है ना तो आप ज्यादा अच्छी तरह से बेसिकली अप्लाई कर पाओगे एग्जाम में ठीक है तो इसको याद करो इस तरह से याद करो मतलब जो भी आपका फर्स्ट एंगल है उसका आधा कर दो और माइनस लास्ट एंगल कॉट के अंदर डाल दो ठीक है ना तो इस तरह से याद करोगे तो आप आराम से उसको अप्लाई कर पाओगे नंबर ऑफ टर्म्स गिनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिनने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये सीख लिया तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये कैसे आया अब देखो इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और डेरिवेशन में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं तो इसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है है ना कैसे करेंगे तो देखो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको सिंप्लीफाई कर दे केवल बाकी सब भूल जाओ केवल कोसिक एक्स ये जो कोसिक एक्स है उसको सिंप्लीफाई कर दे तो एक्स को मैं लिख सकता हूं वन बाय साइन एक्स ऐसा लिख सकता है? है ना वन बाय साइन एक्स लिख दिया वन बाय साइन एक्स लिखने के बाद बेसिक आइडिया ये है कि अपने को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट करना पड़ेगा और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स अगर क्रिएट हो गया ना उसके बाद हो जाएगी बारिश और सब कुछ कैंसिल हो जाएगा मतलब बेसिकली हम फ्रूट निंजा खेल सकते हैं या आप बोल सकते हो बारिश वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें तो बारिश करवानी पड़ेगी है ना तो बारिश करवाने के लिए आ, कुछ ऐसा करो कि डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट हो जाए और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको चालाकी वाला स्टेप समझना पड़ेगा चालाकी वाला स्टेप यह मल्टीप्लाई भी कर दो तो साइन ऑफ एक्स बाई टू से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे लिख देना एक्स माइनस एक्स बाई टू कर सकते हैं सेम ही तो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चालाकी वाला स्टेप कितने लोगों को चमका भाई कोसी के एक्स होता है वन बाई साइन एक्स फर्स्ट टर्म को हमने उठा लिया फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स बाई टू से यहां पे थोड़ा लेकिन स्टाइल से लिख दिया साइन एक्स बाई टू को अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ये आएगा और नीचे क्या है नीचे हमारे पास है साइन एक्स

अब सेम तरीके से आप दूसरे को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तीसरे को भी कर सकते हो सबको सिंप्लीफाई कर सकते हो है ना तो अब आप सिंपल यहां पे लिख सकते हो सिमिलरली सिमिलरली कोसिक ऑफ टू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो एंगल है उसका हाफ है यहां पे है ना तो यहां पे जो भी एंगल है उसका हाफ आएगा तो यहां पे टू एक्स का हाफ कर दो टू तो एक्स का हाफ करोगे तो एक्स और यहां पे आ जाएगा सॉरी कोसिक नहीं कॉट आएगा ना यहां पे हमारे पास है कॉट और ये भी कॉट तो कॉट एक्स अल्टीमेटली ये आएगा कॉटेक्स और कॉट ऑफ टू एक्स ये समझ गया है कोसिक टू एक्स को भी जैसे इसको किया इसको किया तो ये आया सिमिलरली सेकेंड टर्म को करोगे थर्ड वाले को करोगे फोर्थ वाले को करोगे और ऐसे करता जाओगे तो ये सबका वैल्यू आता जाएगा और सबका वैल्यू आने के बाद सबको ऐड कर देंगे ना एक काम करो यहां पे लिखो ताकि अपने को बारिश वाली फील आ जाए थोड़ी तो बारिश वाली फील लेने के लिए कॉट एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स ये है सिमिलरली हमारा जो दूसरा टर्म है वो है कोशिक ऑफ टू एक्स ठीक है कोशिक ऑफ टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं कॉट एक्स माइनस कॉट टू एक्स सिमिलरली अगला टर्म क्या है अगला टर्म है कोशिक फोर एक्स तो उसका क्या बन जाएगा उसका बन जाएगा कॉट टू एक्स माइनस कॉट फोर एक्स इसी तरह से आता जाएगा है ना ये वाला एंगल आधा और ये वाला एंगल पूरा और डॉट 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 लास्ट में हमारे पास क्या है लास्ट हमारा टर्म है कोसिक ऑफ टू ठीक है सो टू रेस टू एन इंटू एक्स तो यहां पे क्या आ जाएगा कोसिक और इसका आधा तो इसका आधा होता है टू रेस टू एन माइनस वन इंटू एक्स ना दिस इज द हाफ और यहां पे कॉट ऑफ टू रेस टू एन इंटू एक्स अच्छा यहां पे भी कॉट है ना ये कॉट आएगा बार बार कोसिक को इग्नोर करना है ठीक है तो दिस इज कॉट अब देखो इन सबको ऐड कर दो इन सबको ऐड करोगे तो समेशन ऑफ सीरीज आ जाएगा ठीक है सारे टर्म्स को ऐड करो सब कुछ ऐड करेंगे तो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो अब ये खचाक ये खचाक तो बारिश का डायरेक्शन ये है ठीक है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बारिश बारिश का डायरेक्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा डायगनल वाले टर्म्स हमेशा बचते हैं तो बारिश का डायरेक्शन जो है आपकी बार वो ये डायरेक्शन है ठीक है तो बेसिकली बचेगा क्या समेशन क्या आ गया कॉट एक्स बाई टू एक ये बचेगा और एक ये बचेगा माइनस कॉट टूट इन टू एक्स तो, तो कितने लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया हैंड ये सर खचाक खचक एंड हैंड तो मेरे ख्याल से चमक गया होगा यार सिंपल है फाइन तो ये जो मेथड है वो अपने आप में थोड़ा यूजफुल मेथड है तो इस तरह से आपको सोचना आना चाहिए कैसे हम डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स को क्रिएट कर सकते तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स को क्रिएट करने के लिए जो चालाकी हमने यूज करी ना वो आप सीखो डेरिवेशन नहीं आएगा ऑब्वियसली लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना चाहिए कि जो नीचे ये दोनों है ना इनका डिफरेंस जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक्स यहां पे लिखा हुआ है एक्स बाई टू तो x और x बाई टू का डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो जाना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा अल्टीमेटली ठीक है x है यहां पे एंगल यहां पे है x इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर क्रिएट हो जाना चाहिए तो आपका काम बन जाएगा अब देखो यहां पे जई वालों ने यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा था 2016 थाउजेंड सिक्सटीन एडवांस का क्वेश्चन है ये सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइन पे ही है ठीक है तो कैसे करेंगे इसको देखो यहां पे हमारे पास है साइन ऑफ डब्बा

इसको पहले थोड़ा सुंदर बनाओ सिंप्लीफाई कर लो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट कर लो तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट करने के लिए यहां पे करते हैं, ठीक है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट करने के लिए ये जो जनरल टर्म है उसमें क्या लिखा हुआ है पाई बाई फोर प्लस के माइनस वन पाई बाई सिक्स ये है और यहां पे है साइन पाई बाई फोर प्लस के पाई बाई सिक्स अब ये जो दोनों एंगल्स है ना इनका डिफरेंस कितना है ध्यान से देखो यहां है पाई बाई फोर के पाई बाई डिफरेंस कितना है अब ये देखो दोनों का माइनस करो दोनों को इन दोनों को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली डिफरेंस है पाई बाई सिक्स का तो सिंस पाई बाई सिक्स का डिफरेंस है तो आप क्या करो ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर आएगा साइन पाई बाई सिक्स और यहां पे भी आ जाएगा साइन फाइव बाई सिक्स ठीक है ऊपर नीचे हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से बन गया और ये जो पाई बाई सिक्स है ना उसको पाई बाई सिक्स आप मत रहने दो उसको आप थोड़ा लिख दो दोनों का डिफरेंस है बेसिकली वो पाई बाई सिक्स तो आप इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दो साइन और ये वाला एंगल तो पाई बाई फोर प्लस के ठीक है ये पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल तो यहां पे आ जाएगा पाई बाई फोर और प्लस के माइनस वन इंटू पाई बाई सिक्स देखो दोनों का डिफरेंस पाई बाई सिक्स आ रहा है कि नहीं अब मैच करा लो तो हमने बेसिकली यहां पे लिख दिया साइन ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तभी पाई बाई सिक्स आएगा अगर दिस माइनस दिस कर दोगे तो माइनस पाई बाई सिक्स आ जाएगा लेकिन अपने को चाहिए पाई बाई सिक्स तो देखो पाई बाई फोर पाई बाई फोर तो कैंसिल हो जाएगा के पाई बाई सिक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो आ रहा है ठीक है तो ये ये अपना फॉर्मेट आ गया अब इसको जब आप यहां पे यूज यूज करते हो तो कर सकते हो फॉर्मुलाइन ऑफ ए माइनस बी तो ये बन गया ऑफ एक काम करो इसको आप थोड़ी देर के लिए एंगल बोल दो ए समझने के लिए ठीक है और इस एंगल को आप थोड़ी देर के लिए बोल दो बी तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है आप यहां पर देखो आपका जो क्वेश्चन है ना वो है साइन ए ठीक है साइन ऑफ ए माइनस बी ये क्वेश्चन है साइन ऑफ ए माइनस बी और नीचे क्या है नीचे आपके पास है साइन बी साइन ए ठीक है तो नीचे आपके पास है साइन बी और साइन ए अब इसको आप सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ए कॉस बी ठीक है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी यह आएगा और नीचे क्या आ जाएगा नीचे है साइन ए साइन बी तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कितने लोगों को दिख गया दिख गया कि नहीं साइन ए साइन ए कैंसिल साइन ए साइन ए कैंसिल करोगे तो कॉट बी माइनस कॉट ए आ रहा है तो टे आ रहे और कॉट बी माइनस क्वॉटे मतलब इसको आपने लिया था ए इसको आपने लिया था बी तो आप यहां पर देख लो अपॉन अच्छा तो 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 वैल्यू तो टू आ जाएगा इसका तो वैल्यू पुट कर दो आप ठीक है इसका वैल्यू पुट कर दिया हमने और यहां पे आपका डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट हो जाएगा ये ठीक है बी का वैल्यू है माइनस वन इंटू पाई बाई सिक्स तो ये आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए तो यहां तक चमका कि नहीं और के टर्म्स क्रिएट हो गया अब आप इसमें k की वैल्यू पुट करो वन से लेके थर्टीन सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये आपका क्या है ये जनरल टर्म है इसमें आप k का वैल्यू पुट कर दो स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू थर्टीन तो चलो इसमें पुट करना स्टार्ट करो फर्स्ट टर्म कितना आएगा है ना फर्स्ट टर्म टी वन अब के का वैल्यू वन पुट करो तो के का वैल्यू वन पुट करेंगे तो टू है ना टू इन टू कॉट ऑफ फाइव बाई फोर आएगा केवल यही आएगा यस और नो का वैल्यू वन पुट किया इधर के का वैल्यू वन पुट करो तो के का वैल्यू वन पुट करेंगे तो कॉट फाइव बाई फोर प्लस माइनस क्वॉट फाइव बाई फोर और प्लस फाइव बाई सिक्स ये आ रहा है ये सो नो फिर के का वैल्यू टू पुट करो तो के का वैल्यू टू पुट करेंगे तो कॉट फाइव बाई फोर प्लस फाइव बाई स प्लस टू फाइव बाई और इसी तरह से ये चलता रहेगा है ना डॉट 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 लास्ट में अपने को के का वैल्यू थर्टीन पुट करना है थर्टीन क्यों क्योंकि यहां पे गिवन है और वैसे भी एनवी सर का डेट ऑफ बर्थ होता है तो एनवी सर का डेट ऑफ बर्थ है इसीलिए जेई वालों ने ये क्वेश्चन बनाया ठीक है Uh, हाँ भाई दो बर्थडे आने वाला है ठीक है हाँ तो ये थर्टीन uh, तक अपने को जाना है ठीक है थर्टीन तक चले जाओ तो के का वैल्यू थर्टीन पुट कर दो तो के का वैल्यू थर्टीन पुट करेंगे तो ट्वेल्व 6 बाई जाएगा यहाँ पे पाई बाई फोर और प्लस ट्वेल्व और बाई कॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस थर्टीन पाई बाई सिक्स आ जाएगा ठीक है तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस अब इन सबको ऐड करो इन सबको ऐड करेंगे तो अब आपको यूज करना है बारिश वाला मेथड बारिश या फ्रूट निंजा अपनी तलवार निकालो और सब कुछ खचाक खचाक कैंसिल करो तो ये दोनों कैंसिल हो रहे बारिश का डायरेक्शन दिख गया अगर बारिश का डायरेक्शन दिख गया तो अगले वाले दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा फिर है ना तो एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड बस ये बचेगा और ये बचेगा कि दो बचेंगे बस तो बस समेशन कितना आ गया अल्टीमेटली आप देखो कि सबको एड करेंगे तो समेशन आ जाएगा टू तो कॉमन निकाल लो है ना सब में टू कॉमन है God, पाई बाई फोर का वैल्यू होता है वन और इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ये एक्चुअली कितना है अगर आप इसमें एलसीएम ले लोगे बारह तो थ्री पाई ठीक है और इसका डबल तो ट्वेंटी सिक्स है ना तो यहां पे कितना आ जाएगा प्लस ट्वेल्व uh, है ना तो डबल कर दो हां ट्वेंटी सिक्स तो ये आ गया अल्टीमेटली आपके पास ठीक है so, और इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये कितना बन रहा है ट्वेंटी नाइन पाई बाई ट्वेल्व बन रहा है ना ट्वेंटी नाइन पाई बाई ट्वेल्व तो एस का वैल्यू आ रहा है वन माइनस कॉट ट्वेंटी नाइन पाई बाई ट्वेल्व और ट्वेंटी नाइन पाई बाई ट्वेल्व मतलब मतलब इसको आप लिख लो ट्वेंटी फोर प्लस फाइव कर दो इसको आप है तो ट्वेंटी फोर प्लस फाइव तो टू पाई प्लस 5 पाई बाई लिखा हुआ है ये एक ये एक्चुअली दिख गया सबको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको है ना अल्टीमेटली इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना क्योंकि ऑप्शन आप देखो ऑप्शन न्यूमेरिकल ऑप्शन है अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें कुछ पाई या ये सब नहीं है तो फाइनली अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है वो भी ये रूट वाले कोई ना कोई बन रहे होंगे ठीक है तो लेट सी है ना कि कौन सा ऑप्शन आता है तो ये आ गया और सिंस ये है टू पाई प्लस तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अब सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसको सिंपल आप बोल सकते हो पाई है ना ये टू पाई को हटा सकते हो तो ये आ गया टू इंटू वन माइनस क्वॉट पाइव बाई ट्वेल्व सॉरी ये बाई ट्वेल्व ये आ गया ठीक है टू पाई प्लस थीटा तो टू पाई प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सेम ही रहेगा ठीक है तो ये आ गया अब फाइव पाई बाई कितना होता है

सेवेंटी फाइव ठीक है ये निकालना है और कॉड सेवेंटी कॉड सेवनटी फाइव को आप लिख दो 1 .1075 और 1075 का वैल्यू आपको पता होगा और नहीं पता है तो कोई बात नहीं अगर नहीं पता है तो आप इसको लिख देना थर्टी प्लस फोर्टी फाइव मेथड मैंने आपको सिखा ही रखा है ठीक है तो थर्टी प्लस फोर्टी फाइव से आ जाएगा ये अल्टीमेटली कितना आएगा तो ये आपको निकालना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके निकालो एक बार तो नीचे ये आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन यही आता है रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन अल्टीमेटली ये अब इसको थोड़ा रैशनलाइज भी कर लो है ना थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा सुंदर बनाने के लिए रूट थ्री माइनस वन और नीचे भी रूट थ्री माइनस वन तो रैशनलाइज भी कर लो साथ साथ अल्टीमेटली तो कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस थ्री प्लस वन फोर माइनस टू रूट थ्री और नीचे टू है तो इसको आप सिंप्लीफाई करो दिस इज अमच टू इंटू वन माइनस टू माइनस रूट थ्री तो ये आ रहा है इसको प्लस कर दो चलो तो रूट थ्री माइनस वन आ रहा है टू इंटू रूट थ्री माइनस वन टू इंटू रूट थ्री माइनस वन ये आ रहा है क्या फाइनली पूरा सॉल्व करने के बाद है ना रैशनलाइज भी कर लो क्योंकि ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस गिवन है सब सुंदर सुंदर ऑप्शंस है तो सुंदर सुंदर ऑप्शन में से अपना आंसर मैच करा कि नहीं टू इन टू रूट थ्री माइनस वन यही थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में बहुत है मल्टीपल क्वेश्चन है ऐसे तो क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अल्टीमेटली इट विल बी द सेम थिंग बस आपको ये ध्यान रखना है देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो नीचे जो दोनों एंगल उसका डिफरेंस बना लो बस यहां पे भी हमने यही किया था कॉन्सेप्ट तो तो सेम कॉन्सेप्ट अगर x और x बाई टू है तो ऊपर आप डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स क्रिएट कर लोगे तो वो बेसिकली कॉट बी माइनस कॉटे आ जाएगा और उसके बाद सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल है ना तो कॉन्सेप्ट एकदम चम 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 चमका ओके चम चमका चम आगे बढ़ता है अगर चम चम चमक गया तो बस इतना ही था है ना मेरे ख्याल से तो लास्ट टॉपिक फाइनली सब कुछ हमने कवर कर दिया है एंड आई होप कि सब लोगों को मजा आया होगा है ना तो अब इसके दो काम करना है अब इसके पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे इसके पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत सारे फॉर्मूलाज है आराम से सारे फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाओ मस्त वाली सुंदर हैंडराइटिंग में है ना तो फॉर्मूला का लिस्ट अलग से बनाओ शॉर्ट नोट्स अलग से बनाओ दोनों अलग अलग बना लो फॉर्मूला के या सेम ही आ जाएगा ठीक है शॉर्ट नोट्स में बेसिकली आप कॉन्सेप्टचली थोड़ा ज्यादा लिखना जैसे ये लास्ट में मैंने आपको सिखाया ना कि अगर दो एंगल है तो उनका डिफरेंस क्रिएट करो तो ये शॉर्ट नोट्स में लिखना है कि अगर दो एंगल है तो सर ने सिखाया था कि डिफरेंस क्रिएट करके तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो भी शॉर्ट नोट्स में आना चाहिए और एक आप बना सकते हो फॉर्मूला लिस्ट जिसमें बस आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं ठीक है एक कॉन्सेप्ट का बनाओ एक फॉर्मूला का बनाओ तभी फायदा होगा कभी कभी कॉन्सेप्टअल क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी आपने देखा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया ऐसे क्वेश्चन भी आता है एडवांस में ऐसे क्वेश्चन भी है जहां पे आपको दिमाग लगा के आंसर निकालना है ठीक है तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली इसमें बनते हैं फाइन आ, सर बात मत पलटो पार्टी का इंतजाम करो पार्टी हाँ पार्टी सबके लिए पार्टी पार्टी है ठीक है तो आप आप जहां पे भी बोलोगे वहां पे हम पार्टी दे देंगे ठीक है कोई बात नहीं कहाँ पे आपको पार्टी चाहिए बताओ पार्टी जहां पे भी बोलोगे वहां पार्टी मिलेगी बस एक ही शर्त है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ये है पार्टी उन्हीं को मिलेगी जिनका सिलेक्शन आई में होगा ठीक <laughs> है तो मेहनत करो और पार्टी कमाओ पार्टी कमा लोगे तो पार्टी मिल जाएगी <laughs> ये अच्छा निकाला हमने है ना आई पार्टी होगी एन पार्टी देने पार्टी मजा तभी आएगा ना जब एक रूम में मतलब सारे लोग एनवी सर के बर्थडे मना रहे और सारे आई आई है इमेजिन करो आप मतलब कोई नॉन आई है ही नहीं सारे बच्चों का सिलेक्शन आई में हो गया एनवी सर के तो हो सकता है ऐसा तो है तुम लोग कुछ कमाल करके दिखाओ तभी पार्टी देने का मन करेगा ठीक है ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा मतलब है ना कुछ कमाल करो ऐसा कि दुनिया देखती रह जाए और फिर पार्टी करेंगे हम फिर भयंकर पार्टी करेंगे फिर तो है ना ठीक है तो तो हम देंगे पार्टी आपको नहीं तुम भी दे द, डबल पार्टी कर लेंगे <laughs> डबल धमाका ऑफर निकालेंगे फिर क्या हाँ तो भाई दो वे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो पार्टी का इंतजाम कर लेना ठीक है चलो एनीवेज तो आज का जो वन शॉट है Uh, काफी इंटरेस्टिंग था है ना मजेदार था अगला वन शॉट हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज ऑन थर्सडे ज्यादा टाइम नहीं है दो दिन बाद तो तो थर्सडे थर्सडे को को करते हैं इक्वेशन खैर छोटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो बहुत ही छोटा है है ना बट बट इसमें श्योर क्वेश्चन हैं जितना आपने ट्रिग्नोमेट्री का इतना बड़ा लेक्चर देखा इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही क्वेश्चन इक्वेशन से आएंगे तो दो तीन घंटे में आप खत्म कर सकते हो और उतने ही नंबर आएंगे ठीक <laughs> है तो दैट इज द नेचर ऑफ द चैप्टर अब हम कुछ नहीं कर सकते तो थर्सडे को सब लोग आ जाना फाइन हमारा प्यारा सा लेक्चर है दो बजे एंड बाकी आपकी केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो चल ही रहे ठीक है और और बताओ और कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हो बाकी अगर आप अन सब्सक्रिप्शन पे आना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बेसिकली सारी लाइव क्लासेस होती है ठीक है देखो अगर आप अन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एक तो है ना सबसे मेन बेनिफिट है कि आप इवन जो है, जो क्रैश कोर्स कोर्स है जो लास्ट ईयर हमने बहुत सारे क्रैश कोर्स करे थे रिविजन कोर्स भी करे थे है ना जेई एडवांस का क्रैश कोर्स है फिर लास्ट मिनट रिविजन कोर्स भी है जो कि आई थिंक फिफ्टीन ट्वेंटी डेज का है तो लास्ट मिनट पे आपको क्या करना चाहिए लास्ट तीन महीने में आपको कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए तो क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज आपके लिए मिल जाएगा है ना आपको मिल जाएगा बाकी थ्योरी तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा अगर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आई विल रिकमेंड की आप यहाँ पे जो प्लस का प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन कर सकते हो वहां पे आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे मल्टीपल एजुकेटर्स है बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं क्रैश कोर्सेज है ना ड्रॉपर्स के लिए डेडिकेटेड बैचेज आप देर इलेवन ट का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आप अगर ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आप वो सो सारी रिकॉर्डिंग्स भी आप देखना स्टार्ट कर सकते हो प्लस आपकी लाइव क्लासेस भी होती है एक दिन का प्रॉपर शेड्यूल बनेगा जिसमें आपकी दिन में मान लो तीन चार क्लास आप अटेंड करोगे उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करोगे रिविजन करोगे है ना तो एक प्रॉपर शेड्यूल आपका बन जाएगा प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा प्लस यहाँ पे आप लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड भी है तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो तो ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं प्लस यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन भी है एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट क्लास तो आप अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट क्लास में आके पूछ सकते हो कभी भी पूछ सकते हो ठीक है एंड इंटरेक्टिव होती है तो यहाँ चैट का फीचर भी है तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हैंड रेस करके एजुकेटर से वहीं के वहीं आप वॉइस चैट के थ्रू आप अपनी आवाज में डाउट पूछ सकते हो ठीक है बाकी आप चैट के थ्रू भी पूछ सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब जब भी क्लास चलती है तो काफी सारे लोग चैट uh, के थ्रू भी डिस्कशन करते रहते हैं एंड प्लस मतलब आंसर और जो भी ऑप्शन है वो भी बताते रहता है ठीक है प्लस यहां पे आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ये जो ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज है वो आपकी हर संडे को होती है तो एवरी संडे यू विल बी गिविंग वन एग्जाम जैसा कि जेई में आने वाला है है ना तो एग्जैक्टली लाइक जेई आप उसको सिमुलेट करके वही वैसा ही सॉफ्टवेयर एवरीथिंग विल बी सेम और अब तो आपके एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो गए है ना तो मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स है उसमें हम कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट अपने को वहां से स्टार्ट करना चाहिए है ना मैथमेटिक्स में कितना टाइम देना चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स का कितना कितना रेशियो होना चाहिए तो वो सबके लिए अलग अलग होता है अब ऐसा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई आप ये करो तो आपका डेफिनेटली अच्छा नंबर आ जाएंगे वो सबका पर्सनल अलग अलग होता है तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा है ना कम से कम मतलब मान लो हफ्ते में आप एक बार तो मॉक टेस्ट दो वीक में एक बार आपका संडे को होता है तो हर संडे को आप दे सकते हो और हर संडे को आपको ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप मान के चलो ना कि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे तो अंदर से वो एग्रेशन नहीं आता है कि नहीं यार मतलब मेरी परसेंटाइल 97 कैसे आ गई 99 प्लस आनी चाहिए हर एक, एक एग्जाम में अगर एक भी एग्जाम में 97 आ गई ना तो मतलब अगला जो वीक है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल जाना चाहिए आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि नहीं यार क्यों नहीं आ रहे मार्क्स है ना तो वो वो बेसिकली आपको ग्रो करने का मौका तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे एक्चुअली आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन कितना है और कौन कौन आपके कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स है और किस तरह के किस लेवल के है ठीक है तो डेफिनेटली आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं बाकी आप मल्टीपल एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मल्टीपल बैचेस जो कोटा वाले एजुकेटर्स भी है आप चाहो तो आप उनके बैच में भी पढ़ाई कर सकते हो और सबके लिए आपको कुछ अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं है आपको एक ही बार का सब्सक्रिप्शन लेना है वंस यू कम ऑन द प्लेटफॉर्म आपके लिए ये जितने भी बैचेज है है ना ये तो कुछ बैच हमने यहां पे दिखा रखे बाकी और भी बहुत सारे बैचेस होते हैं तो ये सारे बैचेस आप आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे आप ये सभी एजुकेटर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो उनकी डीपीपीज डाउनलोड कर सकते हो और जो नोट्स होते हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो और जो टेस्ट होता है एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बैच के अंदर तो बैच के भी अलग से टेस्ट चलते हैं तो उसको भी आप दे सकते हो है ना तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं मल्टीपल एजुकेटर से आप कर है। की बात तो यार आपको, कि आपको काफी सारे बच्चे दिख जाएंगे जिनकी परसेंटाइल नाइन से भी ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो एनबी लाइव कर लेना है ना तो डेफिनेटली आपको इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल आल्सो गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स है ना जितने भी बेनिफिट जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो प्लस यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट जब भी आप यहाँ पे प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो जो भी नाइन टेंथ इलेवंथ वाले बच्चे उनके लिए यहाँ पे बेस्ट रहता है दो साल का सब्सक्रिप्शन जो ट्वेल्थ में है जो ड्रॉपर है उनके लिए है एक साल का सब्सक्रिप्शन ठीक है तो डेफिनेटली आप इसको प्लान कर सकते हो बाकी इसमें एक ऑप्शन आइकॉनिक का भी है आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस क्या है देखो ये प्लस है और यहाँ पे आइकॉनिक आइकॉनिक है है के जो है, वो थोड़े ज्यादा है बट ये आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं जैसे ये प्लस वाले सारे फीचर तो प्लस में आपको क्या क्या मिलेगा इफ यू गो फॉर अन एकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन यू विल गेट ऑल द लाइव क्लासेस सारी लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो है ना एवरी थिंग इज देयर इसमें आप रेज uh, हैंड करके वॉइस चैट के थ्रू भी आप इंटरेक्शन कर सकते हो प्लस में भी ठीक है प्लस में भी आप इंटरैक्शन कर सकते हो वीकली टेस्ट सीरीज होती है टेस्ट का एनालिसिस वगैरह सब कुछ आपको पता चलेगा यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी बैच में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं अलग अलग कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो है ना जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आते हैं तो क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो जाते हैं तो क्रैश कोर्सेज भी आप कर सकते हो जो इलेवंथ वाले बच्चे हैं वो ट्वेल्थ वाली क्लास में भी जा सकते हैं जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं वो रिविजन के लिए इलेवेंथ वाली क्लासेज भी अटेंड कर सकते हैं कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है है ना आप जो सब्सक्रिप्शन लोगे दैट विल बी फॉर आई आई तो इसमें कोई इलेवेंथ ट्वेल्थ के बेसिस पे भेदभाव नहीं है फाइन इलेवेंथ का भी आप कॉन्टेंट सारा देख सकते हो ट्वेल्थ का भी आप देख सकते हो फाइन तो ये सारे फीचर्स तो आपको प्लस में मिल जाएंगे आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाता है है ना तो ये एक्स्ट्रा आपको मिलता है प्लस वाले सारे फीचर्स तो मिलेंगे आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा अब ये जो पर्सनल कोच है वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे है ना आप आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो डेफिनेटली आप अपने पर्सनल मेंटर से बातचीत कर सकते हो डायरेक्टली आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा और वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा क्लास फॉर्मेट में नहीं आप डायरेक्टली उनके साथ बातचीत कर सकते हो वन ऑन वन इंटरेक्शन है एंड डेफिनेटली आपको वो अच्छे से गाइड करेंगे इंश्योर करेंगे कि आपकी ऑल इंडिया रैंक काफी अच्छी आए आपका टाइम वेस्ट ना हो है तो वीक ऑन वीक बेसिस पे यहाँ पे मीटिंग्स भी आपकी रिव्यू मीटिंग्स भी होती है ये जो रिव्यू मीटिंग्स है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने एक हफ्ते में कितना कंप्लीट किया है ना आपका जो टारगेट था उसको अचीव किया कि नहीं और अगर अचीव कर दिया तो वो धीरे धीरे वो जो टारगेट है वो भी बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली इसमें आपको फील आएगी कॉम्पिटिशन की भी फील आएगी एंड प्लस आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा स्टडी मटीरियल आपको मिल जाता है आइकॉनिक में आपको अनकेडमी का जो स्टडी मटीरियल है वो आपको अपने घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा तो हार्ड कॉपी का मटेरियल आपको मिल जाएगा ठीक है अन अकेडमी के जो ब्रांडेड नोट्स है जिसमें बहुत सारे सोल्ट एग्जाम्पल है हर एक चैप्टर का एक बुकलेट होता है और वो पूरा जो मतलब एक लिस्ट ऑफ बुकलेट है वो पूरा आपको मटीरियल मिल जाएगा ठीक है तो स्टडी मटीरियल आपको हार्ड कॉपी में मिल जाता है आ, है ना तो इसको आप यूज कर सकते हो ये जो स्टडी मटेरियल है इसको आप फॉलो कर सकते हो एक साल दो साल के लिए अगर आप इलेवेंथ में हो तो दो साल अगर आप ट्वेल्थ में हो तो एक साल के लिए तो ये पूरा मटेरियल आप सॉल्व कर सकते हो नोट्स भी है सोल्व एग्जाम्पल्स भी है इसमें है ना लेवल वाइज इसमें सब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्लस यहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप भी कंडक्ट होते हैं तो वर्कशॉप में भी आपको एक्सक्लूसिव एंट्री मिल जाएगी ओनली फॉर आइकॉनिक स्टूडेंट्स एंड टेस्ट का एनालिसिस भी आप कर सकते हो आपके जो पर्सनल मेंटर है वो आपको बताएंगे कि बेसिकली आपको टेस्ट में जो मार्क्स है उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो एनवी लाइव यूज कर लेना जो भी बच्चे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे यू कैन यूज द कोड एंड फर्दर प्लस की क्लासेज में भी मिलेंगे ठीक है चलो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का वन शॉट हमारा थर्सडे को तो थर्सडे को मिलेंगे एंड तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर